हेलो एवरीवन सो हियर आई एम विद द मैराथन मैम ये कौन सी मैराथन है इसमें आप क्या रिवाइज कराने वाले हो तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट सी एम ए इंटर कंपनी लॉ मैराथन यू ऑल नो कि हमारे पास दो तरीके के सिलेबस हैं वी हैव 2016 सिलेबस एंड वी हैव 2022 सिलेबस राइट right? टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड सिक्स के हिसाब से हमारा पेपर फाइव विजनेस लॉज एंड एथिक्स राइट ओके मैम इसमें हमारा सेक्शन सी इसमें भी हमारा सेक्शन सी इसमें सेक्शन सी क्या है कॉरपोरेट लॉज कॉरपोरेट लॉज की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमको पढ़नी है वो हमें क्या पढ़नी है कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन यहां पे भी सेक्शन सी हमारा और कुछ नहीं है इट इज कॉरपोरेट लॉज और इसमें भी एक ही चीज आती है वो क्या आती है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन राइट अब कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसकी कवरेज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू नो दिस कि थर्टी फाइव परसेंट वेटेज कैरी करता है और यहाँ पे द वेटेज हैज़ बीन इंक्रीज टू फोर्टी परसेंट दो फोर्टी परसेंट वेटेज कैरी करता है हमारे सेक्शंस कौन से कवर होते हैं सेक्शन वन से वन ट्वेंटी टू तक यहाँ पे भी सेक्शन वन से वन ट्वेंटी टू तक प्लस यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स की बातें आती हैं यहाँ पे भी कुछ डायरेक्टर्स की बातें आती हैं प्लस डायरेक्टर की बातें आती हैं बट डायरेक्टर के कुछ बेसिक्स आते हैं ऑडिटर के भी कुछ बेसिक्स वगैरह आते हैं ठीक है तो कुछ चीजें हैं भाई कंट्रोल वंट्रोल इन सबसे रिलेटेड ऑपरेशनली ये वो तो कुछ चीजें अलग हैं ओके <coughs> okay. यहां से यहां तक तो आपके लिए कॉमन है जो इसमें हम रिवाइज करेंगे बट वेन आई कम टू द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स और द लेफ्ट ओवर और एक्स्ट्रा कंपनी लॉ पार्ट विच इज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर सिलेबस उसके लिए मैंने 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू स्पेसिफिक रिविजन इस पर्टिकुलर मैराथन में कराया है ठीक है अब जो टू थाउजेंड सिक्सटीन सिलेबस वाले बच्चे हैं वो कहाँ से हैं मैम हम तो आपके भरोसे ही बैठे हैं भाई आप रिवीजन करा रहे हो तो पूरे ही कराओगे तो सबसे पहली बात अगर आपको डायरेक्टर्स पढ़ना है रिवाइज़ करना है तो हमारी जो सी एम ए फाइनल की मैराथन है आप उसका डायरेक्टर्स रिवाइज कर लोगे तो आपका एंटायर कंटेंट आपको रिवाइज हो जाएगा क्योंकि आपके में कुछ डिटेल्ड प्रोविजन दिए हुए हैं एंड यू हैव अ वाइड कवरेज दैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सिलेबस तो मैं ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सिलेबस के हिसाब से ये पोर्शन रिवाइज कराऊंगी ठीक है सो इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट फॉर योअर्स हो सकता है आपका एंटायर चीज रिवाइज नहीं हो पाए तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से सी फाइनल के मैराथन से रिवाइज कर सकते हो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मैराथन इज कॉमन फॉर बोध सिलेबस ठीक है तो 2016 सिलेबस हो या 2022 सिलेबस हो सी एम ए इंटर लॉ का कारपोरेट लॉ सेक्शन सी का कंपनीज एक्ट की कवरेज हमने यहाँ पे की है एंड ऑफकोर्स आई एम यूजिंग माई ओन हैंड रिटन चार्ट टू रिवाइज दिस एंटर मैराथन तो बच्चों के पास एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैम ये चार्ज हेल्पफुल तो बहुत है पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली वी के नॉट एफोर्ड दिस चार्ज राइट तो उसके लिए आपको एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं देखो जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही कर सकते हैं तो आपको ये चार्ज आप फ्री में मिल रहे हैं कहाँ मिल रहे हैं हमारी ऐप में मिल रहा है अब हमारी ऐप में एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम जीरो रुपये का कोई कोर्स ही नहीं क्रिएट कर सकते तो हमने एक रुपये का कोर्स क्रिएट किया हुआ है तो एक रुपये का फ्री कोर्स क्रिएट किया है जो आपको एक रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी आई एम सॉरी फॉर दैट बट करनी पड़ेगी और उसके बाद क्या होगा वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा नॉर दिस आर नॉट डाउनलोडेबल ये मत सोचना कि ऐप से जाके हम डाउनलोड कर लेंगे नहीं आप ऐप में व्यू कर सकते हो बड़े आराम से सो इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट ऐप बुक माई वीडियो नाम से हमारी ऐप है तो उसमें आप आराम से व्यू कर सकते हो और देखो मैराथन देखो ऐप में चार्ट्स व्यू करो और पूरा बढ़िया से अपना सिलेबस रिवाइज करो एक थैंक यू बोलना तो भूलना मत तो लाइक भाई सबसे पहले वीडियो का बनता है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड एन्जॉय लर्निंग ठीक है मज़ा आना चाहिए पढ़ाई करते वक्त तो मज़ा आएगा इस बात की गारंटी है इन्जॉय द मैराथन विच हेज़ बीन अपलोडेड फॉर यू ऑल होप इट हेल्प्स इन रिवाइजिंग योर एंटायर कॉरपोरेट लॉ सेक्शन न बाकी की मैराथन बाकी की मैराथन के लिए स्टे अपडेटेड एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सेक्शन वन में हमको मिलती है कुछ बेसिक बातें प्रिलिमिनरी क्या है हमारा कंपनीज एक्ट की अगर हम पूरी की पूरी कंपनी की पूरी के बात करें तो इट्स डोवाइडेड इन टू फोर सेवन शेड्यूल्स और लॉड ऑफ रूल्स ये जो सेक्शंस है ये हमारे डिवाइडेड हैं टू डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट चैप्टर वन इवन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट दैट इज चैप्टर नंबर वन प्रीलिमिनरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन आते हैं सेक्शन वन एंड सेक्शन नंबर टू सेक्शन वन जिसमें बेसिक्स पता चलता है मतलब शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी कंपनीज 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 एक्ट 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 को हम बुलाएंगे कब से शुरू हुआ और कंपनीज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा एप्लीकेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो हर कंपनी जो इस एक्ट के तहत या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है उसको हम कंपनी मानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू क्लॉस ट्वेंटी और उस पर हम अप्लाई करते हैं हमारी कंपनीज एक्ट टू थाउजेंडीन इसके अलावा हमारे पास तीन स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं बैंकिंग इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी राइट अब बैंकिंग इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों पे भी कंपनीज एक्ट लगती है पर कई बार ऐसा होता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो भी बैंकिंग कंपनी पे लगी है और बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट भी लगी है तो इन दोनों के बीच में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट मां की सुने कि बीवी की सुने कंफ्यूजन तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन ये दिया है कि आप स्पेसिफिक एक्ट की सुनेंगे आप कंपनीज एक्ट की नहीं सुनेंगे मतलब कंपनीज एक्ट इन स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज पे लगती तो है बट Only to an extent जब तक इनकी स्पेसिफिक act के provisions inconsistent नहीं होते हैं मतलब जब तक दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं तब तक तो आप सुन लो बट तो जब बातें अलग हुई तो फिर एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना या तो इसकी सुने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और हमारे पास इंश्योरेंस और इडा एक्ट है तो उन पे चले जाओ और उनकी सुनो कंपनीज एक्ट की मत सुनो इसके अलावा कोई भी कंपनी विच कैन बी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है किसी को कि उनके ऊपर ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगी इसके अलावा शायद आपने बहुत सारे बेसिक्स इधर उधर पढ़ी हो कि कंपनी क्या होती है मैम कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन परपेचुअल सक्सेशन भाई गए वो जमाने ठीक है वो फाउंडेशन में हम पढ़ा करते थे अभी अगर आपने रिकॉल पर्पसेस के लिए उसको पढ़ा है वापस दैट इज नॉट नीडेड फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है तो एग्जामिनेशन में याद करने की या रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अ कंपनी ना बेटा ना ठीक है बिल्कुल भी नहीं हम डायरेक्ट स्टार्ट फॉर आर सी ए लॉ सिलेबस मतलब एग्जाम परपस के लिए हमको डायरेक्टली स्टार्ट करना है विद टाइप्स ऑफ कंपनीज विद डेफिनेशंस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस तो इन कॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमारी तीन तरीके की कंपनी हो सकती है चार्टर्ड रजिस्टर्ड और स्टैट्यूटरी। चार्टर्ड कंपनी मतलब मैम चार्टर्ड कंपनी जो किसी चार्टर के तहत बनती है रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए और एग्जामिनेशन में हमसे पूछा भी नहीं जाएगा पर हमारा जैसे ईस्ट इंडिया चार्टर तो उसके तहत हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ब्रिटिश चार्टर राइट तो वो हो गया चार्टर क्या एक अथॉरिटी है समझ लो रजिस्टर्ड कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है स्टैचुटरी कंपनी हम बोल सकते हैं जैसे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है ना उसको भी हम स्टैचुटरी कंपनी बोल देते हैं जैसे हमारी एलआईसी राइट बॉडी कॉर्पोरेट क्या होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो सकती है जिसको सीजी नोटिफाई करती है वो कोई फॉरिन uh, कंपनी भी हो सकती है कोई स्टैचुटरी कंपनी जैसा हमने बोला वो भी हो सकती है मतलब किसी भी दूसरे स्टैच्यूट के तहत कुछ बना है जिसमें सेम फीचर्स हैं एज ऑफ अ कंपनी कंपनी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉरपोरेट हमने ये लाइन एक स्टैब्लिश uh, की हुई है ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट कंपनीज ये सारी बातें नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हां ठीक है आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में होनी चाहिए इसलिए ये सारी चीजों को मैंने एक बार क्विक रिकॉल कराया ऑफ कोर्स वी आर डूइंग रिवर्सल तो भर भर के मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे सकती बट लेट्स प्रोसीड फर्दर हमारी कंपनीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी नाउ व्हेन आई से लिमिटेड बाय शेयर्स इसका मतलब ये नहीं है भाई कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई हम ठीक है कंपनी बनाते हैं कंपनी के मेंबर्स की लैबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है मतलब कंपनी ने बैंक से लोन लिया पांच करोड़ और उसके बाद बोले हमारी लाइबिलिटी तो ना सिर्फ पचास लाख तक लिमिटेड है हम आपको पांच करोड़ वापस नहीं करेंगे ऐसा कंपनी नहीं बोल सकती है हाँ कंपनी अपने मेंबर्स से कितने पैसे ले सकती है सिर्फ उतने ही जितने की अनपेड है ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम दैट मींस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम दैट इज फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसे ही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जब आती है तो आप अपने मेंबर्स से सिर्फ उतना ही पैसा मांग सकते हो जितने की उन्होंने गारंटी दी थी उससे ज्यादा नहीं मांग सकते मतलब उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ गारंटी इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कुछ कंपनीज हमारी अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं अनलिमिटेड कंपनी कोई क्यों बनाएगा भाई अनलिमिटेड कंपनी बनानी तो प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप चलाओ ना उसका तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज यही है कि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं मिलता है मतलब लोन लिया बिजनेस ने डूबेगा हमारा घर द्वार राइट right? तो ये चीज कंपनी में नहीं होती है तो कंपनी को बनाएगा तो आखिर लिमिटेड कंपनी बनाएगा ना अनलिमिटेड क्यों बनाएगा बट होता है तो सेक्शन टू क्लॉज नाइनटी में हमारे डिफाइंड है कि ये वाली कंपनी को हम अनलिमिटेड बोलते हैं जहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड देन कम्स अब फाइनली हमारा मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में है वो शुरू होने वाली है हो, और पहली चीज भाई कंपनी

कंपनी है जो बनाना चाहती है मतलब दो लोग हैं जो बनाना चाहते हैं एक प्राइवेट कंपनी को और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ दस हजार से कंपनी बनाए क्या वो बना सकते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी है भाई एक्ट में लिख तो दिया है सेक्शन में लिख तो दिया है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बट कमाल की बात यह है कि कुछ प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है मतलब जीरो अमाउंट हैज बीन नथिंग बीन यार तुम कितने से भी कंपनी बनाओ आपकी मर्जी पर रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम दो लोग जरूरी होते हैं टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी ऑल अगर मैं इस इंफॉर्मेशन की बात करूं कि कम से कम दो लोग जरूरी हैं ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है सेक्शन नंबर थ्री में जब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अ कंपनी में बी फॉर्म एज अ प्राइवेट कंपनी विद टू मेंबर्स ओपीसी विद वन मेंबर एंड एज अ पब्लिक कंपनी विद सेवन मेंबर्स तो ये ब्रॉडली इंफॉर्मेशन हमें वहां जाके मिलती है मैम यहां क्या मिलता है यहां पे मिलते हैं तीन चीजें रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन एक प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है रिस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या होता है जैसे कहीं जाते हैं ना हम लोग मंदिर में गए और मंदिर में वहां पे लिखा है फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मतलब क्या है थोड़ा सा धीरे से कैमरा निकाल के खींच सकते हैं नहीं प्रोहिबिटेड है मतलब प्रोहिबिटेड है मना है और दो लोग निकाल के ऐसे ऐसे धीरे धीरे खींच लेते हैं पर मना है वो कानून मना हो गया ठीक है प्रोहिबिशन है तो एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है कि आप एक प्राइवेट कंपनी बना के जनता के पास नहीं जा सकते हो प्राइवेट पार्टी अगर मैंने दी है तो उसमें कोई भी आ सकता है क्या नहीं आ सकता है वो ही आ सकता है जिसको मैंने बुलाया हो right? राइट तो हम जनता के पास नहीं जा सकते हैं पहली चीज वी कैन नेवर इनवाइट पब्लिक कि आप हमको पैसा दीजिए हम आपको सिक्योरिटीज इश्यू करेंगे नहीं आपने एक प्राइवेट स्पेस खोली है आपको जिससे जिससे पैसा चाहिए आप उसके उसके पास जाओ आप एक जनरल ऑफर नहीं दे सकते यू ऑफर हैज टू बी स्पेसिफिक इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है दूसरी बात रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स ठीक है जैसे आपके घर में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन कभी कभी इंपोज होते हैं कि चलो रात में इतनी देर से नहीं आना है रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन है मतलब अगर जरूरत पड़ी तो सब्जेक्ट टू नेसेसरी परमिशन आप वो काम कर सकते हो क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा प्रोहिबिशन थोड़ी ना है मतलब द शेयर्स कैन बी ट्रांसफोर्ड अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैंने पैसा लगाया हुआ है मुझे शेयर्स मिले हैं और अब मुझे ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचना है और मुझे कुछ और करना है तो मैं कि किसी को दे ही नहीं सकती मैं फंस गई जिंदगी भर के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना हर चीज को ऑप्शन होता है यार ट्रांसफर का भी ऑप्शन है पर सब्जेक्ट टू कंसेंट तो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसमें और होता है एक जबरदस्त लिमिटेशन लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 एक प्राइवेट कंपनी में उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं ठीक है तो कम से कम दो लोग ज्यादा से ज्यादा दो सौ लोग क्वेश्चन जो काफी पॉपुलर है एग्जामिनर का वो क्या होता है वो होता है इस लिमिटेशन और इस एक्सेप्शन से जुड़ा हुआ कि मैक्सिमम 200 लोग अलाउड है उसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं जो है प्रेजेंट एंड पास Present and past employees, मतलब, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी कंपनी ने अपने इंप्लॉयज को शेयर इशू किए हैं अंडर इमथिंग अभी आपको पता नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता भी नहीं रही हूं तो आपको क्या करना है उन लोगों को शेयर उन होल्डर्स उनको इस दो सौ की लिमिट में काउंट नहीं करना है दे विल भी ट्रीटेड एज मेम्बर्स बट वे इस लिमिट में काउंट नहीं होंगे अगर वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और फिर भी वो हमारे शेयर होल्डर्स रहे पर अब हमारे एम्प्लॉयज़ तो नहीं रहे मतलब फॉर्मर एम्प्लॉज या पास्ट एम्प्लॉयज हो गए तो भी वो 200 सौ के लिमिट में काउंट नहीं होते हैं अदरवाइज 200 के अंदर अंदर ही हमको नंबर ऑफ मेंबर्स रखने होते हैं अगर 200 से एक करेंगे तो हमको कंपल्सरली कन्वर्ट करानी पड़ती है अपनी प्राइवेट कंपनी इंटू अ पब्लिक कंपनी ओपीसी और स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है हर प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में लिखती है प्राइवेट लिमिटेड दूसरी चीज आती है हमारी पब्लिक कंपनी की सेक्शन टू क्लॉज सेवेंटी की डेफिनेशन बड़ी सुलझी हुई है 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 वो वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं पब्लिक और उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए एज प्रिस्क्राइब अगेन नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम में कहां से मिलता है सेक्शन थ्री में मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है क्लियरली कोई लिमिट नहीं है और जैसे हमारे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन और लिमिटेशन था इनके आर्टिकल्स में कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन और लिमिटेशन नहीं है एक कमाल की बात जो इस डेफिनेशन में निखरती है या अलग है वो क्या है सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी मतलब किसी पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडियरी होती है तो हम बोलते हैं आप तो बड़े लोगों की छत्र छाया में हो तो आपको हम छोटा कैसे मान लें है ऑल दो ये एक मिसकनसेप्शन है कि प्राइवेट कंपनी छोटी होती है और पब्लिक कंपनी बड़ी होती है छोटी प्राइवेट प्राइवेट <laughs> right? तो ही होती है बस उन्होंने पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया है उनको पब्लिक से फंडिंग की जरूरत नहीं है उनके पास खुद इतना पैसा है कि चलाए जा रहे हैं ठीक है देन कम्स योर ओपीसी सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी टू भाई वन पर्सन कंपनी क्या होती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन मेंबर होता है मिनिमम भी एक मैक्सिमम भी एक अगर मैं डायरेक्टरशिप की बात करूं तो प्राइवेट में कम से कम दो डायरेक्टर्स पब्लिक में कम से कम तीन डायरेक्टर्स और ओपीसी में कम से कम एक डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर्स तीनों में पंद्रह होते हैं ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ नौ वन पर्सन कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है इसके बारे में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन हमको तब मिलती है जब हम पढ़ते हैं अबाउट How OPC ओपीसी फॉर्म्ड एंड हु कैन फॉर्म OPC तब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई एक नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट हो या ना हो वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है OPC उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है वो खुद मेंबर और सोल डायरेक्टर हो सकता है एक से ज्यादा OPC आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो एंड इट इज नॉट अलाउड टू बी कन्वर्टेड इन टू अ सेक्शन एट कंपनी ठीक है बाकी हम डिटेल्स पढ़ते हैं भाई इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल सबसे पहले हमें आइडियली पढ़नी चाहिए सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन टू क्लॉज एटी सेवन अगेन क्लॉज नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है मैम क्या है डेफिनेशन दो चीजें आती है एक कंपनी अब हम सब्सिडियर कंपनी बोल रहे हैं ठीक है तो कोई एक इंडिविजुअल होल्डिंग सब्सिडियरी यह सब नहीं हो सकता है कंपनी बोल रहे हैं भाई सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट आप समझते हो मतलब एक है तो दूसरा है वो नहीं है तो वो स्टैंड अलोन कुछ नहीं मतलब अगर मैं बोलूं कि क्या तुम कंपनी हो हाँ मैं कंपनी हूं उसके लिए किसी और का कुछ होना जरूरी नहीं है पर क्या तुम सब्सिडियरी हो मैं किसकी सब्सिडियरी हूं तो उसके लिए किसी का होल्डिंग होना जरूरी है तब हम होल्डिंग सब्सिडियरी हुए तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ठीक है तो इन रिलेशन टू अदर कंपनी हम देखते हैं कि क्या मैं सब्सिडियरी हूं या मैं होल्डिंग हूं तो अगर मैं सब्सिडियरी की बात कर रही हूं एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है या फिर हमारे हमारे वोटिंग पावर मोर देन हाफ वोटिंग पावर का कंट्रोल रखती है अब मोर देन हाफ वोटिंग पावर का मतलब क्या है इसके लिए सवाल ये उठता है कि वोटिंग पावर क्या होती है भाई वोटिंग पावर इज एज गुड एज शेयर होल्डिंग ट द टा य जब तक नहीं पढ़ते तब तक जो शेयर होल्डिंग वही वोटिंग पावर वन शेयर इज इक्वल टू दस वोट हमारे पास दस वोट हो गए है ना उसको डिवाइड कर दो टोटल कितने वोट है उतनी वोटिंग पावर है हमारे पास उतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर है ठीक है तो आप ऐसे ही कंप्यूट करते हो डीवीआर क्या होता है मैम वो बाद में पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है बट

subsidiary holds more than 50% shares in c hence c is also called as the subsidiary of e clear here ठीक है, है मैम एक कमाल की बात और लिखी हुई है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया है रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी a की b b की c c की d d की e ये लेयरिंग ऐसा नहीं a की b b c d मतलब जैसे reliance की बहुत सारी subsidiaries है भाई वो अलाउड है हमको लेवरिंग अलाउड नहीं है ठीक है और लेयरिंग कितनी अलाउड नहीं? No नहीं है नॉट मोर देन टू लेयर्स नो कंपनी शैल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज दो के बियॉन्ड अलाउड नहीं है ठीक है मैं वैसा क्यों किया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई 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 कंपनीज बन रही हैं शेल कंपनीज बनती है इधर ये डिवेट करने के लिए उधर वो डिवेट करने के लिए और क्या होता है सोर्स और ओरिजिन मतलब सब चीजें क्या होती है दूर होती चली जाती हैं भाई कहाँ क्या जा रहा है तो लॉन्ड्रिंग ये सब बहुत मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है सो so, लेयरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप दूर नहीं हो सकते हो बहुत ज्यादा दूर नहीं कर सकते हो मनी को कि यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तो डिफिकल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक ठीक है तो नॉट मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज आर अलाउड ठीक अब होल्डिंग कौन सी होगी इन रिलेशन टू अदर कंपनी जिसकी सब्सिडियरी होल्डिंग है ठीक है, है तो दिस डेफिनेशन वेरी सिंपल इसके बाद आती है हमारी एक और कंपनी जो है एसोसिएट कंपनी सेक्शन टू क्लॉज सिक्स अगेन इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एक कंपनी है ए जो ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर होल्ड करती है बी में क्या मैं बोल सकती हूँ बी सब्सिडियरी और ए होल्डिंग आंसर इज नो मैम आप ऐसा नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि यहाँ मोर देन हाफ परसेंट वोटिंग पार नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि फिफ्टी परसेंट मोर देन हाफ में बोलती हूँ तो फिफ्टी पॉइंट फाइव बोल देती हूँ चलो ऐसा नहीं है कि इतने शेयर्स होल्ड किए नहीं यहाँ तो सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर्स होल्ड किए तो क्या इनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है अरे यार थोड़ा मोड़ा तो हो सकता है ना चलो बीवी नहीं बनाई है गर्लफ्रेंड तो बना ही सकते हो बना सकते हो कि नहीं बना सकते थोड़ा सा कनेक्शन तो है ना ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा अगर वोटिंग पार का कंट्रोल है पर आप सब सीरियर नहीं बन पाए तो कहीं आप बीच मझधार में जो रहते हो आप बन जाते हो उस कंपनी की एसोसिएट बिकॉज यू हैव सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ठीक है मैम जो कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है ये कंपनी एसोसिएट है ये कंपनी एसोसिएट है या इन दोनों को हम एसोसिएट बोलते हैं क्योंकि वहां पे तो हमें समझ में आए, ये होल्डिंग है तो दूसरे को क्या होल्डिंग बोलेंगे ना, ना, ना. हम दूसरे को बोलते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी मैम ये कहा लिखा है no, दिखाऊंगी कि ये कहा लिखा है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी ट कंपनी so, मतलब वो कंपनी जो सब्सिडिय तो नहीं बन पाई बट उसका उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है एक दूसरी कंपनी का या फिर ज्वाइंट वेंचर है तो उसको भी हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एसोसिएट कंपनी राइट देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल मैं पहले थोड़ा सा आगे बढ़ी हूं एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे बीच में मिलेगी तो मैं चार्ट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नॉट एग्जैक्टली हाँ ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल भी हम बोल सकते हैं कंपनीज हमारी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल होती है वेरी सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल हमारे पास मार्केट होता है समथिंग कॉल्ड आज स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई एक मार्केट है जैसे पालिका बाजार है सरोजनी नगर है सुना होगा करोल बाग है वैसे हमारे पास ये भी एक मार्केट है इस मार्केट में क्या मिलता है मैम इस मार्केट में मिलती है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज मतलब मैम इक्विटी बॉन्ड्स डेरा सब आप जाओ खरीदो और तो और जैसे ओ है आप जाओ बेच दो वैसे आप बेच भी सकते हो खरीद सकते हो बेच सकते हो मतलब मैम सारे सेकेंड हैंड गुड्स मिलते हैं हाँ काइंड kind ऑफ of, हम इसको सेकेंडरी मार्केट ही बोलते हैं ऑल दो ये शेयर्स है बेटा जैसे पैसा कभी सेकेंड हैंड नहीं होता ना वैसे हमारी सिक्योरिटीज भी सेकेंड हैंड नहीं होती है ये सारी के सारी फर्स्ट हैंड ही होती है भाई उतने की वैल्यू उसकी डिप्रिसिएट नहीं होगी कि हमने चार बार यूज कर लिया तो हमारे कपड़े की वैल्यू कम हो गई तो ये एक मार्केट है अब क्या इस मार्केट में मैम जिस भी कंपनी के शेयर्स हो सबके सब अवेलेबल होते हैं नहीं सिर्फ उन कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज अवेलेबल होती हैं जो ये मौका देती हैं मतलब जो जाके अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती हैं अब कंपनी ने सॉरी गवर्नमेंट ने भी बड़े सारे नियम बना रखे हैं गवर्नमेंट ने बोला एक पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी तो कभी पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती पर पब्लिक कंपनी तो पब्लिक के पास जा सकती है ना और पब्लिक कंपनी भी हो सकता है वो पब्लिक के पास ना जाए पब्लिक कंपनी हमने सात लोगों ने मिलकर बना तो ली पर हमें जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला ऐसा हुआ ही नहीं कि हम पब्लिक के पास जाएंगे हम आईपीओ लाएंगे दस रुपए दो और कंपनी के मालिक बन जाओ ऐसा ऐसा गुरु का डायलॉग हमने कोई नहीं मारा हम वही के वही हैं। तो पब्लिक से पैसे उठा के हम करेंगे क्या तो हमने कभी पब्लिक ऑफर जीवन में नहीं दिया ऐसी बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं पर अगर पब्लिक ऑफर दिया तो सरकार थोड़ी सीरियस हो जाती है बोलती हमारे देश के जनता को तुमने ऑफर दिया तुम उनसे पैसे लोगे भाई उनके साथ तुम धोखाधड़ी नहीं कर सकते उनके साथ हम बड़े सीरियस हैं और हम इतने सीरियस हैं कि हम ये बोलते हैं कि कंपलसरी है मैंडेटरी है इनको एक मार्केट आप दो जहां पे ये अपने सिक्योरिटीज को खरीद बेच पाए बिकॉज द ऑफ अ पब्लिक कंपनी रियली ट्रांसफरेबल यू मस्ट गिव गि प्लेटफॉर्म वेन यू मेक अ पब्लिक ऑफर ठीक है उस सब चीजें हम बाद में पढ़ते हैं फिलहाल कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी की सिक्योरिटीज इस मार्केट में हमारे पास बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हैं मतलब बहुत सारे मार्केट्स पॉपुलर तो ones, BST, तो नेशन वाइड तो वो क्या कर सकते है? वहां पे कर हैं वहां वहां पे पे लिस्टिंग और बोले कि हमारी सिक्योरिटीज को आप लिस्ट करो मतलब कोई भी आए यहां से ये खरीद सकता है यहां से ये बेच सकता है आपस में ये लोग कर सकते हैं काम तो हम इनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ठीक है अब ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी पर इसमें बहुत सारा झोल आता है पहले बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी अब बहुत सारा झोल आने लगा प्रॉब्लम क्या होने लगी कि लिस्टेड कंपनी जैसे आप बोलते हो ना लिस्टेड कंपनी भाई क्लास तो बढ़ता ही बढ़ता है साथ साथ कंप्लाइंसेस भी बहुत बढ़ते हैं से भी अलग डंडा करती रहती है आपके ऊपर और तो और कंपनीज एक्ट भी आपको कहीं से नहीं छोड़ती है तो कंपनीज एक्ट भी बड़ा सीरियस सी हो जाती है नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ कंपनीज एक्ट पुट्स अ लॉट ऑफ कंप्लांज ये फॉलो करो वो फॉलो करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओ वुमेन डायरेक्टर बनाओ ऐसा करो वैसा करो बहुत सारे कंप्लांसेज हो जाते हैं अब ऐसे में फर्स्ट जाती हैं कुछ कंपनीज कुछ कंपनीज मतलब कौन सी कंपनीज जैसे एक प्राइवेट कंपनी मैं प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर दे ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते तो प्राइवेट कंपनी अगर एक स्टॉक मार्केट में आ जाएगी तो कोई भी आएगा और खरीदेगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है तो प्राइवेट कंपनी मतलब कभी भी लिस्टिंग नहीं करा सकती है करा सकती है मैंने आपको समझाया हुआ है मैं यहाँ पे क्विक व्यू देती हूँ हमारे पास कुछ ऐसे भी मार्केट्स होते हैं या प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे पब्लिक नहीं आ सकती जहां पे कुछ अलग लोग आते हैं वैसे ही हमारे पास एक आईजीपी करके भी होता है ट्रेडिंग uh, प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म खैर प्राइवेट कंपनी शॉर्ट में क्रक्स बताती हूँ प्राइवेट कंपनी सेबी रेगुलेशंस के तहत अपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकती है तो जैसे ही उसने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कराई कंपनीज एक्ट तो उसको लिस्टेड कंपनी का नाम दे देगी और जैसे ही उसको लिस्टेड कंपनी दिया नाम उसको बोला सारे कंप्लांसेस पूरे करो भैया फर्स्ट जाएगी ऐसे तो प्राइवेट कंपनी बोले हमने तो छोटी सी कंपनी बनाई थी इतने कंप्लांसेस हम कहाँ से पूरे करें तो उनको बोला कि आप लिस्टेड कंपनी फॉर कंपनीज एक्ट नहीं कहलाओगे अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो और आपने सिर्फ अपनी लिस्ट कराई हैं तो भी आप एक लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाओगे फॉर कंपनीज एक्ट। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो और आपने अपने शेयर्स रिमेंबर जब तक इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं होती है इक्विटी शेयर्स अगर आपने पब्लिक ऑफर दे के निकाले हैं और उसके बाद आपने लिस्टिंग कराई है तो ही आपको हम एक लिस्टेड कंपनी मानेंगे अगर डेट सिक्योरिटीज या प्रेफरेंस शेयर्स प्रिफरेंसर्स आर नॉन कन्वर्टेबल वो लिस्ट कराया हुआ है इशू करके आपको हम एक लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप फॉरन स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग करा लो अगर आपने ऐसा किया है तो भी हम आपको एक लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे सो दीज आर सर्टन एक्सेप्शन विच यू मस्ट रिमेंबर ठीक है ओके फाइन मैम अब आते हैं हम अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज पे सबसे पहली हमारी स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी के हाथ मुंह पैर सारा कुछ धो के गवर्नमेंट पीछे पड़ गई है स्मॉल कंपनी क्या होती है भाई एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को कभी भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते एक प्राइवेट कंपनी जिसका अप कैपिटल

जिसका टर्न ओवर इज लेस देन इक्वल टू टू करोड़ सौ करोड़ हो सकता है कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है पहले बीस अब चालीस एक स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन एट कंपनी नहीं होगी अगर वो किसी की होल्डिंग है तो वो स्मॉल नहीं है अगर वो किसी की सब्सिडियरी है तो वो स्मॉल नहीं है अगर इट इज अ कंपनी बाय स्पेशल एक्ट तो वो स्मॉल नहीं है क्लियर उसके बाद आती है हमारी सेक्शन एट कंपनी भाई सेक्शन एट कंपनी वो कंपनी होती है जो हम सोशल वेलफेयर समाज सेवा चैरिटी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं इसमें लाइसेंस की जरूरत होती है जो इनकॉर्पोरेशन के साथ ही हमको मिल जाता है इस कंपनी में प्रॉफिट कमाना मना होता है मैम प्रॉफिट अगर गलती से हो जाए तो हो जाए तो ठीक है पर अपनी जेबें नहीं भर सकते हम प्रॉफिट जो भी होगा उसको हम सरप्लस बोलते हैं और उसको हम यूज करते हैं उसी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के लिए सेक्शन एट कंपनी नाम ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो बनती है फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स आर्ट साइंस कल्चर स्पोर्ट्स एटसेट्रा बाय अ लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल एटसेक्ट्राइटेनिंग्रवर्नमेंट इसके प्रॉफिट्स आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जो भी प्रॉफिट होगा वो यूटिलाइज होगा ओनली एंड ओनली फॉर प्रमोशन प्रमोशन ऑफ पॉट नाउ प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए वो बनी है, है? ठीक सेक्शन एट कंपनी कभी भी आप नाम सुनोगे, जैसे रिलायंस फाउंडेशन तो आपको दिखेगा कि इसमें लिमिटेड भी नहीं होता है प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं होता है और कंपनी बनती है बट वो नहीं होता है ठीक है चल हमारी कंपनी देखो पूरे act में तीन ही कंपनी बन सकती है प्राइवेट पब्लिक या ओपीसी मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करने का कोई ऑप्शनल नहीं जो कंपनी बनती है प्राइवेट या पब्लिक ही बनती है ठीक है पर अगर उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है तो हम उसको गवर्नमेंट की तरह बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी बोल देते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ये हैज टू बी क्लियर एंड इट विल बी क्लियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल अगली भाई हमारी क्या आती है आती है गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव हमने सब्सिडियरी में पढ़ा था मोर देन फिफ्टी परसेंट यहां हम पढ़ते हैं एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट और मोर ऑफकोर्स किसके पास कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम फिफ्टी वन परसेंट या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या ज्वाइंटली इन दोनों के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर होता है तो इट इज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है तो इट इज इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट राइट तो ऐसे हमारे पास शेयर होल्डिंग होती है क्योंकि किसी भी कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा अगर ऐसा है इनके कॉम्बिनेशन में है तो भी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड इट इंक्लूड्स इंक्लूड सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो उस सब्सिडियरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे इसके बाद आता है हमारा फॉरेन कंपनी सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी टू फॉरन कंपनी का मतलब क्या है देखो जो इंडिया के बाहर बनी इंडिया के बाहर काम कर रही है हमें फर्क ही नहीं पड़ता हम क्यों उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके ऊपर हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन क्यों लगेंगे तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो जाती है भाई बाहर बने हो बाहर काम करो पर अगर आपने सुर ताल यहाँ छेड़े हैं मतलब इंडिया में आके कुछ तो कुछ किया है आपने इंडिया में कुछ बिजनेस कर रहे हो आप बाय स्टैब्लिशिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया से हाउ डू यू स्टैब्लिश ऑफ बिजनेस इन इंडिया इट कैन बी फिजिकल प्लेस इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक प्लेस आजकल पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो रही भाई हमने कौन सा आपके शहर में आके कोई झंडे गाड़े हैं कि प्लेस स्टैब्लिश की है हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं पर हम आपके घर पे आके आपको सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं मतलब इंडिया में आके हम सर्विस दे रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हैं सो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आई हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया राइट सो आई एम कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया तो अगर कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी है मतलब इस इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है इनकॉर्पोरेटेड नहीं है बाहर बनी है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वेदर फिजिकली और थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मोड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मोड पूरा का पूरा डिफाइंड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंकारपोरेट होती हैं मैंने कीवर्ड्स इसके लिए मार्क कराए हुए हैं फॉर ऑल दोजोंट नो थोड़े से कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं जैसे डेटा इंटरचेंज है क्लाउड कंप्यूटिंग है राइट वेब बेस्ड मार्केटिंग है हमारी डिजिटल सप्लाई है तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें इसके लिए स्पेसिफिकली याद होने चाहिए फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्ट ठीक है तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं फॉरेन कंपनी इसके बाद आती है हमारी डोरमेंट कंपनी डोरमेंट कंपनी इस चैप्टर में है ही नहीं फिर भी हमारे इस चैप्टर में डाली हुई है सेक्शन फोर नॉट इन सेक्शन नंबर टू अभी तक सारी डेफिनेशन हम सेक्शन टू में पढ़ रहे थे ये सेक्शन फोर की है कंपनी फॉर्म फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्यूचर विद नो सिग्निफिकेंट transaction. सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है सिग्निफिकेंट transaction means ट्रांजेक्शन अदर दैन भाई हमें कंपनी चलानी है आरओसी को कुछ फाइलिंग करनी है उसका पैसा देना वो तो करना ही करना पड़ेगा ना तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमको करनी ही करनी पड़ती है जैसे पेमेंट फीस टू रजिस्ट्रार पेमेंट टू फुलफिल एनी अदर रिक्वायरमेंट अंडर एनी अदर लॉ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस तो इन चार ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के अगर हम कोई भी और ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर कोई कंपनी आपने बनाई है कि अभी हमें काम नहीं करना है हमें तो दो साल बाद काम करना है और अभी आप इसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो आप आर ओ सी को अप्लाई कीजिए कि आप मुझे डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए ऐसे में आसानी क्या होती है आपको भी कम कंप्लाइंसेस होते हैं और आर को भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं रखना होता क्योंकि उनको पता होता है ये तो ठंडी कंपनी है अभी अभी ये एक्टिव कंपनी है नहीं इसमें कुछ कामधाम हो नहीं रहा है या फिर अगर आपने कंपनी तो बनाई थी काम करने के लिए पर कुछ टाइम बाद वो इनएक्टिव हो गई मतलब उसमें दो साल से बिजनेस नहीं हो रहा है या दो साल से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है या आपने दो साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलो रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी एक इनएक्टिव कंपनी हो गई और तब भी आप आर को अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑपटेनिंग द स्टेटस ऑफ कंपनी ठीक है फाइन मैम इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी मार्च तक ना? हम लिखते कैसे हैं ये हमारा होता है पर कुछ companies जो January या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती हैं तो उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर थर्टी फर्स्ट मार्च पे ही खत्म हो जाएगा तो भाई वो क्या करेंगी वो अपना बिजनेस करेंगी या वो कंप्लाइंस में लग जाएंगी तो उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगले थर्टी फर्स्ट मार्च पे एंड होता है बाकी फिर हमारा सेम होता रहता है इसमें एक चीज और आती है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसकी होल्डिंग है जो फॉरेन है, और वहां के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए उनका ईयर अलग आपका ईयर अलग तो आप अप्लाई करिए गवर्नमेंट को और आप दूसरा ईयर भी फॉलो कर सकते हो ठीक है चलो इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन की मैनेजेरियल पर्सनल जो प्योर रट्टा है भाई कौन कौन होते हैं के एम पी सी ओ एम डी मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम डायरेक्टर सी एफ ओ कोई भी ऑफिसर जो एक लेवल बिलो है और प्रिस्क्राइब ऑफिसर कोई प्रिस्क्राइब फिलहाल है नहीं ठीक है तो इनको हम बोलते हैं के एम पी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जब हम कंपनीज एक्ट की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो कंपनीज एक्ट में जगह जगह लिखा हुआ यह नहीं किया तो पेनाल्टी लगेगी किस पे लगेगी ये कंपनी पे या ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। कौन होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंपनी तो हमें पता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट हमारा क्लम होता है एम पी नहीं है तो कोई डायरेक्टर जो स्पेसिफाइड है अगर कोई डायरेक्टर नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर्स सो इट कैन बी के एम पी इट कैन बी होल टाइम इट कैन बी पर्सन अंडर द बोर्ड और के एम पी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी बचने का तरीका क्या होता है बचने का ये तरीका होता है कि अगर आप एक डायरेक्टर हो आप अवेयर नहीं थे आपने अपनी कंसेंट नहीं दी तो आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता है अदरवाइज देयर कैन बी वन ऑफिसर इन डिफॉल्ट देर कैन बी मोर ऑफिसर इन डिफॉल्ट आल्सो, राइट चल अब थोड़ी डिफिकल्ट वाली डेफिनेशन रिलेटिव तो बहुत रिलेटेड पार्टी थोड़ी डिफिकल्ट होती है रिलेटिव क्या है भाई ये हम है इंडिविजुअल का ही रिलेटिव होते हैं कंपनी का रिलेटिव नहीं होता है भैया हमारे रिश्तेदार समझ जाए वही काफी कंपनी के भी हम रिश्तेदार बना देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपनी का क्या होती है होल्डिंग एसोसिएट तो उनके रिलेटिव होते हैं ठीक है थीके? हमारे रिलेटिव मतलब एक इंडिविजुअल फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन वाइफ डॉटर डॉटर्स हजबेंड राइट और द देंबर्स ऑफ एच एफ स्पाउस ये प्रेस है ये रिलेटिव होते हैं सिंपल बहुत सिंपल डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है हमारी रिलेटेड पार्टी की सेक्शन टू क्लॉज हम सिक्स है ये ये बहुत सिंप्लीफाई किया है मैंने अब देखो सिंप्लीफाई कैसे किया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर एक बच्चे से क्योंकि मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड आप देखोगे कहीं पे भी सो टेक अ स्क्रीनशॉट योर ओन रेफरेंस एंड ट्राई ट्राई टू रीड इट टू थ्री फोर टाइम्स ताकि आपके दिमाग में ये चीजें ना बैठेंगी थोड़ी देखो कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है उसका डायरेक्टर डायरेक्टर का रिलेटिव जितने भी ना पर्पल से इनसर्कल्ड है वो इस कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है जितने भी पर्पल से इन सर्कल्ड है मतलब जितने सर्कल उतनी रिलेटेड पार्टी हमने इस डेफिनेशन में स्टैब्लिश की है कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है डायरेक्टर का रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है कंपनी के लिए उसका के रिलेटेड पार्टी है रिलेटिव ऑफ के रिलेटेड पार्टी है कंपनी के लिए वो फर्म रिलेटेड पार्टी है जिसमें डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर का रिलेटिव या मैनेजर का रिलेटिव पार्टनर है कंपनी के लिए वो प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी है जिसमें डायरेक्टर मैनेजर उनके रिलेटिव मेंबर या फिर डायरेक्टर हैं कंपनी के लिए वो पब्लिक कंपनी रिलेटेड पार्टी है जिसमें कि डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर हैं और होल्ड करते हैं मोर देन 2% ऑफ पेड शेयर कैपिटल कंपनी के लिए वो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन कोई भी हो सकता है रिलेटेड पार्टी है जिसके डायरेक्शन पे डायरेक्टर और मैनेजर काम कर रहे हैं कंपनी के लिए उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट रिलेटेड पार्टी है कंपनी के लिए सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग रिलेटेड पार्टी है कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी है अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब अगर आप इस तरीके से याद करोगे ना आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा रिलेटेड पार्टी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है लॉ इतना ईजी नहीं है कि हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड क्यों भी हो जाता है क्योंकि डेफिनेशन्स हैं और uh, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर बट आपको पूरे लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझनी पड़ेंगी और गहराइयों में जाके समझनी पड़ेंगी और समझने के बाद भी गारंटी नहीं है कि नंबर मिल जाएंगे क्यों क्योंकि लिखना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो प्रेजेंटेशन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके बाद आपकी जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी डेफिनेशन अच्छा मैं एक बात बता दू तो, मैंने आपसे इतनी डेफिनेशन तो डिस्कस ही नहीं की है जो कि आपको चैप्टर वन में दिखती हैं क्यों क्योंकि ये सारी डेफिनेशन अलग अलग चैप्टर्स में इनकी रिक्वायरमेंट है ठीक है चैप्टर का नाम भी लिख रखा है तो उन चैप्टर्स में हम जाके पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो बोर्ड बोर्ड का मतलब सारे डायरेक्टर्स को मिला के होता है ब्रांच ब्रांच मतलब क्या होता है कोई भी कंपनी का स्टैब्लिशमेंट सीईओ जो सीईओ है सीएफओ जो सीएफओ है कंट्रीब्यूटरी वो मेंबर जो लाइबल है टू कंट्रीब्यूट कंपनी जब बनती है उसके बाद मेंबर होता है कंपनी बनने से पहले सब्सक्राइबर होता है और कंपनी के जब फाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाता है तो वो कंट्रीब्यूटरी हो जाता है ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेंबर आपको पता है कि क्या होते हैं नेटवर्क की हमारे पास एक डेफिनेशन है शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्यूमलेटेड लॉसेस ठीक है तो हमारे पास सिंपली चीजें होती हैं प्रिस्क्राइब्ड जहां पे भी आप पढ़ोगे प्रिस्क्राइब का मतलब वो है जो रूल्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन हम बाद में पढ़ते हैं बट फिर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल मेजोरिटी के साथ लिया हुआ फैसला स्पेशल रेजोल्यूशन थ्री फोर्थ मेजोरिटी हमको चाहिए होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब आर जो सारे हमारे रिकॉर्ड्स रखते हैं और इट इंक्लूड्स योर डेप्यूटी रजिस्ट्रार योर असिस्टेंट रजिस्ट्रार सब आ जाते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो रजिस्ट्रार मेंटेन करता है कि हमारे इंडिया में इतनी कंपनीज हैं ठीक है तो उसकी बात uh, हो जाती है एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल इज अगेन एन अथॉरिटी वच इज अंडर द जैसे हमारे पास बाहर कोर्ट होता है वैसे यहां पे हमारे पास एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल होता है ट्रिब्यूनल का मतलब कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा कोई भी मतभेद होगा तो हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे देन वी हैव समिंगल्ड टर्न ओवर नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड वोटिंग राइट जो आप अगेन आगे पढ़ते हो ठीक है तो ये हमारी सारी definitions थी एंड योर वी कंप्लीट आवर रिशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रमरी चलो अब शुरू कर रहे हैं हम अपना चैप्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिवाइज करना इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है सबसे पहली बात हमें पढ़ना है चार ब्रॉड चीज़ें कौन कौन सी ब्रॉड चीज़ें सबसे पहली बात इनकॉर्पोरेशन है कंपनी बनती कैसे इनकॉर्पोरेशन किसका इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ओपीसी क्योंकि इसी तीन तरीके से हमारी कंपनी बन सकती है एक हमारी स्पेशल तरीके की कंपनी होती है सेक्शन एट कंपनी जिसको हम बोलते हैं उसमें लाइसेंस वगैरह भी ऑप्टेन करना पड़ता है तो वहां पर प्रोसीजर और सेक्शन हमारा थोड़ा सा अलग है बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम टू सेम है कंपनी बन गई उसका इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर उसके बाद जब हम कंपनी बनाते हैं तो है, है। कौन से दो डॉक्यूमेंट्स एक मेमोरेंडम और दूसरा आर्टिकल्स मेमोरेंडम का सेक्शन फोर आर्टिकल्स का सेक्शन फाइव ये एक बार आप बना देते हो जीवन भर चलते हैं क्या कंपनी के नई समय बदलता है तो हर एक इंसान को बदलना पड़ता है और हमारे एमओ और ए भी बदलते हैं जो ऑल्टर हो जाते हैं उनको भी हम उतनी ही शिद्दत से एम ओ एओ ही, ही मानते हैं वी हैव प्रोविजन फॉर ऑल्टरेशन ऑल्सो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बना तो लेते हैं पर वो एक्ट के सुपीरियर नहीं हो सकते और मतलब एक्ट जो बात कहेगी उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करके नहीं बोलेंगे नहीं, नहीं हमारी कंपनी में तो ऐसा होगा नहीं भाई सारी कंपनीज में ऐसा होगा ऐसा कंपनीज एक्ट कहती है तो आप एक इंडिविजुअल अपनी कंपनी के लिए ना कुछ अलग नहीं बना सकते उसके दायरे में रह के विद इन दैट लिमिट अनडाउली यू कैन मेक एज मेनी लॉज एज यू वॉन्ट टू ठीक है तो हमारे पास ऑल्टरेशन के सेक्शन है सेक्शन नंबर थर्टीन फॉर मेमोरेंडम एंड सेक्शन नंबर फोर्टीन फॉर आर्टिकल्स जब हम इसको चेंज करते हैं उसका अपडेशन करते हैं उसकी कॉपीज देते हैं तो उसके छोटे छोटे सेक्शंस पंद्रह और सत्रह वो सब है हमारे पास इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट्स का कुछ क्राइटेरिया आता है डॉक्यूमेंट्स मतलब कंपनी कैसे किसी को डॉक्यूमेंट देगी कंपनी के पास कैसे डॉक्यूमेंट आएगा कंपनी का डॉक्यूमेंट साइन कौन करेगा कंपनी के बिल्स वगैरह ये सब साइन कौन करेगा तो इस तरीके के जो हमारे प्रोविजन्स हैं वो छोटे छोटे सेक्शन मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर एवरी कंपनी का एड्रेस होना ज़रूरी है सेक्शन ट्वेल्व एड्रेस नहीं होगा भाई वो लोग आएंगे इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करके फिर बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो काम ही नहीं हो रहा है हर कंपनी जो बनती है जिसके पास शेयर कैपिटल होता है उसको कुछ और काम करना पड़ता है उसके बाद ही वो बिजनेस शुरू कर सकती है सेक्शन टेन एक नया सेक्शन आया था जमाना हो गया आए हुए फिर कंपनी अगर अपना नाम बदल सकती है तो क्या बदल सकती है हाँ जैसे मेमोरेंडम ऑल्टर होता है तो हम उसमें पढ़ते हैं एक यहाँ रेक्टिफिकेशन का अलग सेक्शन आता है कन्वर्जन का अलग सेक्शन आता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर नाइनटीन भाई एक सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर्स नहीं होल्ड करेगी जिसपे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं सो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर सेक्शन का हमें शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से पहली बार भी अगर आप सुनोगे रिविजन क्लासेस ना तो भी आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा कि अच्छा भाई ये है चैप्टर में और अगर अच्छे से पढ़ाई की हुई है और उसके बाद ये रिविजन आप सुन रहे हो या ये चीजें देख रहे हो तब तो भाई बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है बट पूरा यहीं पे होना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं बनाएंगे हम बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं रिवर्शन कर रहे हैं तो कैसे कॉरपोरेट होगी कंपनी एक बंदा होता है जो कंपनी बनाना चाहता है हम उसको भाई प्रमोटर बोल देते हैं ऑल दो प्रमोटर लाइफ टाइम में चेंज भी हो सकता है कंपनी की प्रमोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेक्शन होता है टू क्लॉसटी नाइन जिसमें हम बोलते हैं वो बंदा जिसका नाम लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर या फिर एनुअल रिटर्न में उसका नाम लिखा हुआ है या फिर उसका कोई कंट्रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदरवाइज या फिर बोर्ड उसके हिसाब से काम करता है ऐसी तीन सिचुएशन में उस बंदे को हम या उस जो भी हमारा वो है इट्स इट्स नॉट नेसेसरली एक इंडिविजुअल ही हो उसको हम क्या एक promoter बोलेंगे एक प्रमोटर बोलेंगे प्रमोटर हु अंडरटेक्स द नेसेसरी स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन अब नेसेसरी स्टेप्स तो भाई प्रोफेशनल भी लेते हैं जैसे हम मेरे पास नॉलेज नहीं है मुझे कंपनी बनानी है तो मैं जाऊंगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास और वहां से जाके उनसे बोलूंगी भाई मुझे कंपनी बनानी है मैं एक सीएस के पास चल जाऊंगी उनसे, उनसे बोलूंगी कि मुझे कंपनी बनानी है तो वो मेरी हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देर नॉट गोइंग टू टेल मी आप कंपनी बना के ये बिजनेस करना आप ऐसे इसको कंट्रोल करना आप ऐसे इसको चलाना नहीं वो सब मैं खुद ही करती हूं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल हेल्प दे रहे हैं वो क्या हो गए प्रमोटर नहीं हुए तो ये क्लियरली आपको याद रखना है कि पर्सन एक्टिंग मीयरली इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल दे आर नॉट दे आर नॉट regarded as promoters. तो सबसे पहले कि किसी के अंदर तो इच्छा जा, जाहिर होनी चाहिए ना कि हाँ भाई मुझे कंपनी बनानी है मुझे ये बिजनेस करना है तो वो बंदा कौन है वो इन लोगों को इकट्ठा करके लाता है क्योंकि सेक्शन थ्री में लिखा हुआ है कंपनी तीन तरीके से फॉर्म हो सकती है ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक ओपीसी मतलब आप सिंगल बंदे कंपनी चला सकते हो आपको और किसी की जरूरत नहीं प्राइवेट कंपनी में कम से कम आपको दो लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम आपको सात लोग चाहिए हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो भी हमारे पास चॉइसेस होती है वी कैन मेक द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वी कैन मेक द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद कैपिटल विदाउट कैपिटल ठीक है एंड अनलिमिटेड कंपनी भी बन सकती है तो ये हमारे पास चॉइसेस होते हैं नाउ हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है किसको प्राइवेट अगर कंपनी बनाते हो तो आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा अगर पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा राइट right? तो अलग अलग चीज़ें हैं गवर्नमेंट कंपनी बनाते हैं तो आइडियली वो सिफिक्स नॉट रिक्वायर्ड था बट द गवर्नमेंट कंपनीज हैव टू यूज लिमिटेड ठीक है तो वो डिटेल में चीजें अलग अलग चीजें हैं करना क्या है ना करना यह है कि सबसे पहले बनाने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स हमारे दो सेक्शन मिलके हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ पाते हैं सेक्शन नंबर थ्री जिसमें फॉर्मेशन की बात कही गई है एंड सेक्शन नंबर सेवन जिसमें इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर हमको दिया हुआ है ठीक तो है तो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं एंड कंपनी का नाम डिसाइड करना है फाइलिंग करनी है और फिर वो फाइलिंग करने के बाद आर ओ सी हमको इश्यू करता है वो सारी चीजें पढ़ने से पहले सेक्शन थ्री ए मेंबर्स लायबल इन सर्टेन केसेस कुछ केसेस में मेंबर्स लायबल हो जाते हैं भाई हमने कंपनी बनाई ही यही सोच के थी कि कंपनी का एक बिगेस्ट एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी का कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी वरना प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अगर मैंने खोला और बैंक से लोन ले लिया चार करोड़ तो मेरे को उठा के ले जाएंगे बैंक वाले मैं लोन नहीं रिपे करूंगी तो पर कंपनी में ऐसा नहीं है कंपनी मैंने खोली कंपनी के नाम पर लोन लिया है ना कंपनी नहीं पे कर पा रही तो मुझे तो नहीं उठा के लेके जाएंगे पर कुछ केसेस में हम लाभल हो जाते हैं किन केसेस में अगर हम कंपनी की जो मिनिमम है इस रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर पाते मतलब मैम कभी भी कंपनी बनाई उसके बाद आपके नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए मतलब हमको पब्लिक कंपनी में सात लोग चाहिए और हमेशा चाहिए ऐसा नहीं है कि आज चाहिए और कल नहीं होंगे तो चलेगा कि बस कंपनी बनाने के समय सात चाहिए नो एट ऑल टाइम्स यू मस्ट मेंटेन सेवन मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी के केस में दो कभी कभी ऐसा होता है भाई सात मेंबर के साथ के साथ भी डेथ हो सकती है ऐसा भी नहीं है बट कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है तो चलती जाएगी शेयर्स विल बी ट्रांसमिटेड न्यू मेंबर्स विल बी देयर और चीज़ें हो जाती है यहाँ कंसर्न हमारी वो नहीं है कंसर्न हमारी ये है कि मान लो सात मेंबर्स थे उसमें से एक की डेथ हो गई ठीक है यहाँ हम डेथ भी नहीं बोलते क्योंकि डेथ हो जाएगी तो शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे टू तो द लीगल हेयर और वो मेंबर मत जाएगा अल्टीमेटली चीज़ें सॉल्व हो जाती है पर अगर ऐसा बोलते हैं कि मान लो मैंने शेयर्स लिए हुए थे और मैंने शेयर्स बेच दिए किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को मतलब आप कंपनी में सिर्फ मेंबर बच गए कंपनीज एक्ट क्या बोलती है कम से कम सात तो उसको प्राइवेट बना दो फिर अगर है छे, तो ऐसा नहीं है कि आज के आज आपको सातवां मेंबर मिल जाएगा है ना तो टाइम लगेगा ना हर चीज को ढूंढने में टाइम लगता है यार अच्छी चीजें इतनी आसानी से तो तोड़ना मिलती है तो इट विल टेक टाइम आपको छ महीने का समय दिया बोला छह महीने ढूंढो जितना ढूंढना है ढूंढो अगर छ महीने बाद भी नहीं मिले तो या तो कंपनी बंद कर दो या तो कंपनी को कन्वर्ट करो कुछ भी करो बट टेक सम एक्शन अगर छ महीने बाद भी आप कंटिन्यू करते हो और आपको पता है कि यार आपकी कंपनी में छ मेंबर हो चुके हो और आप कंटिन्यू किए जा रहे हो तो अब आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके लिए आप लायबल हो जाओगे ओके तो ये हमारा एक छोटा सा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर थ्री ए राइट सो so, during ड्यूरिंग time टाइम means after सिक्स मंथ्स नॉट ड्यूरिंग सिक्स मंथ्स लिखा रहता है ड्यूरिंग दैट टाइम इसका मतलब यही है कि छह महीने तक के जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो वैलिड रहेंगे और उसके लिए कंपनी ही लायबल रहेगी उसके बाद जो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे टिल द टाइम आप जब तक कर रहे हो वहां तक फिर क्या होगा अदर पर्सन द में बी लाइबल सेक्शन नंबर सेवन कंपनी इन के बारे में बात करता है और बोलता है आप नाम रिजर्व करिए अपना बाई फाइलिंग ई एप्लीकेशन आप डॉक्यूमेंट्स बनाइए कौन से डॉक्यूमेंट्स एओ ए और एमओ ए सवाल ये उठता है कि एम ओ ए और ए है क्या तो पहले हम जरा आइडिया लेते हैं सेक्शन फोर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन फाइव और उसके बाद हम वापस अपने इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर पे आएंगे मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट चार्टर जिसको हम बोलते हैं जिसमें पता चलता है हमें कंपनी का नाम क्या है कंपनी कहाँ की है सो नेम टेल्स द द नेम ऑफ कंपनी सिचुएशन की क्लॉज की है नॉट द कंप्लीट एड्रेस बस कहां की है किस स्टेट की है वो हम बस लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्योंकि वो बताता है आप क्या कर सकते हो वो आपका स्कोप आपका परव्यू बताता है इसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते हो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि कंपनी बनी है कंस्ट्रक्शन के लिए तो फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ही बने हो आप फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो उसमें अगर आपको करना है तो आप उसको पॉइंट को ऐड कराइए पहले और उसके बाद अब कैसे ऐड होगा दैट विल अमाउंट टू ऑल्टरेशन क्योंकि चेंज ला रहे हो आप आपने एक बार बना दिया क्लॉस अब उसमें आप चेंज ला रहे हो तो चेंज लाने के लिए फिर उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद हम चेंज लेके आते हैं और तब हम वो काम कर सकते हैं अगर हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉस के बियॉन्ड काम करते हैं दैट इज समथिंग विच इज नॉट परमिटेड ठीक है क्या है कितना है कुछ बताओ ना कैपिटल क्लॉस दैपिटल एंड यूजली ये पांच ही क्लॉज होते हैं हमारे एक होता है सक्सेसन क्लॉज क्या है भाई सक्सेसन क्लॉज इट इज रिक्वायर्ड ओनली इनकेस मतलब वन पर्सन कंपनी केस में ही ये एक एडिशनल क्लॉज आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कि बताता है हमको द नेम ऑफ नॉमिनी क्योंकि ओपीसी में एक परपेचुअल है भाई ओपीसी में एक ही इंसान है वो मर जाएगा तो क्या होएगा हमको चलाने के लिए एक नॉमिनी चाहिए एक नॉमिनी तो हम हमेशा क्या करते हैं एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं जिसका नाम हम सक्सेशन क्लॉज में देते हैं कि डेथ या इनकेपेसिटी के केस में दिस पर्सन विल बिकम द सोल मेंबर ठीक है उसके अलग हमारे रूल्स हैं वो अलग रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे फाइन शेड्यूल वन में हमारे पास रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड है मॉडल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस यू कैन से

मतलब किसी को शेयर्स इशू किए अब उसने बोला था मैं चार रुपए बाद में दूंगा वो नहीं दे रहा है तो हम क्या उसको फोरफिट कर सकते हैं हम क्या उसके पैसे रख सकते हैं ये इंटरनल रूल्स वगैरह लिख सकते हैं ऐसी चीजें कि कंपनी ये ऐसी सिचुएशन में ये करेगी इसको डायरेक्टर रखेगी इसको ऐसा करेगी इसको वैसा करेगी, करेगी तो ये इंटरनल रूल्स होते हैं कि आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो फॉर योर ओन गवर्नेंस अब यहाँ पे भी मॉडल आर्टिकल्स हमारे पास अलग अलग टेबल्स में स्पेसिफाइड है एंड हर कंपनी को चाहिए हर कंपनी बनाती है बाद में आप ऑल्टर भी कर सकते हो तो ये सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी अवेलेबल है इसमें एक स्पेशल और एडिशनल बात आती है वो आती है एंट्रेंचमेंट की क्या है मैम एंट्रेंचमेंट एंट्रेंचमेंट नाम बड़ा हेवी सा है और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोविजन लगता है बट तो बहुत ध्यान से सुनो एंट्रेंचमेंट मतलब स्ट्रिक्ट बनाना स्ट्रिक्ट बनाना मतलब मैंने लिखा सुना मैंने आर्टिकल्स में लिखा कि शिवांगी अग्रवाल विल बी द डायरेक्टर फॉर लाइफ और मैंने ये आर्टिकल्स बना के कंपनी बना ली आज तो क्या है मैं ही कंपनी बना रही हूँ तो मेरा सिक्का चल रहा है मैं शेयर होल्डर हूँ मैंने पैसे डाले हुए हैं मैं डायरेक्टर भी हूँ बट क्या होता है कल को हम कंपनी एक्सपैंड करते हैं और चार शेयर होल्डर्स आ गए ये आ गए वो आ गए सबका अपना अपना से होगा ना सब बोलेंगे अरे यही क्यों डायरेक्टर रहेगी हमेशा यही क्यों एम रहेगी हमेशा नहीं 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 मैं बोलूंगी आर्टिकल्स में लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है सुन रहे हो वो बोलेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर कैसे ऑल्टर होंगे एस आर पास करो एस आर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब सारे मेंबर्स को बुलाओ और थ्री फोर्थ मेजोरिटी ऑप्टेन कर लो और उसके बाद वो क्लॉज ही हटा दो जिसमें मैंने लिखा था यार इतनी उम्मीदों से मैंने लिखा था तो मुझे लगा नहीं ये तो ना ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में बाद में मेरे साथ ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने एंट्रेंचमेंट डाला एंट्रेंचमेंट डालने का मतलब यह है कि मैंने बोला अगर ये क्लॉज आपको बदलना है तो आपको नाइंटी परसेंट कंसेंट ऑप्टेन करनी पड़ेगी अब देखो मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन का क्लॉज बदलने के लिए अब हम अब हम कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं बट ये कंपनीज एक्ट ने खुद अलाउ किया है कि आप हमारे अगेंस्ट जा सकते हो कंपनीज एक्ट बोलती है एस बदलने के लिए वो सॉरी आर्टिकल्स बदलने के लिए एस चाहिए पर हमें ये भी अलाउ करती है कि आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो मतलब आप स्ट्रिक्ट बना सकते हो अपने लॉस को बदलना इंटरनल लॉस को बदलना कैसे स्ट्रिक्ट बना सकते हो या तो फॉर्मेशन के समय ही बना दो तब तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं या फिर आप बाद में बनाओ अगर बाद में बनाओगे तो भाई मेंबर्स खड़े हैं तो प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स अगर एग्री करेंगे तो डलेगा इंट्रेंचमेंट पब्लिक कंपनी में अगर एस आर पाच हो जाएगा तो डलेगा इंट्रेंचमेंट ठीक है ओके नाउ वी कम टू द प्रोसेस ऑफ इनकॉरपोरेशन तो क्या हो रहा है नाम रिजर्व किया डॉक्यूमेंट्स बनाए और डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं ई फाइल होती है ई स्टैंपिंग होती है कंसेंट ऑप्टेन करते हैं कि भाई जो डायरेक्टर बनने वाला है कि आप एग्री करते हो कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो उनकी कंसेंट भी फाइलिंग होती है और स्टैचुटरी कंप्लाइंसेज होते हैं डिक्लेरेशन होते हैं जो उनको फाइल करने होते हैं हम स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं फी पे करते हैं और सारी चीजें जब फाइल कर देते हैं पे कर देते हैं तो उसके बाद हमको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आर द्वारा मिलता है आर क्या है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनीजिक्शन के हिसाब से डिवाइडेड रहता है हर स्टेट में एक आर होता है हमारे पास दो स्टेट ऐसी हैं जिसमें डबल आर भी हैं एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आर रजिस्टर्ड एड्रेस अगर हम इनकॉरपोरेशन के समय नहीं देते हैं तो ओके okay. Okay. Now, नाम रिजर्व कैसे करते हैं हमारे पास स्पाइस प्लस फॉर्म है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ भी आप फाइल कर सकते हो आप अलग अलग भी फाइल कर सकते हो इट इज एडवाइजेबल कि आप अलग अलग फाइल करो क्यों क्योंकि पार्ट ए सिर्फ और सिर्फ नेम रिजर्वेशन की बात करता है तो वहां पर क्या है आपने आरोसी के साथ फाइल कर दिया आपका नाम रिजर्व हो गया और उसके बाद आपके पास समय है आप क्या करो फटाफट फड़ से बाकी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो तो इन योर कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड अगर नाम रिजेक्ट हो जाता है तो पूरी पूरी एप्लीकेशन आपकी प्रॉब्लम में आ जाती है सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऐसा कर सकते हो नाउ वी हैव सर्टन नेम रिस्ट्रिक्शन सेक्शन नंबर फोर में हमारे पास बहुत सारे नेम रिस्ट्रिक्शंस हैं और तो इतने डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है द होल प्रोसेस हैज टू बी रेड पॉइंट वाइज एंड नॉट इन एब्सुल्यूट इन डेप्थ मैनर ठीक है तो name reservation के लिए क्या क्या लिखा हुआ है मैम हमारा जो नाम होता है कंपनी का दैट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल टू एन एक्जिस्टिंग कंपनी इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस मतलब नाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम में हम बढ़ावा दे रहे हैं किडनैपिंग करो डॉट कॉम या सॉरी किडनेपिंग करो लिमिटेड ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशन कि हाँ ये एंटिटी गवर्नमेंट की है जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम गवर्नमेंट के लिए ही यूज करते हैं सेंट्रल बोर्ड अब जब बोर्ड वर्ड आता है तो दैट रिप्रेजेंट्स कि नहीं ये गवर्नमेंट की कोई बॉडी होगी या एंटिटी होगी तो ऐसे वर्ड्स हम गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने कंपनी के नाम में यूज नहीं कर सकते तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना हमको पड़ता है जब हम नेम के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है थीके? ऑल दो जैसे हम गूगल पे अपना अकाउंट बनाते हैं ना जी मेल पे मेल बनाते हैं तो भी क्या होता है हम देखते हैं नॉट तो प्राइमा फेस ही वो भी हमको बताता है वेबसाइट की इट इज अवेलेबल और नॉट बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बाद में स्क्रू वो नेम हमारा एक बार अप्रूव हो भी गया उसके बाद पता चला कि नहीं यार ये तो किसी कंपनी से मिल रहा है तो लेटर ऑन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन गिव अस इंस्ट्रक्शन कि आप अपना नाम बदल लो ठीक है ऐसा नहीं है कि सालों साल बाद चीजें होती हैं वो भी अभी हम पढ़ेंगे बट ऐसा हो सकता है क्वाइट पॉसिबल ठीक है चलो खैर अगर हमारी कोई डिफेक्ट नहीं होती है एप्लीकेशन में तो अप्रूव हो जाता है अगर डिफेक्ट होता है तो हमको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इस डिफेक्ट को सुधारिए और फिर से फाइलिंग करिए और फिर अप्रूव हो जाता है तो एक बार हमको डिफेक्ट सुधारने का भी ऑप्शन मिलता है न अब हमारे पास समय है भाई ट्वेंटी डेज का और हमें क्या करना है फटाफट से फाइलिंग करनी है बट इसके पहले अगर पता चला और को कि हमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे के नाम रिजर्व किया है अब देखो अगर मुझे मान लो नाम चाहिए मैं कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ अपनी कंपनी में तो मुझे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ नाम ही अप्लाई करना होता है कि थोड़ा समझ में आए या कोई कनेक्शन हो राइट ऐसे ही मैं कोई भी नाम किसी और का नाम यूज करके फायदा ऐसे नहीं उठा सकती हूँ तो कुछ चीजें होती हैं कि भाई आपको बताना है करना है एंड उससे जुड़ा उसी रिस्पेक्ट में आपको नाम मिलता है बाद में पता चला नहीं ये तो आप करने ही नहीं वाले हो आप तो ये करने वाले हो आपने तो गलत नाम ऑप्टेन किया गलत इंफॉर्मेशन देकर ऑप्टेन किया तो अगर कंपनी बन गई है मतलब हम उस हद तक पहुंच चुके हैं कि नाम रिजर्व हुआ फाइलिंग हो गई कंपनी भी बन गई तो अगर कंपनी भी बन गई है तो आर क्या कर सकता है आपको बोल सकता है नाम बदलो या आपका नाम हटाई सकता है बोल सकता है नहीं चलो चलो कंपनी हटाओ या फिर आपकी कंपनी में बोल सकते हैं एसेट बेचो पे ऑफ करो जो भी काम धंधा किया है सारा का सारा काम बंद करो और कंपनी बंद और अगर कंपनी नहीं बनी है तो भाई नाम कैंसिल कर देंगे और आपके ऊपर सिंपल से ही पेनाल्टी लगा देंगे तो ऐसा ऑप्शन होता है ठीक है अब नाम रिजर्व हो गया या फिर हमने दोनों फॉर्म से एक साथ फाइल करने हैं तो हमने प्री नाम रिजर्व किया ही नहीं है सारे के सारे हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स की क्विक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी ये डॉक्यूमेंट्स हम फर्निश करते हैं किसके पास आरओसी के पास और जो हमारे थ्रो नहीं कर देना प्रोफेशनल तो, जर्नी के, तो के रिजल्ट को बड़ा संभाल के रखते हैं आगे बड़े काम आते हैं बट क्लासेस में होता था ना एक क्लास क्रॉस हुआ चलो सिक्स से में की सारी बुक्स जाए भाड़ में ये वो है ना तो ऐसा नहीं करना है सारी की सारी को प्रिजर्व करके रखना है डिजोल्यूशन था अब को डॉक्यूमेंट दे दिए आर ओसी उनको क्या करेगा एक देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आई एन सी और इसके साथ साथ कंपनी को मिलता है एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर जैसे अगर हम मेंबर बन जाते हैं तो हमको मेंबरशिप नंबर मिलता है ना वैसे कंपनी बन जाती है तो कंपनी को सिन मिलता है सी आई एन ठीक है हर जगह उनको वो कोट करना होता है वो एक इनका यूनिक नंबर होता है ठीक है दो कंपनीज हमारी एक जैसी हो सकती है ना जैसे अब रिलायंस में इतनी सारी कंपनीज बनी है ये भी है ये भी है हमारे लिए सब रिलायंस रिलायंस हो जाता है बट उनकी अलग अलग कंपनीज है सबका अलग अलग सेन है क्लियर ओके नाउ इसका इफेक्ट पढ़ने से पहले अब अगर ये पता चला भाई पहले तो नाम ही रिजर्व किया था पूरी की पूरी कंपनी बना ली आपने और वो भी गलत इन्फॉर्मेशन देके मतलब आपने कुछ डायरेक्टर के बारे में गलत बताया एड्रेस के बारे में गलत बताया इसके बारे में गलत उसके बारे में गलत आपने जो बोला ये हम बिजनेस करेंगे यहाँ करेंगे वो सब, सब 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 गलत कुछ 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 कुछ, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो ऐसी सिचुएशन में भी दो चीजें हो सकती है कंपनी बनी नहीं थी अभी सिन अलॉट नहीं हुआ तो उसके पहले पता चल गया हरोसी को कि आपने गलत जानकारी दी है तो भाई आपके ऊपर फ्रॉड का केस लगाएंगे सेक्शन 447 की पेनाल्टी लगाएंगे आपके ऊपर और जो भी लोग थे रिस्पॉन्सिबल जो प्रमोटर होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर उन सबको रिस्पॉन्सिबल फ्रॉड की पेनाल्टी लगाएंगे कि आप धोखा करना चाह रहे थे हमारे साथ धोखा करके कंपनी बनाना चाह रहे थे और अगर कंपनी बन गई तो भाई धोखा तो आपने किया है फ्रॉड का सेक्शन तो यहां पर भी लगेगा पर साथ साथ लगेंगे कुछ और ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर्स मैम एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर्ड एंड ट्रिब्यूनल दैट इज एनसीएल जो एक अथॉरिटी होती है हमारी इट इज एज गुड एज अ जुडिशल अथॉरिटी बाकी जगह हम कोर्ट्स के पास जाते हैं अगर हमारे कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट मतलब एनसीएल है हमारे पास फिलहाल इतना काफी है ये क्या करेंगे कोई भी इसमें से ऑर्डर पास कर सकते हैं कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं जैसे दे मे पास ऑर्डर फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट दिसे कि डायरेक्टर्स की लैबिलिटी अनलिमिटेड होगी हो सकता है कोई नाम हटा दें हो सकता है आपकी कंपनी को बंद कर दें हो सकता है जो ऑर्डर उनको उचित लगे वो इसमें से ऑर्डर पास कर सकते हैं ये सारे के सारे ऑर्डर्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद करने जरूरी हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि uh, अगर ऐसा होता है तो ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है वॉट पावर्स ट्रिब्यूनल सो नेम रिमूवल वाइंडिंग अप अनलिमिटेड लाइबिलिटी चेंजिंग ऑफ कंडीशन मे बी और अदर ऑर्डर्स राइट क्लियर तो इतने ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं ओके दे कैन पास फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही है uh, कि आपके मेमोरेंडम आर्टिकल्स इन सब में जो भी चीजें रहती हैं दे कैन बी चेंज मतलब हो सकता है वो आर्टिकल्स की कोई कंडीशन बदल दे हो सकता है वो मेमोरेंडम का कुछ पार्ट बदल दे तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन राइट ओके चल इसके बाद अगला सेक्शन हम पढ़ते हैं सेक्शन टेन ए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब आइडियली हमारे लिए रेलिवेंट जो पार्ट रह गया है वो इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर सेकेंड नवंबर 2018 है बिकॉज गॉन आर द ट्रांजेक्शन फेज फिर भी वो चीजें दी हुई है तो अभी भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं अगर हमारी कंपनी बिना शेयर कैपिटल के बनी है तो भाई आपको जैसे ही आपने कंपनी बनाई आप तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर शेयर कैपिटल के साथ बनी है तो दो चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक जब आपकी कंपनी बनती है उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको आई एन एक फॉर्म फाइल करना होता है वो फॉर्म क्या है मैम जब हम कंपनी बनाते हैं ना तो हमारे कंपनी में सब्सक्राइबर्स होते हैं वी ऑल नो दैट सब्सक्राइबर्स मतलब कौन मैं और मेरी फ्रेंड ने मिलकर कंपनी बनाई हम लोगों ने कहा कि पचास हजार तुम कंपनी में देना पचास हजार मैं दूंगी पांच हजार शेयर में लूंगी पांच हजार तुम लेना दस रुपए का एक शेयर रहेगा ठीक है अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रीडिंग तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरी पॉइंट है ना तो ऐसा ऐसा रहेगा अब हम लोगों ने ऐसा बोला पैसे थोड़ ना थोड़ी ना दिए शेयर्स थोड़ी ना अभी हमको मिले हैं कंपनी बनेगी तो हम पैसे देंगे फिर हमको शेयर्स मिलेंगे मतलब शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे इस बात का प्रमाण कि हाँ हमने पैसे दिए हैं कंपनी बनने के बाद ही होगा ना तो कंपनी तो बन गई तो क्या हमारे वादे सच्चे थे या झूठे थे हमने ये काम किया या नहीं किया कंपनी को शेयर्स के पैसे मिले या नहीं मिले कंपनी ने शेयर्स इशू किए या नहीं किए इस बात का डिक्लेरेशन कि हर सब्सक्राइबर ने वो एग्रीड अमाउंट पे कर दिया है ये डिक्लेरेशन कौन देता है डायरेक्टर देता है सो डायरेक्टर हैज़ गिव अ डिक्लेरेशन दैट एवरी सब्सक्राइबर हैज़ पेड दैट एग्रीड इसकी हमारी पेनाल्टी भी है एंड uh, दूसरी चीज आईएनसी 22। आईएनसी 22 क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस की बातें जब कंपनी हम बनाते हैं ना तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि मैंने भाई जगह वगे ढूंढ रखी है कंपनी का यहाँ पे ऑफिस रहेगा और वो जगह हमने हायर कर ली है एग्रीमेंट हो गया है प्रमोटर कर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी प्रमोटर के पास ये पावर रहती है तो अगर हो गया है तो आप एड्रेस बता दोगे अगर नहीं है ऐसा कुछ तो कंपनीज़ एक्ट बोलती है भाई बना लो कंपनी कोई भी करस्पॉन्डेंट्स एड्रेस दे दो जिसपे हम आपको इंटीमेट कर सके अगर कुछ हमें भेजना हो तो और आप कंपनी बना लो कंपनी बनाने के बाद थर्टी डेज के अंदर अंदर आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए जिसका डिटेल आप आई एन सी ट्वेंटी टू में दे दोगे एंड देर ऑन फ्रॉम देर ऑन टिल ऑल टाइम्स जब तक कंपनी चलेगी यू मस्ट अ रजिस्टर्ड ऑफिस आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर होना चाहिए ठीक है सो ये रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर ट्वेल्व में हमको दिखता है और टेन ए में ये मैंडेटरी है कि भैया ये दोनों हो जाएगा वेरीफाइड वेरिफाइड बाईक बाई सी सी एस सी ए में तभी आप क्या कर सकते हो कमेंट्स कर सकते हो ठीक है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आर ओसी के पास पावर होती है ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑफ रिमूवल ऑफ नेम्स ओके चल सेक्शन नंबर ट्वेल्व जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा वी हैम एंड एड्रेस आउटसाइड एवरी ऑफिस इन लिजिटेबल एलिजिबल कैरेक्टर्स इलेजिबल लेटर्स और uh, अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं फिजिकल uh, वेरिफिकेशन करेंगे कंपनी नाउ कम्स वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करने के लिए होती है प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स बहुत सिम्प्लीफाइड हैं देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जैम्पन्स विच बीन प्रोवाइडेड टू देम ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लैबिलिटी तो लोगों के लिए बड़ी हेल्प हो जाती है इसमें स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं ओनली अ नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन एंड वेदर रेसिडेंट और नॉट कैन फॉर्म अ वन पर्सन कंपनी मतलब चुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन ही एक वन पर्सन कंपनी बना सकता है और वही एक नॉमिनी हो सकता है यूजुअली जब हम कंपनीज की बात करते हैं जैसे अगर हम एक नई रिलायंस की कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो जो रिलायंस कंपनी है दे कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ एनादर रिलायंस कंपनी है ना तो एक कंपनी कैन बी द मेंबर ऑफ एनादर कंपनी पर ओपीसी केस के के में ऐसा अलाउड नहीं ओपीसी केस के में सिर्फ नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन ही एक मेंबर हो सकता है इनको क्या करना है सेम चीज करनी है भाई वैसे ही स्पाइस प्लस फिल करना है आर इनको क्या करेगा सीओ देगा और सिंधे का वही काम है यहाँ पे भी वही अटैचमेंट है एडिशनल बात क्या होती है नॉमिनी की क्योंकि आपको एक नॉमिनी ढूंढना बहुत जरूरी है जो बाद में साथ रखा ठीक है उसकी कंसेंट ऑप्टेन करना बहुत जरूरी है कंसेंट उसकी अगर सहमति होगी तभी आप उसका नाम इंक्लूड कर सकते हो एज अ नॉमिनी जैसे शादी के लिए सामने वाली लड़की की कंसेंट जरूरी होती है ना वैसे यहाँ पे भी उसका नाम इंक्लूड करने के लिए नॉमिनी की भी कंसेंट जरूरी होती है डेथ के पहले या इनकेपैसिटी के पहले मतलब शादी के पहले लड़की बदल सकते हो ना शादी के बाद तो लड़की नहीं बदल सकती फिर तो डिवोर्स का रास्ता रहता है तो वैसे ही डेथ या इनकेपासिटी पे आपका जो नॉमिनी होता है वो सोल मेंबर बन जाता है तो उसके पहले पहले अगर आप चाहो तो आप नॉमिनी को बदल भी सकते हो और नॉमिनी खुद चाहे तो वो भी विदड्रॉ कर सकते हैं भाई मुझे नहीं रहना नॉमिनी तो वो कर सकते हैं उनके पास अपना प्रोसीजर होता है कैसा प्रोसीजर होता है कि वो इंटीमेट करेंगे अगर मुझे नॉमिनी नहीं रहना तो मैं कंपनी को बताती हूँ कंपनी दूसरे नॉमिनी ढूंढती है फाइल करती है आर को बताती है ठीक है और एक साइमल्टेनियस फाइलिंग आर को भी होती है और अगर हमें नॉमिनी हटाना है तो हम क्या करते हैं भाई हम नॉमिनी को बताएंगे और हम एक फाइलिंग आर के पास भी करेंगे ठीक है एक एडिशनल चीज और अगर मैं एक कंपनी की मेंबर हूं मैं दूसरी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती ओपीसी के केस में बिकॉज एक ही बंदा तो है जो पूरी की पूरी कंपनी चला रहा है आप उसको भी एक और कंपनी का मेंबर बना रहे हो दूसरे कंपनी के आप शेयर्स होल्ड कर सकते हो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ओपीसी यू कैन नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी क्योंकि वहां आपको कुछ नहीं करना है बट यहां आपको बहुत कुछ करना है ठीक है पर ऐसा हो सकता है कि मैं इस कंपनी की मेंबर हूं और किसी दूसरी कंपनी की नॉमिनी हूं जब मैं उसकी भी मेंबर बन गई क्योंकि वहां पे किसी की डेथ हो गई अब मैं दो दो कंपनी की मेंबर बन गई, मेंद इन वन हंड्रेड एंड एटी डेज ठीक है तो वो मुझे चूज करना पड़ेगा ओके okay, चल फाइन क्या माइनर मेंबर uh, बन सकता है नॉमिनी का द आंसर इज नो ठीक है कोई भी मेंबर नॉमिनी uh, नहीं बन सकता है और मेंबर भी नहीं बन सकता है ऑफ ओपीसी एंड एक स्पेशल बात और होती है कि जो हमारी जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कंपनी कैन बी फॉर्म्ड इन थ्री वेज ओनली ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक तो जो सेक्शन एट कंपनी है वो भी कैसे बनेगी ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक पर सेक्शन एट कंपनी के नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड लाइक दिस सो ओपीसी पी के नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और के नॉट बी कन्वर्टेड इन अ सेक्शन एट कंपनी ठीक है पर ये चाहे तो ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बन सकते हैं और इनके लिए एक बात और होती है कि इनकी कंपनी में सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट NBFC बी एफ सी एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग इन सम बॉडी कॉरपोरेट मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो यूजअली अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह एक्वायर कर सकती है बट OPC के लिए ये स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन टू द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट ठीक है क्यों क्योंकि ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्यर्स को एनकरेज करने के लिए है तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो OPC पे लगे हुए हैं ठीक है ओके क्शन एट कंपनी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑफ चेक चैरिटी के लिए कंपनी बनाई गई है तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है और जो क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हो तो अगर गलती तो से आपको प्रॉफिट हो भी जाता है जिसको हम नाम देते हैं सरप्लस आप अपने मेंबर्स को नहीं बांट सकते हो सरप्लस सो सेक्शन एट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स तो किस इंटेंशन के साथ ये कंपनीज बनती हैं ये कंपनीज बनती हैं सोशल वेलफेयर के लिए साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च रिलीजन चैरिटी कुछ भी प्रमोट करने के लिए बनती हैं ये एंड अगर जैसे मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ चार लोगों ने और डोनेशन दे दी गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दे दिया तो अल्टीमेटली क्या हो मैंने खर्च इतना ही किया मुझे पैसे इतने मिल गए तो जो सरप्लस हो रहा है ठीक है इफ एनी वो भी मैं इसी पर्पज के लिए यूज करूंगी आई विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिडेंट ये मुझे जरूर याद रखना है अब अगर मैं अच्छा करती हूँ ना तो गवर्नमेंट बोलती है भाई आप इतना भला का काम कर रहे हो तो हम भी आपको काफी सारे एग्जिबिशंस देंगे अब एग्जेंशन अवेल करने के चक्कर में लोग सोचते हैं यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी बनाते हैं सेक्शन एट कंपनी के नाम पे अपना धीरे धीरे कुछ अंडरग्राउंड काम करते रहेंगे कि किसी को क्या पता चलेगा एग्जेपन्स तो बहुत सारे मिलेंगे तो ऐसे ही कोई भी सेक्शन एट कंपनी नहीं बना सकता है यहां पे आपको ऑप्टेन करना पड़ता है लाइसेंस ओके लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको मिलता है ऑल्डो द सेम पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू आर ओ सी ओनली तो अब जब हम इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना उसी में हमारी लाइसेंस एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेट हो जाती है सो वन सिंगल एप्लीकेशन एंड वी गेट द लाइसेंस ऑल्सो एंड सेक्शन एट कंपनीज में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती है हम नाम रिजर्व कर सकते हैं नाम रिजर्व करने के पहले या बाद में एप्लीकेशन देते हैं एंड एप्लीकेशन देने में सिंगल एप्लीकेशन हमारी होती है द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड बस कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं अबाउट योर एस्टिमेटेड एनुअल एंड इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर ताकि हमको लाइसेंस ऑप्टेन मिल मिल जाए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट एक जो फर्म होता है पार्टनरशिप फॉर्म नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है कि ये एक अलग एंटिटी है ये क्या है वी कैन नॉट क्रिएट द फर्म वी कैन नॉट मेक द फर्म लाइबल तो फर्म को अलाउड नहीं होता है टू होल्ड द ऑफ एनी कंपनी हाँ फर्म नहीं होल्ड कर सकते फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने नाम पे होल्ड कर सकते हैं पर यहाँ पे सेक्शन एट कंपनी के केस में फर्म जो होता है वो भी मेंबर बन सकता है सेक्शन एट कंपनी का अब भाई लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने सेक्शन एट कंपनी को कि जा बच्चा जा और जितना भला करना है आप करो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे और एग्जाम्शंस मिलेंगे आप बल्कि बाद में अपने आप को कन्वर्ट भी कर सकते हो पर अगर आप धोखाधड़ी करोगे आपने बोला कि हम तो चैरिटी करेंगे और चैरिटी के नाम पे आप कुछ और ही कर रहे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिलता रहेगा आप करते रहोगे आंसर सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्चुअली रिवोक द लाइसेंस आल्सो रिवोको रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस द पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर ठीक है तो रीजनल डायरेक्टर के पास आइडियली पावर होती है ऑफ रिवोकेशन रिवोकेटिंग ऑफ लाइसेंस कब रिवोकेशन हो सकता है अगर कंपनी कॉन्ट्रवीन करे सेक्शन एट के रिक्वायरमेंट्स को अगर कोई कंडीशन को कॉन्ट्रवीन करे जिस पे लाइसेंस मिला था अगर कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करे अगर कोई ऐसा काम करे जो उनके ऑब्जेक्ट्स को वायलेट करता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करे तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा एक ऑर्डर पास करेगा और रिवोक कर देगा रिवोक करने के बाद वो ये भी ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी को मर्ज कर दो इन सम

पेनाल्टी पनिशमेंट में पे नहीं बोल रही हूँ हमारे पास बहुत सारे और एग्जाम्पन्स आते हैं इनके एग्जाम्पन्स इन जनरल अगर एक आध की हम बात करें हर कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम ट्वेंटी वन डेज की नोटिस भेजनी होती है इनको सिर्फ फोर्टीन डेज की भेजेंगे तो चलेगा बहुत सारी कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है और दो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं होता बहुत सारी कंपनी में क्या हर कंपनी में होता ही है ओपीसी में एक है प्राइवेट कंपनी में हमारे दो है पब्लिक कंपनी में तीन है ठीक है तो यहाँ पे नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कुछ कमिटीज वगैरह नहीं बनानी होती है तो आई होप द होल पर्पज इज क्लियर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाना है इट इज गोइंग टू बी अ लिमिटेड कंपनी ओनली गवर्नमेंट इनको लाइसेंस दे देती है गवर्नमेंट ने पावर ये डेलीगेट कर दी है आर को गवर्नमेंट चाहे तो ये लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है अगर आप फ्रॉडुलेंट तरीके से काम करते हो तो क्लियर? ओके, कन्वर्शन पार्ट डिस्कस लेटर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई लेट्स डिस्कस ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हम कैसे मेमोरेंडम को बदल सकते हैं सबसे पहला आता है हमारा नेम क्लॉज नाम बदलना है अगर हम तो कैसे बदल सकते हैं नाम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नाम के लिए अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि हमारा नाम जो है वो अनडिजायरेबल ना हो गवर्नमेंट की नज़र में जैसे उसमें बोर्ड है नेशनल है यूनियन है सेंट्रल है प्रेसिडेंट है पब्लिक है इस तरीके की चीज़ें यूज ना हो जो ये रिप्रेजेंटेशन दें दट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट अगर ऐसा होता है तो हमको प्रीहैंड हैंड परमिशन लेनी पड़ती है ठीक है तो हम नाम रिजर्व करते हैं नाम हमारा कैंसिल हो जाता है बहुत सारी चीज़ें नाम के रिस्पेक्ट में हमने पहले ही पढ़ ली हैं तो हमारे पास नेम के लिए आ, रूल एट है रूल एट ए है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ वन कमिंग टू ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम क्लॉज दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज दो चीज़ें आती हैं एक हम अपनी मर्जी से नाम बदलना चाह रहे हैं और दूसरा गवर्नमेंट हमको फोर्स कर रही है कि आप अपना नाम बदलो क्यों क्योंकि हो सकता है हमारा नाम सिमिलर हो या आइडेंटिकल हो विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी अगर हम खुद अपनी मर्जी से अपना नाम बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पहली बात तो, अगर हमने अपने एनुअल रिटर्न या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट की हुई है तो हम अपना नाम बदल ही नहीं सकते हैं. और अगर नहीं की हुई है तो हम नाम बदल सकते हैं कैसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कब मेंबर्स को मिलना है मेंबर्स की जनरल मीटिंग को बुलाएंगे मेंबर्स से पूछेंगे कि हम अपना नाम बदलना चाहते हैं तो मेंबर्स थ्री फोर्थ मेजोरिटी के साथ अगर परमिट करेंगे कि चलो आप अपना नाम बदल लो तो फिर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जाती है गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाता है और जब ये अप्रूवल मिल जाता है तो हम ये अप्रूवल एस और जो हमारा नया नाम होता है जो हमने रिजर्व किया है उन सब को लेके रजिस्टर करते हैं एंड हमको क्या करता है एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है ठीक है तो ये हमारा नेम चेंज का प्रोसीजर होता है जो हमसे एग्जामिनेशन में कम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है ये, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छे से सुंदर सुंदर से केस स्टडीज बन जाती हैं अब क्या है नेम हमारा आइडेंटिकल है विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर हमारा नेम आइडेंटिकल है विद एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये क्या है मैम मैंने कोई कंपनी नहीं बनाई है ठीक है पर मेरे ट्रेडमार्क हो सकते हैं जैसे मैंने कोई कंपनी बनाई होती तो आर के पास या एमसीए की वेबसाइट पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है तो उसमें क्या होता रिकॉर्ड मिल जाता तो वो लोग मैच कर पाते अच्छा शिवांगी शिवांगी नहीं नहीं शिवांगी इज नॉट परमिटेड उन्होंने अलाउ नहीं किया मना कर दिया तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई मतलब एक नई कंपनी आई और नई कंपनी ने बोला हमको शिवांगी लिमिटेड करके बनानी है और शिवांगी लिमिटेड करके ऑलरेडी एक कंपनी थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, बोला नेम नॉट अवेलेबल पर मैंने कंपनी बनाई नहीं है मैंने तो इस ट्रेडमार्क को मतलब इस नाम को या कुछ चीज को रजिस्टर किया हुआ एज माई ओन प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं ना तो कभी कभी जब बहुत पॉपुलर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपना रजिस्टर अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर देते हैं इवन इफ नॉट पॉपुलर देन ऑल्सो दे कैन रजिस्टर अब भैया आर ओसी को तो पता नहीं चलेगा कि आपका ऐसा कोई ट्रेडमार्क है वो कितना स्क्रूटेनाइज करेंगे कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन करेंगे अभी धीरे धीरे समय लगेगा ना गवर्नमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर आने में तो अभी तो ऐसा है नहीं तो ऐसी सिचुएशन में ना आपके पास चॉइस दी हुई है मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मुझे पता चला अरे यार इस नाम की तो कंपनी बनी और ये क्या कर रहे हैं ये ब्रांडिंग कर रहे हैं बताओ हमारा तो ऑलरेडी इस नाम से ब्रांड स्टाब्लिड है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे हमारी ब्रांडिंग खराब हो सकती है हमारा ये हो सकता है वो हो सकता है तो हमने एप्लीकेशन दी वी मेड एन एप्लीकेशन टू आर और हमने बोला कि भाई ये जो नाम आपने परमिट कर दिया है कि आप इससे कंपनी बना लो ये तो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आप इनको डायरेक्शन दो कि अपना कंपनी का नाम चेंज करें तो ये कर सकते हैं पर और आपने फिर बोला नहीं नहीं है, तो हमारा दस साल से भी बैठो अब और बैठो और चुप बैठो अब ऑप्शन नहीं है अब आप रिक्वेस्ट कर लो कंपनी से वो बदल दे तो बदल दे गवर्नमेंट तो डायरेक्शन नहीं देगी लॉ तो नहीं बना हुआ है क्योंकि अब उन्होंने भी अपना एक ब्रांड डेवलप कर लिया अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको बोलेगी तो ये हार्श होगा ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि तीन महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम चेंज करिए और उसके बाद इंटीमेट करिए आर को आर आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी ओके फाइन मैम चल अब अगला पहुंचते हैं हम सिचुएशन क्लॉज जो कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए और परेशान करने के लिए बना हुआ है नेम ऑफ द कंपनी तो हमारे लिए थोड़ा सा नेम क्लॉज ठीक है बट जब हम बात करते हैं चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेम क्लॉज में हमने देख लिया कि भाई एसआर पास करना है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा अगर आप प्राइवेट से पब्लिक बने हो तो आपको ये अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है और पब्लिक से प्राइवेट मतलब इस केस में नहीं होता है सिंपली आप हटा दोगे इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन यू वांट टू जस्ट ऐड प्राइवेट और डिलीट प्राइवेट ठीक है तो अगर ये करना है तो इसके लिए ये जरूरत नहीं होती है आती है बात हम डोमिसाइल या सिचुएशन क्लॉस पे तो यहां पे भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही चाहिए एंड देर आफ्टर वट यू हैव टू रिमेंबर बहुत सारे तरीके के हमारे ऑल्टरेशन होते हैं विद इन द सेम सिटी बट uh, बट क्या विद इन द सेम सिटी हो गया दूसरा हो गया कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं बट विद इन द सेम आर तीसरा केस हो गया एक आर से दूसरे आर में जा रहे हैं बट विद इन द सेम स्टेट और चौथा द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं वहां पे हमको सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है ठीक है तो सीजी हमको कब अप्रूवल देती है जब वो सैटिस्फाइड हो जाती है कि भाई क्रेडिटर्स हैं डिबेंचर होल्डर्स हैं जो भी पर्सन कंसर्न हैं उनके लिए सफिशियंट प्रोविजन बन गया है तब वो हमको फॉर देयर ड्यू डिस्चार्ज मतलब जैसे यहां मैंने कंपनी खोली और यहां से उठा के मैं दूसरी स्टेट में जा रही हूं तो यहां के जो मेरे क्रेडिटर्स बैठे वो परेशान परेशानी होंगे वो हर दिन आ जाते थे भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो हमारे ये पैसे बाकी हैं अब कहाँ जाएंगे तो उनके लिए एडिक्वेट प्रोविजन आपने बनाया है नहीं बनाया है क्या चीजें हुई हैं उनकी कंसेंट है या नहीं है उन सब चीजों को एश्योर करने के बाद ही गवर्नमेंट परमिशन देती है कि चलो एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चले जाओ लेकिन तो वो केस जो हमारा होता है लास्ट केस वो हमारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ठीक है इतनी चीजें आपको याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा बट जो बातें मैंने बताई हैं वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है एक आर से हम दूसरे आर में जाते हैं स्टेट सेम रहती है तो हम एप्लीकेशन आर को देते हैं मतलब हमें यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत होती है क्यों क्योंकि अथॉरिटीज में मैंने आपको बता रखा है आर होता है कुछ आर को सुपरवाइज करने वाला रीजनल डायरेक्टर होता है वो रीजनल हेड है उस रीजन का तो वहां पे हम एप्लीकेशन देते हैं वहां पे वो हमको परमिट करते हैं बाकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सिचुएशन में कुछ भी नहीं सिंपल एक बोर्ड रेजोल्यूशन सेकेंड सिचुएशन में एस तो बोर्ड रेजोल्यूशन एस आर की परमिशन और सीजी की परमिशन आफ्टर ऑल दैट सेटिस्फैक्शन तो ये चार चीजें आपको याद रखने की जरूरत है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरेशन टू सिचुएशन क्लॉज ठीक है नाउ मूविंग टू ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या है कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है अगर नॉर्मल केसेस हैं तो बस इतना याद रखना एसआर पास किया एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं एक स्पेशल केस स्पेशल केस क्या कंपनी ने पैसे रेज किए थे प्रॉस्पेक्टस दिखा के मतलब एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आई थी जनता के पास जाके उन्होंने दिखाई देखो हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और पैसे रेज किए जैसे मैंने क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आप बोलते हो कि हम यहां पे कीर्तन करेंगे और उसके लिए आपने चंदा इकट्ठा किया है तो आप डीजे नाइट नहीं करवा सकते फिर चंदा इकट्ठा जिन्होंने किया है बोल बोल के हाँ कीर्तन कीर्तन करेंगे तो जो लोग डिसएग्री करते हैं हो सकता है कुछ बोले हाँ यार कहा कीर्तन में फंसे तो चलो डीजे नाइट स्कूल तो उन लोगों को इन कर लो बाकी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बोले नहीं नहीं हमने तो भगवान के नाम पे पैसे दिए थे तो उनके पैसे वापस करो भाई उनको एग्जिट ऑफर दो वो देना पड़ेगा तो अगर ऐसे ही कंपनी ने कुछ पैसे रेस किए थे और वो पैसे अनयूटिलाइज्ड हैं आपके पास मतलब आपने एक करोड़ रुपए ले लिए थे इस प्रोजेक्ट में डालने के लिए उसमें से नब्बे लाख डाले हैं दस लाख अभी नहीं डाले हैं और अब आप ऑब्जेक्ट बदल के वो दस लाख कहीं और डालना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में मेम्बर्स से पूछो न्यूजपेपर में पब्लिश करो एग्जिट ऑप्शन दो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को जो एग्री नहीं करते और तब आप बदल सकते हो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ठीक है तब आप बदल सकते हो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर हम लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज की बात करें तो वो भी हमारे एस आर की जरूरत होती है एंड अदरवाइज वी हैव सम स्पेशल प्रोविजन फॉर द सेम ओके मूविंग टू ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स में भी ऑल्टरेशन क्या होता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली ठीक है तो यहाँ पे भी हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड uh, देखो एक प्राइवेट कंपनी में क्या होता है रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन और प्रोहिबिशन तीन कंडीशंस होती है ना प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स वो प्रोहिबिट करती है कि पब्लिक नहीं आ सकते वो लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होते हैं आर्टिकल्स में लिखे होते हैं तो जब हम प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनाते हैं या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस इनकॉर्पोरेट करते हैं रिस्ट्रिक्शंस हटाते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ओनली सो हाउ डू वी डू दैट वी पास एस आर जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनती है तो सीजी का अप्रूवल भी लगता है पब्लिक कंपनी थे आप ठीक है हो सकता है आपने कहीं से पब्लिक का पैसा ये वो चीजें हैं तो पब्लिक कंपनी पे कड़ी नजर रखती है ना गवर्नमेंट अब आप एक प्राइवेट एरिया में जा रहे हो जहां पे लेस कंप्लायंसेस हैं तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी भाई कुछ गड़बड़ करके लेने जा रहे हो तो वो अप्रूवल चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है और बाकी चीजें तो सेम है ऑल्टरेशन जो भी होगा भाई एक डायरी के अंदर ही होगा ऑल्टरेशन हर एक कॉपी में नोट होगा इन एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल्स इन एवरी कॉपी दैट यू इशूड अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो भाई उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगी हुई है हमारी सेक्शन फिफ्टीन में ये चीज आती है एंड uh, इसके बाद हमारा एक सेक्शन नंबर सेवनटीन भी आता है जो बोलता है कि हर कंपनी अगर मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो सात दिन के अंदर अंदर ऑन पेमेंट ऑफ फी उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा मेमोरेंडम आर्टिकल्स एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड और अगर नहीं किया तो इसके ऊपर भी पेनाल्टी है देन वी कम टू सेक्शन नंबर टेन इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी द कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स मेंबर्स आर नॉट बाउंड इन दी एंड कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी आउटसाइडर्स को बाइंड आउटसाइडर्स के लिए बाउंड नहीं होती है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सेक्शन नंबर टेन जिसपे बहुत सवाल पूछे जाते हैं आर्टिकल्स में लिखा है कि हम आजीवन मिस्टर एक्स को अपना सॉलिसिटर या लॉयर रखेंगे और कंपनी ने उनको लॉयर हटा दिया अब वो इस ग्राउंड पे स्यू नहीं कर सकते कि आपके आर्टिकल्स में तो ये लिखा है भाई आर्टिकल्स हमने अपने इंटरनल उसके लिए लिखे हैं आपसे क्या मतलब आपसे क्या मतलब राइट सो इन द कैपेसिटी एज अ लॉयर यू कैन नॉट सी नहीं आपके आर्टिकल्स में ये लिखा है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या हमने आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है क्या नहीं तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ओके चलो moving to the next part section number 12b is chapter mein bahut zyada important hai theek hai wo yaad rakhna bahut acche se section number 19 as i told you one of the most important sections subsidiary company apni holding company mein shares hold nahi karegi neither through itself nor through its nominee अगर ऐसा करती है तो उस अलॉटमेंट को या उस ट्रांसफर को हम वॉइड मानेंगे पर हमारे पास तीन केसेस एक्सेप्शन हैं जहां पे एक सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है पहला वो आ, कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो ऑफ़ द डिस मेंबर दूसरा आप एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहे हो तीसरा आप होल्ड कर रहे हो बिफोर यू बिकेम अ सब्सिडियरी मतलब आपके पास कुछ शेयर्स थे उनके पास कुछ शेयर्स थे अब उन्होंने इतने ज्यादा एक्वायर कर लिए शेयर्स कि आप उनकी सब्सिडियरी बन गए ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड ठीक है हाउ आपको एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी की तरह होल्ड करते हो तब तो आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है पर थर्ड केस में आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है ओके चलो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट अगर कंपनी को हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो इट कैन बी सर्व बाई रेजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर यू कैन लीव इट एट ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है अगर मेंबर को हमें सर्व करना है तो पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर डिलीवरिंग एट दफिस और रेसिडेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड और मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है नग्जैम्शन है फॉर निधि कंपनीज क्योंकि निधि कंपनीज में क्या होता है ना बड़े छोटे छोटे लोग होते हैं इतने इतना से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और हर किसी को भेजना शायद कॉस्ट वगैरह और डेटा टाइम इन्वॉल्व करेगा तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेंबर्स हु होल्ड शेयर्स ऑफ लेस देन इक्वल टू वन थाउजेंड और वन परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एवर इज लेस मतलब उस लिमिट के अंदर अंदर अगर होल्ड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भाई डॉक्यूमेंट सर्व हो सकता है उन पब्लिक नोटिस मतलब न्यूज में निकाल दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ है ये इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट करना चाहते हैं अपने सारे मेंबर्स को फिर आपको इंडिविजुअली भेजने की जरूरत नहीं है ओके okay. कभी भी अगर हम पोस्ट से भेजते हैं तो हम मानते हैं कि 48 एट आवर्स के बाद वो डिलीवर हो गया होगा और अगर किसी भी और मोड से भेजते हैं तो जो ऑर्डिनरी टाइम लगता है उतना मान लेते हैं एक इसमें स्पेशल बात ये रहती है कि मेंबर्स चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमको तो इसी पर्टिकुलर मोड से चाहिए हमारे एरिया में तो यही कोरियर आता है इसके लिए हम एडिशनल फी भी पे करने को तैयार हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको वैसे ही भेजा जाता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन भाई ऑथेंटिकेशन कौन करेगा डॉक्यूमेंट्स का कोई भी की मैनेजेरियल पर्सनल या ऑफिसर या इम्प्लॉय जो भी ऑथराइज किया जाता है ऑन दैट बिहाफ के एम पी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है पहले देन वी कम टू सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू एक्सिक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है um, uh, वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हो हुंडी हो प्रोमिसरी uh, नोट हो कुछ भी हो हम मान लेंगे कि कंपनी द्वारा किया गया है अगर कंपनी के पास कॉमन सील रहती है तो इफ द कंपनी इज हैविंग कॉमन सील देन इन राइटिंग इट कैन ऑथराइज एनी पर्सन एज द अटर्नी अगर कॉमन सील नहीं है तो कॉमन सील द्वारा तो आप ऑथराइज किसी को नहीं कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में ऑथराइजेशन कौन करेगा दो डायरेक्टर्स या फिर जब कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी ठीक है तो इनको पास ऑथराइजेशन रहेगा एंड ऑफकोर्स uh, जिसके पास ऑथराइजेशन है वो अगर साइन करता है तो वो बाइंडिंग होगा ऑन द कंपनी एज वे क्लियर ओके नाउ वी हैव समथिंग मोर समथिंग मोर मतलब छोटी छोटी सी हमारे पास तीन बहुत ज्यादा पे भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ऑफ अल्ट्रा अल्ट्रा वायर्स वायर्स का मतलब क्या होता है बियॉन्ड द पावर्स कंपनी की पावर्स कहाँ से डिफाइन होती है कंपनी की पावर्स डिफाइन होती हैं उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बोला गया है वही उसका स्कोप है वही उसका परव्यू है और अगर उसके बाहर वो कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम को बोलते हैं कि आपने गलत किया है आपके पास पावर ही नहीं थी वो काम करने की दैट एक्ट इज वाइड ओके सो नीद द कंपनी नॉर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन स्यू ऑन इट एंड द मेंबर्स कैन नॉट इवन रेटिफाई इट सिंपल सी बात डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्चुअली ऑपरेट करती है इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर्स यू कैन से सॉरी इन द फेवर ऑफ कंपनी ओके कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब कंपनी और मेंबर्स अगर काम कर रहे हैं एक मिनट यहां पे ना थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है पर्सन डीलिंग विद कंपनी प्रिज्यूम टू नो इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी ऐसा नहीं होगा एक मिनट रुको 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 इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा hum presumed to know AOA plus MOA of the company, which are treated as public documents. Yeah, na? डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कुछ खास हमको पढ़नी भी नहीं है हमको बस इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि एक कंपनी बनी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स कंपनी ने अपने मेमोरेंडम सारा का सारा क्या कर दिया आर के पास फाइल कर दिया अब वो कोई भी पढ़ सकता है भाई कोई भी निकाल के पढ़ सकता है बड़े आराम से तो आपने वो इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करनी है और जब भी आप कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जाओ आपको प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पढ़ के आयो भले ही आप पढ़ के आए हो या नहीं आए हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ के जाओ देखो कि उनके पास क्या पावर है वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है पर एक फेवर एक डॉक्ट्राइन आपके फेवर में भी ऑपरेट करती है वो ये है कि हमने पढ़ तो लिया आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पर कंपनी का इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो वो भी हमको इंक्वायर करनी पड़ेगी क्या <coughs> कि कंपनी ये ठीक से काम नहीं कर रही इन दो डायरेक्टर्स में झगड़ा चल रहा है इसको इसको फंसाने के लिए इन्होंने ये किया है ये किया नहीं You're not presumed to know the internal problems of the company, so this operates in your योर Doctrine of indoor management इंडोर मैनेजमेंट आपके फेवर में मतलब आउटसाइडर के फेवर में ऑपरेट करती है और बोलती है um, कि जैसे डॉक्टर एन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दाइड आउटसाइडर्स डॉक्टर एन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द कंपनी ठीक है इसीलिए ऐसा भी बोलते हैं कि भाई ये इसका एक्सेप्शन है या ऑपोजिट uh, है पर डॉक्ट्रेट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में भी हमारे पास तीन एक्सेप्शन होते हैं नॉलेज ऑफ एंड इग्यूलिटी मतलब आउटसाइडर है आ रहा है उसको एक्चुअली पता है कि कंपनी के अंदर गड़बड़ चल रही है फिर भी वो बोल रहा है भाई मेरे को जानने की जरूरत थोड़ी ना मैं तो एक काम करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जो होगा देखा जाएगा बाद में मैं बोलूंगा मेरे को थोड़ा पता था गड़, गड़बड़ चल रही है और मेरे को इंक्वायर करने की जरूरत नहीं थी तो आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा नहीं नहीं आपको जब इरेगुलरिटी के बारे में पता था मतलब जैसे बोलते हैं ना क्राइम का अगर साथ दोगे तो आप भी क्रिमिनल बन गए तो आपको जब इरेगुलरिटी के बारे में पता था देन यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इरेग्युलरिटी तो आपको ये डॉक्ट्रेन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा दूसरा नेग्लिजेंस बड़े आराम से यार कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो उसको समझ में आ जाता है इस सिचुएशन में कि अगर एक दो क्वेश्चन भी वो पूछता तो उसको समझ में आ जाता तो जब आपको इतना सस्पेशन दिख रहा है सामने सामने समझ में आ रहा है कि भाई पूछ तो पूछ और जैसे ही पूछोगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि गड़बड़ है तो जान के आप पहले कुएं में कूद रहे हो कि हाँ गड़बड़ नहीं मुझे तो कूदना है और उसके बाद बोल रहे हो कि अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई सो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर एन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और तीसरा है फॉर्जरी फॉर्जरी में आइडियली इन लोगों की गलती नहीं होती है आउटसाइडर की पर फॉर्जरी इज कंप्लीट नलिटी इन ऑल लॉस तो फॉर्जरी के केस में तो भाई काम नहीं चल पाएगा मतलब किसी ने नकली सिग्नेचर कर दिए तो नकली सिग्नेचर लेके आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट करो ही करो आई रेड योर मेमोरेंडम आई रेड योर आर्टिकल्स मैंने ये किया मैंने नहीं फॉर्जरी के के केस में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा ठीक है सो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट वी हैव रिवाइज्ड तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई पढ़ी नहीं है पहले तो इन डिटेल थोड़ी पढ़नी पड़ेगी तब ये चीजें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी दिस इज जस्ट द क्विक रिविजन एंड रिविजन में मैंने उतना ही इंपॉर्टेंस उतने ही टॉपिक को दी है जिस हिसाब से हमारे मटीरियल में इनकॉर्पोरेटेड है ठीक है तो कुछ चीजें मैंने थोड़े शॉर्ट में और जल्दी बताई है बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नॉट नीडेड इन डिटेल फाइन चलो चलिए रिवाइज करते हैं अब चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर्ड होता है और ये हमारा डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में पार्ट वन और पार्ट टू तो पार्ट वन में हम पढ़ते हैं सेक्शन 23 से 41 तक और पार्ट टू में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है जो है सेक्शन नंबर फोर्टी मैम इस चैप्टर में क्या हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं या ब्रॉडली हम डिस्कस करें तो भाई चार चीजें हैं पहली सिक्योरिटीज इशू कैसे होंगी दूसरी सिक्योरिटीज अगर इशू होंगी तो अलॉट कैसे होंगी तीसरी पेनाल्टीज और चौथी की अगर मैं बात करूं तो जो हमने बोला सेक्शन फोर्टी टू दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ठीक है कौन सी तरीके की कंपनीज होती हैं हमारे पास ये हमें ऑलरेडी पता है

तो वो कैसे कैसे सिक्योरिटीज इशू कर सकती है वी नो दैट देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेजिंग मनी आपको बहुत तरीके से आप बैंक से लोन ले सकते हो आप डिपॉजिट्स हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं पैसे लेने के अगर आपको बिजनेस में पैसे चाहिए और उसमें से एक तरीका होता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज राइट सिक्योरिटीज इशू करके पैसे रेज करना अब सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सिक्योरिटीज बड़ा ही वाइड टर्म है एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल दो सिक्योरिटीज हमारी डायरेक्टली कंपनी एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है सिक्योरिटीज के लिए हमें सेक्शन तो दिया है पर बोला है कि सिक्योरिटीज विल सिक्योरिटी होगा और एस सी आर एक्ट में क्या है एससीआर एक्ट में अगर हम जाते हैं तो हमें सिक्योरिटीज की डेफिनेशन मिलती है जहां पे लिखा है कि बॉन्ड्स हो या डिबेंचर्स हो या शेयर्स हो या स्टॉक्स हो कोई डिराइवेटिव हो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो यूलिप नहीं हाँ यूलिप सिक्योरिटीज़ में इंक्लूडेड नहीं होता है यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने पचास हज़ार रुपये यूलिप में डाला मतलब मेरा इंश्योरेंस कवर भी हुआ और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की तरह भी इन्वेस्ट किया आप समझ लो तो यूलिप कवर्ड नहीं होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और बाकी बहुत ज्यादा एकदम रटने की डेफिनेशन नहीं है मतलब पूरा एकदम याद कर ले वर्ड बाय वर्ड नहीं हमें ब्रॉडली पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटीज ये ये चीजें इंक्लूडेड होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी हम सिक्योरिटी बोलते हैं कोई सर्टिफिकेट इशू होता है उसको भी बोलते हैं कोई अधिकार होता है इन सिक्योरिटीज राइट और इंटरेस्ट तो उसको भी हम सिक्योरिटीज बोलते हैं ठीक है फाइन अब आता है हमारा सबसे पहला सेक्शन सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री एक प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे सिक्योरिटी इशू कर सकती है एक प्राइवेट कंपनी आप राइट्स इशू ला सकते हो जिसको हम पढ़ते हैं इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल आप बोनस इशू ला सकते हो अगेन इट इज रेड इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल बाय कंप्लाइंग द और आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो मतलब आप पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते हो भाई यही तो प्राइवेट कंपनी की बेसिक डेफिनेशन पड़ी थी ना प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में तीन चीजें होती है रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लिमिटेशन तो हमने उसमें पढ़ा था ना कि प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज मतलब पब्लिक ऑफर आप नहीं दे सकते आपको सिक्योरिटीज इशू करनी है आपको शेयर्स देने है डिवेंचर देना बॉन्ड देना स्क्रिप्ट देना कुछ भी देना है आप क्या करोगे प्राइवेट बंदों को दोगे पब्लिक को जनरल ऑफर नहीं दे सकते प्राइवेट बंदे कौन हो सकते हैं मैम वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो सकता है कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है कोई भी हो सकता है उसको एक ऑफर दे सकते हो तो वो हमारा क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट होता है हम है, पढ़ते हैं ठीक है पर अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो भाई पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर तो ला ही सकती है बिल्कुल ला सकती है मैम राइट से भी कर सकती है बोनस इशू भी कर सकती है क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है वाई नॉट कितनी ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पब्लिक ऑफर लेके ही नहीं आती है वो प्राइवेट बंदों के साथ ही खेलती रहती है एक पब्लिक कंपनी सात लोगों के साथ बन सकती है क्या उन्होंने पब्लिक ऑफर दे के पब्लिक कंपनी बनाई नहीं सात लोगों ने बनाई अब वो चलाते जा रहे चलाते जा रहे चलाते जा रहे उनको पब्लिक से पैसे उठाने की नीड ही नहीं है सिक्योरिटीज उनको नहीं इशू करते तो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज रेज कर सकती है सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज कर सकती है ठीक है हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मैम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्राइवेट प्लेसमेंट जो कहाँ दिया है पार्ट टू ऑफ चैप्टर और हमें इसमें पढ़ना है पब्लिक ऑफर जिसका मेन हमारा पूरा कोर कंटेंट जो है ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक ऑफर में है क्योंकि पार्ट वन की चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हम कही कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफर से जुड़ी हुई पढ़ते हैं और पार्ट टू में हम प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ते हैं सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पार्ट वन ओनली जिसमें हम पब्लिक ऑफर की बात कर रहे हैं राइट right? हम पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं पब्लिक ऑफर में तीन चीज आ जाती है आईपीओ एफ पी ओ एंड ऑफर फॉर सेल आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर एफ पी ओ फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल अभी हम पढ़ेंगे बाई इशुंग प्रोस्पेक्ट ह्यूर कम्स अ गोल्ड इन वर्ड प्रोस्पेक्ट सवाल ये उठता है कि प्रोस्पेक्टस क्या है मैम प्रोस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट है जिससे लोगों को इन्वाइट किया जाता है टू मेक एन ऑफर मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज इशूड एज प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्ट ऐसी डेफिनेशन बोलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट लाइक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये सब इंक्लूडेड होते हैं प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में हमको क्या प्रोस्पेक्टस डिफाइन करने को पूछता है हार्डली आपसे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है बट हां प्रोस्पेक्टस हमें समझना बहुत जरूरी होता है क्यूं? क्यों क्योंकि इससे छोटी मोटी हमारी सिचुएशन बन जाती है जैसे इन एडवर्टीजमेंट आया कोई सर्कुलर इशू हुआ कोई नोटिस इशू जिसपे ऊपर लिखा नहीं है कि प्रोस्पेक्टस है पर फिर भी वो ऑफर दे रहा है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस अनडाउटेडली इज नॉट यूज्ड और नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफर के केस में जरूरी होता है आप आईपीओ करो एफपीओ करो या ऑफर फॉर सेल करो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एज स्टेटेड इन पार्ट वन ऑफ चैप्टर थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट इसके अलावा सेबी एक्ट रेगुलेशन भी अप्लाई होते हैं अगर हमारी लिस्टेड कंपनी होती है तो अनडाउटेडली हमारी कंपनी लिस्टेड ही हो जाएगी जैसे ही वो पब्लिक ऑफर देती है वरना वो पब्लिक ऑफर के साथ प्रोसीड ही नहीं कर सकती ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं ठीक है ठीके? तो कोई भी डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग शेल्फ एंड कोई भी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट अदर ऑफर कुछ भी जो इन्वाइट कर रहा है पब्लिक को इट इज मेकिंग एन ऑफर टू पब्लिक इन्वाइटिंग पब्लिक अदर तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिस ठीक है ओके फाइन सिक्योरिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है प्रोस्पेक्टस ये भी मैंने आपको बता दिया प्रोस्पेक्टस क्यों कब कहाँ कैसे ये सारी चीजें रिविजन में जरूरी बिल्कुल भी नहीं है रिविजन को हम स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं कि वो चीज़ डिस्कस करें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो आपके एग्जाम में पूछी जाए राइट right? चल अब एक बार थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं तब हम एक एक सेक्शन को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे प्रोसेस क्या होता है मैम अगर हमको सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज करना है पब्लिक पब्लिक से मतलब हमें ऑफर देना है के थ्रू पैसे रेज हैं तो हम क्या करेंगे हमारी सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं और भी गवर्निंग लॉज होते हैं वी मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज मतलब वो मार्केट प्लेस होता है जहां पे हम सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म क्योंकि पब्लिक ऑफ़र या पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज़ फ़्रीली ट्रांसफ़रेबल होती हैं गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया और बोला कि अगर पब्लिक इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ ख़रीदती है किसी भी कंपनी की तो उनको ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि भाई आप ख़रीद बेच सको एक ओपन अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तो कभी भी किसी भी कंपनी को अगर पब्लिक को सिक्योरिटीज़ इशू करनी है उनसे पैसे रेज करने तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा वो प्लेटफॉर्म आप कैसे प्रोवाइड करोगे आप जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है दैट इज डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस आप उनको अप्लाई करोगे और बोलोगे हम आपके यहाँ लिस्टिंग कराना चाहते हैं तो अगर वो आपको परमिशन दे देंगे तो वहां वहां लिस्टिंग हो जाएगी एक से ज्यादा मार्केट में भी लिस्टिंग हो सकती है सिर्फ एक में भी हो सकती है पर आपने जितने में अप्लाई किया है वो सारे के सारे आपको परमिशन ग्रांट करेंगे तो ही लिस्टिंग होगी अगर आपने एक ही में अप्लाई किया तो आपको परमिशन सिर्फ एक से चाहिए अगर आपने दो में अप्लाई किया और एक ने रिजेक्ट कर दिया देन यू कैन नॉट प्रोसीड विद पब्लिक ऑफर मतलब सबकी परमिशन मिल गई तब पब्लिक ऑफर होगा प्रोस्पेक्टस में स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी लिखा होता है प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स के हिसाब से होगा जिसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स की प्रोस्पेक्ट्स में क्या क्या जानकारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को किसी तरीके का धोखा ना हो आप उनको जो ऑफर दे रहे हैं जो इन्विटेशन दे रहे हैं उसमें आप इन बातों को जरूर कन्वे करेंगे ताकि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर अच्छे से डिसीजन ले पाए उसके बाद हम आर को देते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है वो अपने रिकॉर्ड में इस प्रस्पेक्टिस को दर्ज करते हैं और इसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज फिर हम पब्लिक को इशू करते हैं सर्कुलेट करते हैं एंड जनता क्या करते हैं पब्लिक क्या करती है वो अप्लाई करते हैं फॉर सिक्योरिटीज राइट थोड़ा सा प्रोसीजर प्रैक्टिकली अलग होता है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द रेगुलर क्लास तो यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ मनी कलेक्टेड हैस टू बे अ सेपरेट बैंक अकाउंट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया तो उसके बाद हम अलॉट करेंगे वरना हम पैसे रिफंड कर देंगे ठीक है फाइन मैम पहले मैं आपको लेके चल रही हूं सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे प्रोस्पेक्टस में हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डेट प्रोस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रिलिवेंस होल्ड करती है और डेट जो प्रोस्पेक्ट्स पे लिखी होती है दैट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस हम तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक उसको हम रजिस्ट्रार के पास फाइल ना करा दें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है सिर्फ फाइलिंग करानी है इट हैज टू बी साइंड साइंड कौन करता है साइन वो करता है जो डायरेक्टर की तरह इसमें नेम्ड है या जो प्रपोज है जब कंपनी नई नई बनती है मे बी देअर इज समपोज डायरेक्टर सो एनी वन हुआज नेम्ड एज अ डायरेक्टर वो साइन करते हैं सो इट इज साइंड बाय द डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार वही देखता है सब चीजें हैं कि नहीं है नाउ प्रोस्पेक्ट में कंटेंट्स क्या होते हैं वो इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट जो कि सेबी ने स्पेसिफाई की हो जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं करता हम वही इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट को में इंक्लूड करते हैं जो सेबी एक्ट में लिखी हुई है तो फिलहाल हमारे पास सेक्शन सेक्शन 26 26 में में कुछ है ही नहीं 26 में पहले बहुत कुछ हुआ करता था अब सिर्फ यही है कि भाई सेबी ने जो स्पेसिफाई किया है वो रहेगा सेबी जब तक स्पेसिफाई नहीं करता तब तक सेबी एक्ट में जो चीजें हैं वही देखो सेबी एक्ट हमको पढ़नी नहीं है तो वहां पर बात खत्म इसके अलावा एक डिक्लेरेशन कंप्लायंस आता है अबाउट द कंप्लायंसेस एंड एक्सपर्ट स्टेटमेंट में ऑल्सो भी इंक्लूडेड एक्सपर्ट स्टेटमेंट अगर हमने किसी एक्सपर्ट से कोई काम कराया है और हमें लगता है कि उसकी ये जो भी रिपोर्ट है वो हमें डालनी है दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट इज मटीरियल दैट इज रेलिवेंट बिकॉज उसके बेसिस पे लोग डिसीजन लेंगे उसके बेसिस पे हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं तो हम एक्सपर्ट की कंसेंट ऑप्टेन करते हैं कि क्या आपकी स्टेटमेंट हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स में अगर वो हमें कंसेंट देते हैं अगर वो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव के साथ होते हैं मतलब वो हमारे प्रमोटर डायरेक्टर ये सब नहीं है ही इज इंडिपेंडेंट तो हम उनकी स्टेटमेंट को अपने प्रोस्पेक्ट में इंक्लूड करते हैं प्रोस्पेक्ट के फेस पे लिखते हैं कि भाई उनकी कंसेंट हमने ऑप्टेन की है और ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने कंसेंट दे दी दो बार दो दिन बाद उन्होंने विद्रॉ कर ली थी फिर भी हमने डाल दी है नहीं ही शुड नॉट हैव हिज कंसेंट ठीक है तो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट तब हम इंक्लूड करते हैं सो देर आर सम डिस्क्लोजर्स दैट हैव टू बी रिटन ऑन द कवर पेज आल्सो प्रोस्पेक्टस के कवर पेज पे लिखा होता है कि प्रोस्पेक्टस आरओसी के साथ फाइलड है अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अटैच्ड और ये एक्सपर्ट वाली चीज भी रहती है ठीक है चल नाउ वी हैव पनिशमेंट आल्सो फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 26 अब हम आ जाते हैं वापस हमारे सेक्शन नंबर थर्टी नाइन पे तो पब्लिक ऑफर जब करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस के अपने कंप्लायंसेस की प्रोस्पेक्टस बनाओ प्रोस्पेक्टस आरओसी को दो फिर प्रोस्पेक्टस इशू करो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड मत करो एक्सपर्ट आएगा एक्सपर्ट नहीं आएगा कब नहीं आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस से जुड़ी होती हैं इसके पहले हमने एक चीज और कर ली थी कि हमने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले ली थी ठीक है अब हमारा ऑफर ओपन होता है उसके बाद हमारा ऑफर क्लोज हो जाता है जितने भी टेन्योर के लिए हमारा ऑफर ओपन होता है उतने टेन्योर में पब्लिक बाय द गिवन मोड कैन अप्लाई कि हमको भी इस कंपनी की सिक्योरिटी चाहिए अब ऐसा आपको पता होगा कि अनडाउटेडली ऐसा हो सकता है कि कंपनी को पैसे रेज करने हैं पचास लाख रुपए और लोगों ने खूब सारा अप्लाई कर दिया लोगों ने कहा ऐसे जितने 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 भी सिक्योरिटीज हुए एक करोड़ के लिए पैसे आ गए तो अब एक करोड़ तो कंपनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ना एक करोड़ कंपनी नहीं रखेगी पचास लाख रखेगी पचास लाख वापस कर देगी है ना हाँ या ना ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी की रिक्वायरमेंट थी पचास लाख बहुत ज्यादा लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ इस कंपनी पे ऑफर बहुत अपीलिंग नहीं लगा तो लोगों ने क्या किया सिर्फ बीस लाख लोगों ने अप्लाई किया एक रुपए का हम माने तो एक रुपए का शेयर आप इश्यू ही नहीं कर सकते हो ठीक है बट ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं तो मान लो बीस लाख हुआ तो अब क्या करें अब क्या करें अगर आपको लगता है मैम जो मिला जैसे बोलते हैं ना भागते भूत से लंगोटी भली ऐसे करके कुछ होते हैं ना अगर आपने वो बीस लाख रुपए रख लिए क्या आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो पाएगा कैसे उपाय का यार मान लो मुझे घर खरीदना है मेरा घर है तीन करोड़ रुपए का मैं बैंक से बोल रही हूँ कि एक करोड़ मेरे पास है दो करोड़ का लोन ले दो बैंक बोल रहे पचास लाख का लोन रख लो तो मैं क्या करूंगी क्या उससे मैं घर खरीद पाऊंगी बैंक का लोन ले लूंगी उल्टा कर्जा चढ़ा दूंगी कि नहीं तो सरकार ने बोला ऐसा ना काम नहीं करना है आपने अगर अपनी फंड रिक्वायरमेंट की थी कुछ और आपको उसका बहुत कम पैसा मिला है तो भैया आपको जो मिला है आप वापस ही कर दो डोंट गेट इन टू दैट प्रोजेक्ट बिकॉज यू डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो जो पैसा आप रेस करो ना आप इधर उधर चित्र बितर लगा दोगे और फिर पब्लिक का पैसा डूब जाएगा ठीक है तो रूल क्या बनाया गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलेगा तो पैसे वापस करने पड़ेंगे तो जब हमारे पास आता है ऑफर ऑफ कोर्स एप्लीकेशन मनी इज रिसीव अब हमारे पास अभी आप कंसेप्ट आगे जाके पढ़ोगे फुली पेड अपश पार्टली पेड अपश तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं Uh, बहुत सारे शेयर्स हमारे पास मेजोरिटी ऑफ़ द शेयर्स या सिक्योरिटीज जो होती है वो फुली पेड अप ही होती है तो ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन पे आप दस रुपये में से पाँच रुपए देते हो उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पार्टली भी होते हैं एंड पार्टली आर ऑल्सो ट्रेडेड पर फुली uh, ज्यादा होते हैं तो हम एक बार में सारा का सारा देते हैं मनी इज आइडियली ब्लॉग इट इज नॉट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली थोड़ी सी अलग हो जाती हैं पर लॉ है भाई और जो जैसे लॉ है वैसे ही आंसर प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में अपना वो नहीं कर देना है ठीक है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ या नहीं हुआ हम ये चेक करते हैं अगर हुआ तो भाई हम सिक्योरिटीज को अलॉट करेंगे और सिक्योरिटीज जब अलॉट करते हैं तो थर्टी डेज के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करते हैं कि, कि किसके साथ आर के साथ कि हमने सिक्योरिटीज अलॉट की है अगर नहीं होता है तो पंद्रह दिन के अंदर अंदर हमें अमाउंट रिफंड करना होता है इन द सेम मोड ठीक है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में डिटेल जाता है अबाउट द एलोटीज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज कुछ अगर हमारे अदर देन कैश है अगर uh, उससे रिलेटेड हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है तो डिटेल्स विद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड वैल्यू रिपोर्ट रेजोल्यूशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स क्योंकि बोनस शेयर्स में पैसे का कुछ तो आना जाना होता नहीं है ठीक है एंड देन वी अगेन वी हैव द पेनाल्टी ओके चलो नाउ हमारा जो प्रोस्पेक्टस बनता है दैट हैज टू बी फ्री फ्रॉम द स्टेटमेंट्स प्रोस्पेक्टस हमको नहीं इशू करना होता है हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही या सेम क्लास ऑफ शेयर्स अगर हम इशू करते हैं तो दे आर टू एक्सेप्शनल केसेस जब हमको प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करना होता है एंड um, अगर हमने कोई भी प्रोस्पेक्ट इशू किया इट शुड नॉट कंटेन एनी मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट मतलब क्या हो सकता है मैम मिस स्टेटमेंट का मतलब ये हो सकता है कि हमने कुछ गलत बात कह दी या मिस स्टेटमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कोई सही बात कोई इम्पोर्टेंट बात छुपा ली इन दोनों को हम मिस स्टेटमेंट में काउंट करते हैं और जब हम इसको मिस स्टेटमेंट कहते हैं तो सोचो मिस स्टेटमेंट से बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है हमारा एक आध दो हजार रुपये डूब भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो करोड़ों में काम कर रहे हैं उनका अगर पैसा डूबेगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टेटमेंट उनको बहुत फर्क पड़ेगा तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आप जो प्रोस्पेक्टस बनाएं उसको मिस स्टेटमेंट फ्री बनाए अब इंसान है भाई गलती तो हो सकती है ना तो गलतियां और फ्रॉड्यूलेंट मोटिव और रिया uh, गिल्टी माइंड वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं और डैमेज या लॉस अलग हो जाता है मतलब क्या है मैम मतलब अगर हमारे प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हुई तो हमारी दो लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी इट डिपेंड्स कि दोनों होंगी एक होंगी, क्या होगी क्या होगा क्या नहीं होगा डिपेंड करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर मैं पहली बा, बात करूं तो यहाँ पे मेन्स रिया या गिल्टी माइंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है मतलब आपने किसी को फ्रॉड आपने गलत इरादे से एक गलत स्टेटमेंट डाली कि भाई ये लिख देते हैं तो लोग क्या करेंगे पैसे दे देंगे ये आपने गलत किया है सरकार इसको एक जुर्म मानती है जैसे आप रोड पे जाते हो आप एक्सीडेंट कर देते हो या आप गलत ड्राइव कर रहे थे आपने ओवर स्पीडिंग की दैट इज जुर्म ठीक है तो वहां पे आप आ, क्या करते हो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्ट गवर्नमेंट और वहां पर यू आर पनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन फोर फोर्टी सेवन हमारे पास सेक्शन फोर फोर्टी सेवन है जिसमें पेनाल्टी दी हुई है हमारे पास लेसर क्वांटम और हेवियर क्वांटम दोनों की पेनाल्टी हमें डिटर्माइन करना होता है भाई हम किसमें फॉल करते हैं अकॉर्डिंगली वी गेट द पनिशमेंट फॉर फ्रॉड आप बच सकते हो अगर आप बोल दो कि हमने जो मिस स्टेटमेंट डाली वो है यार उससे क्या फर्क पड़ता है मतलब एक ही जगह बी लिखा लिख दिया हमने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर यू हैड द रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव भाई हमको तो यही लगा कि यही सच है और हमने तो यही मान के ऐसा किया था मतलब एबसेंस ऑफ गिल्टी माइंड राइट तो इन दो केसेस में आप बच सकते हो फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी ठीक है अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक्सीडेंट तो हुआ साथ साथ दूसरे का नुकसान भी हुआ तो एक्सीडेंट तो आपने किया है या आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे उसके लिए तो आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा साथ साथ आपने दूसरे का नुकसान किया है तो दूसरे की भी आपको लॉस की या डैमेज की भरपाई करनी पड़ेगी वो होता है हमारा सिविल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन थर्टी फाइव पे आपने सरकार के लिए कुछ गलत नहीं किया है यहां पे आपने पार्टी के अगेंस्ट गलत किया है तो यहाँ पे यू हैव टू पे कॉम्पेसेशन टू इन्वेस्टर्स मैम कौन पे करेगा भाई कंपनी डायरेक्टर प्रपोज डायरेक्टर प्रमोटर एक्सपर्ट जो भी इज ऑथोराइज इज लाइबल टू और वहाँ पे जिसने भी प्रोस्पेक्टस ऑथराइज किया था क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है वो एक जुर्म है यहाँ पे अनडाउटेडली um, ऑल दीज पर्सन आर लाइबल डिपेंड करता है अब कई बार बच्चों के मन में सवाल उठता है मैम ये करेगा वो करेगा इक्वल प्रपोर्शन होगा ऐसा होगा वैसा होगा तो भाई कोर्ट में ट्रायल होता है हमारे पास एजुटिकेटिंग अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं अकॉर्डिंगली हमें वो करना पड़ता है ठीक है तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सबका ट्रायल होता है सबके स्टेटमेंट्स होते हैं सबके अपॉर्चुनिटीज होती हैं एंड देन द सेम इज फाइनलाइज ठीक है, है the, uh, ये लोग भी कुछ बचाव के रास्ते ला सकते हैं डिफेंस के रास्ते ला सकते हैं अगर ये बोलते हैं कि भाई मैंने तो अपनी कंसेंट ही विद्रॉ कर ली थी कि मुझे डायरेक्टर नहीं बनना जैसे ही मुझे ये पता चला या मैंने तो एक्सपर्ट की बातों पे विश्वास किया था एक्सपर्ट ने ये बोला मुझे लगा ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है ये ऐसी बात कह रहे हैं तो ठीक ही होगा इसलिए मैंने साइन कर दिया था या फिर प्रोस्पेक्टस मेरी नॉलेज के बिना इशू हो गया मतलब मुझे जानकारी नहीं थी तो अगर ऐसी बातें ये कहते हैं तो ये बच सकते हैं फ्रॉम द सिविल सिविलिटी ये हमारी सेक्शन 447 की पनिशमेंट है फॉर फ्रॉड यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो अमाउंट है अमाउंट है अगर मैं बात करूं आई कैन से इफ इट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट देन हायर क्वांटिटी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होती है या फिर अगर जो आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड है इज मोर दैन अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है एंड लोअर देन लोअर क्वांटम पनिशमेंट होती है ठीक है तो ये क्या पनिशमेंट या पेनाल्टी मैम हमें याद करनी पड़ेगी अनडाउटेडली आपको ये पनिशमेंट या पेनाल्टी रटनी पड़ेगी ठीक है सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स सबसे पहला एवरिस्ट प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है एवरिस्ट प्रोस्पेक्टस छोटा प्रॉस्पेक्टस एक समराइज वर्जन यूजअली हमारा प्रोस्पेक्ट्स तीन सौ चार सौ पेजेस का हो जाता है और वो हर एक रीडर के लिए रीड करना बहुत मुश्किल होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक एवरेस्ट प्रोस्पेक्ट्स अटैच होकर जाएगा जिसमें सैलेंट फीचर्स होते हैं कंटेनिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स दूसरा आता है हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्ट सेक्शन थर्टी वन शेल्फ प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है हमें बार 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 बार, बार सिक्योरिटीज रेज करनी है तो अब हर बार प्रॉस्पेक्ट्स बनाना इतनी फॉर्मेलिटीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए ये लाया गया है और उनको बोला गया है कि आपको एक साल की हम वैलिडिटी देंगे फॉर योर प्रॉस्पेक्ट्स अब एक साल में भी बहुत सारी बातें बदल जाती हैं जो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करनी होती है वो आप करते हो थ्रू इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ठीक है तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया दैट इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर ईयर अब जब जब आपको सिक्योरिटीज रेज करनी है तब तब आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक इशू करते हो और आपका काम बन जाता है ठीक है तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में हम क्या करते हैं कोई भी नया चार्ज क्रिएट हुआ है कोई फाइनेंशियल पोजिशन बदली है कुछ भी और है तो वो सारी चीजें डाल देते हैं ठीक है तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया वहां से वो एक साल के लिए वैलिड होता है जब जब आप ऑफर लेके आएंगे तब तब आप मेमोरेंडम फाइल करेंगे राइट right? ओके okay. नेक्स्ट हमारा आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सेक्शन नंबर थर्टी टू अब दिस इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब आई वॉन्ट टू रेस फंड्स थ्रू सिक्योरिटीज बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि पता नहीं मेरी सिक्योरिटीज बिकेंगी नहीं बिकेंगी कितनी आएंगी किस प्राइस पे मुझे ऑफर करना चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ऐसा प्रोस्पेक्ट इशू करते हैं विच डज नॉट इंक्लूड क्वांटम और प्राइस मतलब हम यहाँ पे कहीं कही ना कहीं असेसमेंट कर रहे हैं हम दे रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए पर हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम कितने में ऑफ़र कर रहे हैं तो प्राइस बैंड वगैरह होता है यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इज़ हिडन सम इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द बुक बिल्डिंग प्रोसेस तो हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं हम ऑफर ओपन होता है क्लोज होता है आफ्टर दैट फाइनल इज फाइल्ड एज एज वेल कोई भी अगर वेरिएशन होता है तो दैट इज हाईलाइट एंड स्टेटिंग द कैपिटल रेज क्लोजिंग प्राइस और अदर डिटेल्स इसके बाद आता है हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्ट सेक्शन नंबर ट्वेंटी भाई कंपनी डीम्ड प्रोस्पेक्ट में हमारे दो सेक्शन आते हैं एक सेक्शन ट्वेंटी फाइव एक सेक्शन ट्वेंटी एट अब कंपनी ने एलॉट की है या एग्री की है कि हम सिक्योरिटीज एलॉट करेंगे व्यू टू गेट इट ऑफर टू पब्लिक व्यू नॉट क्लियर बट बट ऑफर अच्छा चलो एक सिंपल सी चीज बात करते हैं कंपनी इनडायरेक्ट ऑफर दे रही है किसको दे रही है पब्लिक को पब्लिक को कंपनी ने अगर डायरेक्ट ऑफर दिया तो कंपनी एक्ट आपने बोल दिया प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही देना है और प्रोस्पेक्टस में इतनी जानकारी होनी ही होनी चाहिए ठीक है हमने मान लिया अब कंपनी ने एक नया तरीका निकाला कंपनी ने कहा एक काम करते हैं बड़े बड़े इशू हाउसेस वगैरह होते हैं हम इनको दे देते हैं अपनी सिक्योरिटीज प्राइवेटली प्लेस कर देते हैं और उसके बाद ये क्या करेंगे पब्लिक को ऑफर दे देंगे ठीक है ये पब्लिक ऑफर बाद में दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पब्लिक ऑफर हो जाएगा और हम प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसे अब ये लोग जब पब्लिक को ऑफर देंगे तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट को भी हम डीम्ड प्रोस्पेक्ट्स मान लेंगे मतलब उसमें भी सारे के सारे कंप्लाइंसेस सारे के सारे रूल्स लग जाएंगे प्रोस्पेक्ट्स के और आपको वैसे ही सारी जानकारी सब चीज़ देनी पड़ेगी अब कैसे पता चले मैम लोग तो बोल देंगे नहीं नहीं हमें किया था उसके बाद हम दे रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो तो हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है कंपनी ने इशू हाउस को दिया छः महीने के अंदर अंदर इशू हाउस ने पब्लिक को दे दिया दैट मीन्स इट वॉज प्री डिसाइडेड तो हम इसको पब्लिक ऑफर ही मानेंगे या फिर हमने इशू हाउस को दिया इशू हाउस ने हमको पेमेंट ही नहीं की है क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है इशू हाउस पब्लिक को देगी पब्लिक से पैसे उठाएगी तो फिर हमको देगी देन द होल कंसीडरेशन वाज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम व्हेन इशू हाउस मेड एन ऑफर टू जनरल पब्लिक ठीक है तो हम इन दो सिचुएशन में प्रिज्यूम कर लेते हैं कि भाई अलॉटमेंट जो हो रहा है ना वो ऑफर फॉर सेल ही है मतलब सेल टू पब्लिक ही है ठीक है एक और हमारा आता है डीम्ड प्रोस्पेक्ट का सेक्शन जहां पे डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग होती है आई जो मेंबर्स हैं वो प्रपोज करते हैं कि हमारे शेयर्स कुछ पब्लिक को दे दिए जाए दैट कैन बी डन इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कोर्स देखो आपके पास ये रास्ता है कि आप सेकेंडरी मार्केट में जाके एक एक शेयर खुद ही बेच लो ठीक है पर मेंबर्स कैन जैसे प्रमोटर्स वगैरह होते हैं शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करते हैं तो पब्लिक ऑफर भी वो दे सकते हैं ऑफर इज मेड टू पब्लिक बट ये जो डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर दिया जाता है ऑफकोर्स यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अप्लाई होगा नहीं मिनिमम एप्लीकेशन मानी ये सब नहीं होगा तो कुछ चीजें हैं जो अनडाउटेडली एप्लीकेबल नहीं होती है यहाँ पे देन वे हे समिंग कॉल्ड एज फ्रॉडली इंड टू इन्वेस्ट अब कई बार जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं जो मिड पर्सन होते हैं they make some fake promises, forecast, statements, कुछ conceal करते हैं, कुछ मिसलीडिंग देते हैं and induce the other person की, नहीं आप ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो इनको भी फ्रॉडुलेंट परव्यू में लिया जाता है दे ऑल्सो बिकम लाइबल फॉर सेक्शन नंबर फोर फोर्टी सेवन एक और सेक्शन हमारे पास सेक्शन थर्टी सेवन जहां पर ग्रुप एक्शन की बात होती है एंड ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है क्लास एक्शन की बात है कि देखो अगर कुछ गलत होता है तो मेरे लिए ट्रायल सूट कोर्ट केसेस ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं सो क्लास एक्शन इज अलाउड दैट मींस इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स टू कम टुगेदर एंड फाइल अ सूट सो दिस इज समथिंग व्हिच इज परमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट एक छोटा सा सेक्शन और है सेक्शन नंबर थर्टी जो एडवर्टीजमेंट की बात करता है कैसा एडवर्टीजमेंट मैं एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रस्पेक्टिस तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसमें भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं सेक्शन थर्टी के हिसाब से कि ये चीजें इंक्लूड होनी ही होनी चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट शेयर कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक है फाइन नाउ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रैक्ट सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन इसका आइडिया कहीं ना कहीं आपको पहले से कैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन अगर करना है तो सिचुएशन अगर होती है तो हमें क्या करना पड़ता है एग्जिट ऑफर एस आर ये सारी चीजें पहले से हमको पता है कहीं ना कहीं कि ऐसा होता है मतलब मैम एक कंपनी है जिसने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दिया प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा रेज किया बाय इशूंग सिक्योरिटीज पैसा रेज किया पचास लाख बोल के हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे पचास लाख में से खर्च किया सिर्फ दस लाख चालीस लाख अभी बचा हुआ है अब बोल रहे हैं कि हम इस चालीस लाख को ना दूसरे प्रोजेक्ट में डालेंगे तो वो जनता बेवकूफ थी क्या आपने फिर वही काम किया ना कि झूठे वादे किए और उसके बाद कुछ और आप काम करने लगे सो यू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन नॉट वेरी अनलेस आप एसआर पास कर पाओ थ्रू पोस्टल बैलेट एंड एग्जिट ऑफर दो तो टू तो तो द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ठीक है तो इसका एडवर्टीजमेंट भी देना होता है और नोटिस न्यूज कंपनी की वेबसाइट सब जगह पब्लिश होता है उसके बाद चीजें होती है ठीक है चलो नाउ ये तो हमारी बहुत सारी से जुड़ी हुई बात है डी मटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज तो मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगी अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होगी हमारी सिक्योरिटीज की तो डिपॉजिटरी के पास वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होती है दिप सिक्योरिटीज फॉर्म जितनी भी हमारी कंपनीज लिस्ट हो रही है अनडाउटेडली वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज इशू करती है तो सिक्योरिटीज उनकी डीमटीरियलाइज फॉर्म में ही होती हैं सो so, हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर दे रही है एंड द अदर क्लास ऑफ कंपनीज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब जो हमारी प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो डीमैट फॉर्म में ही सिक्योरिटीज होल्ड करेगी प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डीमैट फॉर्म में होगी और कंपनी जो पब्लिक ऑफर करेगी वो भी डीमैट फॉर्म में ही होगा ठीक है उसके बाद हमारा एक रूल आता है रूल नाइन ए जिसमें बात होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की कि आपकी जो सिक्योरिटीज होंगी हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी निधि गवर्नमेंट और होली उन सब में इंक्लूड नहीं होती है दे ऑल शैल इशू सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म ओनली ठीक है तो इनको भी डिमेटेरियलाइजेशन कराना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटीज का और तीसरी चीज होती है हमारी वॉलेंटरी बेसिस पे कोई और कराना चाहे तो वो भी करा सकता है अगर उसको डीमैट फॉर्म में होल्ड करना है तो उसको डिपोजिट्रीज एक्ट को फॉलो करना होता है अदरवाइज आप फिजिकल फॉर्म में होल्ड करना चाहते हो तो आप कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हो ठीक है अब बहुत सारी और चीजें हैं भाई डिपॉजिटरी के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा क्योंकि हमने डी मटेरियलाइजेशन करा हम टाइमली फी पे करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे सेबी के साथ कंप्लाइंस करेंगे तो ये सारी चीजें तो हमारी होंगी ही होंगी ठीक है सो अनलिस्टेड कंपनी आप अप्लाई uh, करते हो डिपॉजिटरी को फॉर डी और उसके बाद डीमैट फॉर्म में ही होल्ड करते हो एंड यू ऑल्सो एंश्योर द कम्पलांस विच आर गिवेन ठीक तो हमारे ऑब्लिगेशन हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के आप सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा मेंटेन करोगे जो आपने दिया है टाइमली uh, डिपॉजिट करोगे फी और सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करोगे फाइन अच्छा sure. हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को पी भी सबमिट करना होता है टू रजिस्ट्रार विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम दंक्लूजन ऑफ इच हाफ यूर जो सर्टिफाई होता है या तो सी एस द्वारा या सी ए द्वारा नंबर फोर्टी सेक्शन नंबर फोर्टी ना हमारी दो चीज में डिवाइडेड है एक तो हम स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करते हैं वो पार्ट है और एक लास्ट पार्ट हमारा छोटा सा आता है अंडर राइटिंग कमीशन का जिसमें हमको रूल ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं सेक्शन कम देता है अंडर राइटिंग क्या होती है अंडर राइटिंग इज गारंटी मैं अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती हूँ मार्केट में और पैसे रेस करना चाहती हूँ बट आई एम नॉट श्योर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मैम बुक बिल्डिंग चाहिए उसके बाद भी आई एम नॉट श्योर भाई नहीं हुआ तो क्या होगा फिर मेरे को तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा मेरा तो सारा बैंड बच जाएगा तो हम अंडर राइटर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई देखो आप अंडर राइट कर लो हमारा इशू मतलब अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे तो आप या तो पब्लिक से करवाओगे आप खुद ले लोगे ठीक है तो अंडर राइटिंग इज टू टेक अप शेयर्स नॉट टेकन बाय पब्लिक इसके अगेंस्ट वो पैसे लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन इस पर सीलिंग लगी हुई है अपर सीलिंग अपर सीलिंग क्या है शेयर्स के लिए फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस इशू प्राइस और द रेट इन आर्टिकल्स मतलब अगर आर्टिकल्स बोलेगा कि चार परसेंट ही देना है तो हम चार से ज्यादा नहीं दे सकते एंड डिबेंचर्स के लिए टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस इसका आधा ठीक है प्रॉफिट से भी दे सकते हैं जो कैपिटल रेस किया उससे भी दे सकते हैं ठीक है पर आर्टिकल्स में ऑथोराइजेशन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में इस बात का डिस्क्लोजर होना चाहिए कोई भी कमीशन उन सिक्योरिटीज पर नहीं दी जाएगी जो पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए भाई उस पर क्या कमीशन ठीक है और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर कमीशन होता है इसको हम आर के पास डिलीवर करते हैं ठीक है क्शन नंबर फोर्टी इज ऑल्सो क्लियर इस पे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरीके के हमारे क्वेश्चन बरबर के आते हैं आराम से आते हैं ठीक है तो ये पॉपुलर चॉइस है ऑफ एग्जामिनियर चलिए लेट्स मूव फर्दर नाउ टू सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर फोर्टी टू ठीक है चल, बोर्ड सोचता है कि हमें फंड रेज करने हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अब क्या चीज रेज करने है आपको मतलब आप सिक्योरिटीज कौन सी इशू करोगे अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करते हो तो हम एक सेक्शन वन एटी एट लेटर स्टेज पढ़ते हैं कि क्या उस लिमिट के अंदर दैट इज ऑल अबाउट छोड़ो हम पढ़ते हैं कि क्या उस लिमिट के अंदर अंदर हम बोरो कर रहे हैं या उस लिमिट के बाहर की हमारी बोरोइंग्स है तो अगर उस लिमिट के अंदर अंदर बोरोइंग्स होती हैं तो भाई एस आर वंस एन ईयर इज सफिशेंट सॉरी अगर उस लिमिट के अंदर अंदर बोरोइंग होती है तो बोर्ड रिजोल्यूशन ही सफिशियंट होता है अगर उस लिमिट से एक्सीड करता है तो हमें एस आर चाहिए होता है तो ये काम है। है, का बोर्ड कर सकता है ये कार्ड तो को पावर दी हुई है कि इस लिमिट के अंदर अंदर आप बोरोइंग कर सकते हैं आप डिबेंचर इश्यू करके पैसे बॉरो तो कर रहे हो तो आपको वापस करना है ना तो वो बोरोइंग तो हो गया एक तरीके से तो आप बोरो कर रहे हो उस लिमिट के अगर अंदर अंदर बोरो करोगे तो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड के पास परमिशन होती है बोर्ड रेजोल्यूशन काफ़ी होता है वो पास किया रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया और उसके बाद हम अपने प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं पर अगर उस लिमिट से एक कर रहा है तो यहाँ पे एस आर चाहिए और साल वंस एंड ईर ठीक है पर कुछ और कर रहे हैं तो एस आर चाहिए ही चाहिए ठीक है तो भाई मीटिंग बुलाओगे एसआर पास करोगे एस आर आर ओ सी के साथ फाइल करोगे उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई सम पर्सन कि हम पैसे किससे लेंगे हो सकता है कोई बड़े बड़े बिजनेस मैन से ले कोई बिजनेस टाइकून से ले कोई इंस्टीट्यूशनल uh, इन्वेस्टर से ले किसी से भी हम ले सकते हैं तो वी आइडेंटिफाई सम पर्सन हम कितनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैक्सिमम फिफ्टी और हाईअर प्रोस्क्राइब हाईयर प्रोस्क्राइब इज टू हंड्रेड ठीक है हम उनका रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है इसके बाद हम इनको एक Private placement, offer application, PS4, भेजते हैं इसमें कोई renunciation का अधिकार नहीं होता renunciation, मतलब ऐसा नहीं कर सकते मुझे मिला भाई मैं तो नहीं ले रहा सिक्योरिटी तू ले ले चल मैंने तेरे को रेनाउंस कर दिया जैसे हम राइट right शेयर्स को रेनाउंस करते हैं नहीं नहीं कर सकते ठीक है इसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे दिस यू हैव टू गिव टू सिलेक्टेड पर्सन ओनली एंड सिलेक्टेड पर्सन ओनली कैन अप्लाई फॉर द ऑफर कैन अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज इफ़ ही इंटेंड्स टू और कोई नहीं कर सकता तो चेक के द्वारा क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं आप उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे सिक्सटी डेज के अंदर अंदर आप अलॉटमेंट करोगे अगर हो गया तो अलॉटमेंट रिटर्न ऑफ अलाटमेंट फाइल करोगे उसकी पेनाल्टी है नॉन फाइलिंग अगर नहीं हुआ तो आप रिफंड करते हो अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट लगता है जब तक हमारा अम... कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम क्या कर सकते हैं हम दूसरा ऑफर नहीं देंगे एंड uh, इसमें कोई भी पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं होता है अनडाउली बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग अ पब्लिक ऑफर वी हैव टू रिमेंबर दैट राइट ये जो हमारी लिमिट हम पढ़ते हैं दैट इज फॉर एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी ठीक है security, तो अलग अलग तरीके की हम सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो उनके लिए आ जाता है राइट आई होप इतनी बातें क्लियर है चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स बेसिकली हमारे सेक्शन नंबर्स कौन से कवर होते हैं सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72 तक कुछ कंसेप्ट हमारे शेयर्स से जुड़े हुए हैं कुछ कंसेप्ट हमारे डिबेंचर्स से जुड़े हुए हैं डिबेंचर्स का हमारा एक ही सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 71 सेक्शन 72 तो खैर हमारे कोर्स में ही नहीं है और छोटे छोटे कुछ सेक्शंस और हमारे कोर्स में नहीं हैं जैसे फोर्टी फोर होता है फोर्टी फाइव होता है सिक्सटी सिक्सटी फाइव राइट सो दीज आर फोर मोर सेक्शंस जो हमारे कोर्स में नहीं हैं और उसको हमें नहीं पढ़ना है ठीक है अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये शेयर और डिबेंचर्स के बारे में बात करता है शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ही क्या हैं सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस है मतलब कंपनी क्योंकि हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो एक कंपनी भाई पैसे उठाती है पैसे कैसे उठाती है शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके अब कंपनी कुछ भी करे उसको फॉलो करना होता है कंपनीज एक्ट क्योंकि वही बताता है भाई कैसे उठो कैसे बैठो कैसे हंसो कैसे रो हर एक चीज हमको कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट बताता है तो यहाँ पे आपको अगर पैसे रेज करने हैं तो कैसे करने हैं वो भी कंपनीज एक्ट बताता है राइट सो वी विल स्टार्ट विद शेयर सबसे पहली बात भाई शेयर की डेफिनेशन क्या होती है क्या है शेयर कंपनी का जो पैसा है ना कंपनी ने जो पैसा उठाया है उस पैसे को अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक शेयर एक हिस्सा बन जाता है शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी राइट right. तो जितना कंपनी का कैपिटल है कौन सा कैपिटल शेयर कैपिटल वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज डेट जहां से भी हम पैसा उठाते हैं डिबेंचर्स इज नॉट जस्ट डिबेंचर्स इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स डेट एंड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है और शेयर्स और डिबेंचर्स जब दोनों को मिला देते हैं दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटीज़ हमारी शेयर्स और डिबेंचर तरीके की भी हो सकती है अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर कैपिटल दैट इज द फंड वच हैज बीन रेज बाय शेयर्स और उसका एक छोटा सा हिस्सा द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज नोन एज शेयर ठीक है हर एक शेयर की फेस वैल्यू होती है फेस वैल्यू मतलब ये दस रुपए का शेयर है अब ये बिक सकता है आपका बीस रुपए में भी और बिक सकता है कम में भी बट द प्रोविजन गिवेन क्योंकि कंपनी डिस्काउंट पे अपने शेयर्स को नहीं कर सकती है आगे हम पढ़ेंगे section 53 में ठीक है प्रीमियम, डिस्काउंट, फेस वैल्यू, एवरीथिंग फिलहाल शेयर के डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाए तो शेयर इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो अब ये स्टॉक कैसा होता है शेयर मतलब छोटी छोटी यूनिट्स हो गई, स्टॉक मतलब कुछ शेयर्स को कंबाइन करके स्टॉक बन गया एक लमसम अमाउंट होता है पचास हजार का ये स्टॉक है ठीक है बट शेयर्स की फेस वैल्यू होती है सो दैट इज दाइक डिफरेंस एंड यू शुड कि शेयर कहीं पे भी बोला जा रहा है तो शेयर इट इंक्लूड्स स्टॉक ओके ठीक है बहुत सारी तरीके के हमारे पास शेयर्स होते हैं हमारे पास ऑथराइज शेयर होते हैं मैक्सिमम जो जिससे कंपनी शुरू होती है उसके बाद इशूड होते हैं उसके बाद कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए कितने कंपनी ने कॉल किए कितने आपने पेड अप किए सो देयर कैन बी डिफ़रेंट कैटेगरी ऑफ शेयर्स इन द सेम राइट ओनली फुली पेडअप शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू स्टॉक दैट टू एट अ लेटेस्ट स्टेज मैन यू कम्प्लाई विथ सर्टन फॉर्मेलिटीज ठीक है ऐसे आप डायरेक्टली एक स्टॉक इश्यू नहीं कर सकते स्टॉक को आप कन्वर्ट uh, आप शेयर्स को फुली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक में और स्टॉक को रिकन्वर्ट कर सकते हो इन टू शेयर्स ठीक है हमारे जो शेयर्स होते हैं मूवेबल होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं इनका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है ऑल दो दीज आर द रिटर्न वगैरह जो आपको याद नहीं करना है बट स्टिल इतनी छोटी सी बात तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं ठीक है ओके okay. अब हम आते हैं भाई काइंड ऑफ शेयर्स कितने तरीके के शेयर्स होते हैं इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े एक क्लैरिटी ये सेक्शन आपका प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब प्राइवेट कंपनी के अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं डज डज नॉट अप्लाई मतलब मैम उनके कौन से तरीके के शेयर्स होंगे फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है दिस और द टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट वी आर गोइंग टू रीड दे अप्लाई टू ऑल द पब्लिक कंपनीज दे डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज इफ देयर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स सो प्रोवाइड सो वी हैव ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है इक्विटी शेयर में भी हमारे पास फर्दर दो तरीके के होते हैं दो तरीके के कैसे विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एक नॉर्मल वोटिंग राइट्स एक डीवीआर जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं डी वी आर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स और अगर प्रेफरेंस शेयर्स की हम बात करें तो उसमें भी फर्दर चीज़ें हैं बट वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन डेप्थ ये हमको और ज़्यादा रेलिवेंस रखता है या समझने की कब जरूरत होती है जब हम डिविडेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो डिविडेंट के केस में हमको क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव स्पेशली पता होना चाहिए सो दैट वी हैव अ बेटर परस्पेक्टिव ऑफ डिविडेंट ठीक है अदरवाइज पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग अभी मैं आपको बताऊंगी बिकॉज ये भी हमें समझना ज़रूरी है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है विच कैन बी लेटर ऑन कन्वर्टेड इंटू इक्विटी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी तो कभी कभी हम प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करते हैं तो एक ऑप्शन दे देते हैं कि भाई चलो दस साल बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको अपना इक्विटी में कन्वर्ट कर लो तो आप वो भी कर सकते हो या नहीं भी हो सकता और रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल हम इशू कर ही नहीं सकते दे हैव टू बी रिडीमेबल प्रेफरेंसर्स ओनली तो अलग अलग हमारी कैटेगरी होती है अब सबसे पहली बात मैम कि आपने बता दिया भाई दो तरीके के हमारे शेयर्स होते हैं पर एक बात बताइए ये जो इक्विटी शेयर्स हैं और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनका मतलब क्या है देखो विच आर नॉट प्रेफरेंस आर इक्विटी ठीक है और इक्विटी शेयर्स को हमने फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स और सेम वोटिंग राइट्स जिसको हम प्लेन वनीला भी बोलते हैं आप जब फाइनेंस के टर्म्स में आगे जाओगे तो वहां पे आपको प्लेन वनीला बॉन्ड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी बात कह रही हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन और एग्जामिनेशन में आपसे ये वर्ड यूज किया जा सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना प्लेन वनीला अगर टर्म यूज किया जा रहा है सो दैट रिप्रेजेंट्स योर नॉर्मल और सिमिलर वोटिंग राइट ठीक है ओके फाइन मैम तो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है तो प्रेफरेंस क्या है पहले यही बता दीजिए प्रेफरेंस वो है जहां पे राइट मिलती है किस चीज की प्रेफरेंशियल राइट दो चीजों की प्रेफरेंशियल राइट होती है और बीच में एक एंड लगा रहता है राइट जब हम पढ़ते हैं तो ऑल दो अच्छा बट डिविडेंट जब भी कंपनी देगी भाई पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे अगर नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर इशू हैं तो हर साल आप नाइन परसेंट डिविडेंट देते हो बट ये डिविडेंट है इंटरेस्ट नहीं है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट मैंडेटरी वहाँ पर चीज़ें और टर्म्स कुछ अलग अलग होते हैं और उनके हिसाब से पेमेंट होता है पर आप ये नहीं कर सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम अभी डिविडेंड नहीं देंगे हम पहले अपने इक्विटी वाले बंदों को डिविडेंड देंगे और उसके बाद प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंट देंगे ऐसा नहीं किया जा सकता है सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रिसिविंग डिविडेंट लाइकवाइज दे ऑल्सो कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट मतलब अगर कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा आपको मिलेगा जब अगर कुछ बच जाएगा तो पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को सो प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ एनी पेमेंट ऑफ और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दैट लाइज विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ठीक है इसके अलावा जो हमारे प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं मे बी पार्टिसिपेटिंग और नॉट पार्टिसिपेटिंग जो मैंने आपको पहले बताया अगर वो पार्टिसिपेटिंग है ना देन देर डीम्ड टू बी प्रिफरेंसिटलो दे आर डीम्ड टू बी प्रिफरेंसर कैपिटल मतलब मै हम आप क्या कह रहे हो थोड़ा सा समझ में हमको कम आया तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताती हूँ यहाँ तक आई थिंक uh, एक क्लैरिटी मिल गई होगी सेक्शन फोर्टी थ्री टू प्रेफरेंशियल राइट डिविडेंट और रीपेमेंट की दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट अगर इफ़ नो प्रेफरेंशियल राइट शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट प्रेफरेंशियल कैपिटल इज टर्म्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल राइट तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी सेक्शन फोर्टी थ्री में एक एक्सप्लेनेशन में एक और पॉइंट आता है और वो ये कहता है कि कैपिटल आपका प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कराएगा ओवर राइडिंग मतलब इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टिसिपेटिंग है या नहीं है या उसमें एक पार्टिसिपेटिंग वाली अधिकार है या फिर बिल्कुल भी नहीं है मतलब देखो कंपनी बंद हो रही है कंपनी ने पैसे दिए प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्योंकि उनके पास प्रेफरेंशियल राइट है वो एक अलग चीज़ हो गई उसके बाद कंपनी ने पैसे दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसके बाद भी कंपनी के पास बहुत सारा सरप्लस बच गया इस सरप्लस में पार्टिसिपेट कौन करेगा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी दे ऑलरेडी गॉट द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल उसके बाद की हम बात कर रहे हैं तो अगर उसमें भी उनके पास एक हक होता है पार्टिसिपेट करने का या पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने का या लिमिटेड एक्सटेंट में पार्टिसिपेट करने का तो ऐसा नहीं है कि हम इनको नाम इक्विटी दे देंगे तो ये पार्टिसिपेटिंग हो या ना हो तो भी हम इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहेंगे द सेम गोज फॉर डिविडेंट ऑल्सो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट सबसे पहले हम वोटिंग राइट समझेंगे उसके बाद हम समझ पाएंगे द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉर्मल वोटिंग राइट्स आर तो भाई नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या होती हैं वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल वो मेंबर्स जिनके पास कंपनी की इक्विटी है वो मेंबर्स जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो ये दोनों हमें चीज़ समझना ज़रूरी है सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अधिकार होता है टू वोट ऑन एवरी मैटर कोई भी डिस्कशन हो रहा है अगर जनरल मीटिंग में तो वहां पर उनके पास अधिकार है वोट करने का अगर पोल हो रही है तो उनके पास अधिकार होता है इन प्रपोर्शन टू देयर पेड अप शेयर कैपिटल वी ऑल नो दैट प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर्स के पास अधिकार इन जनरल नहीं होता है वोट करने का पर दो सिचुएशंस में उनके पास ये अधिकार आ जाता है क्या दो सिचुएशंस होती हैं दो सिचुएशन क्या इनफैक्ट एक ही सिचुएशन होती है मैटर्स की हम अलग अलग बात करते हैं हर मैटर पे वो वोट कर सकते हैं हर मैटर पे वोट वोट कर सकते हैं अगर दो साल उनको लगातार डिविडेंट नहीं दिया गया है तो दो साल या दो से साल से ज़्यादा अगर उनको डिविडेंट नहीं दिया गया है देन दे कैन वोट ऑन एवरी मैटर ऑन एवरी मैटर पर अदरवाइज अगर उनको डिविडेंट मिल रहा है तो भी वो वोट कर सकते हैं किन मैटर्स पे अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो उनके अधिकारों को इफेक्ट कर रहा है अगर वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब वी आर ट्राइंग टू सम हाउ रिड्यूस कैपिटल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो हैव द राइट टू वोट तो तीन सिचुएशन में वो वोट कर सकते हैं ओनली ऑन दैट मैटर पर अगर दो साल तक उनका डिविडेंड पे नहीं होता है देन दे कैन वोट ऑन एवरी मैटर राइट देन दे कैन वोट ऑन एवरी मैटर ओके चलो moving further shares with differential voting rights shares with differential voting rights देखो प्राइवेट कंपनी जो हमारी होती है ना प्राइवेट कंपनी में भी ये सेक्शन भी अप्लाई नहीं होता है मतलब प्राइवेट कंपनी के केस की के अगर मैं बात करूं तो दे कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वोटिंग राइट्स उनको ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की ही डी या इस तरीके के ही नॉर्मल वोटिंग राइट्स को फॉलो करना है कि इक्विटी शेयर्स भाई आप uh, हर रेजोल्यूशन पे वोट करोगे नॉर्मल वोटिंग राइट्स आपके पास अगर हैं इन प्रोपोर्शन टू योर पेड अप शेयर कैपिटल अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं तो जो भी टर्म्स ऑफ इशू है उसके हिसाब से आप वोट करोगे प्रिफरेंट शेयर वोट प्रिफरेंट शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे अगर उनका डिविडेंड नहीं पे किया जाता है और फॉर टू ईयर्स और मोर तो हर मैटर पर वो वोट करेंगे अदरवाइज बाइंडिंग अप या डायरेक्टली अफेक्टिंग दर इंटरेस्ट ऐसा कुछ रेजोल्यूशन uh, होता है तो उन मैटर्स पर वो वोट कर सकते हैं ये हमने इन नॉर्मल सिचुएशन पढ़ा वज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी तो अगर उनके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम इस तरीके का प्रोवाइड करते हैं इट विल नॉट अप्लाई एंड दे कैन एड सम मोर इनोवेशन टू देअर वोटिंग राइट्स ठीक है तो वो अलग अलग वोटिंग राइट्स क्रिएट कर सकते हैं नाउ वी कम टू शेयर्स विद डी वी आर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यूजअली हम बोलते हैं वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट नॉट वन शेयर होल्डर इज इक्वल टू वन वोट क्योंकि इन प्रपोर्शन टू पे डेयर कैपिटल आपकी वोटिंग्स होती हैं अगर हमारे दस शेयर होल्डर है मेरे पास दस शेयर है आपके पास एक शेयर है तो हमारी वोटिंग राइट सेम नहीं होंगी मेरे पास दस वोट्स होंगे आपके पास एक ही वोट होगा सो इन जनरल सिचुएशन वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट पर हम रूल फोर के हिसाब से कुछ रूल फ़ोर ऑफ कंपनीज शेयर एंड डबेंचर शेयर कैपिटल एंड डबेंचर रूल्स 2014 उसके हिसाब से कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं जब कंपनीज शेयर्स विद डीवीआर भी इशू कर सकती हैं दैट मींस दे मे से दैट वन शेयर इज इक्वल टू हंड्रेड वोट्स ऐसा कह सकते हैं पर उसके अपने कुछ कंडीशंस होते हैं इट अगेन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि सेक्शन 43 नहीं अप्लाई करता है प्राइवेट कंपनी को जहां पे उनके मेमोरेंडम में आर्टिकल्स ऐसा प्रोवाइड करते हैं वैर well, दूसरी चीज़ भाई कुछ कंडीशन है कंडीशन क्या है कंडीशन नंबर वन ऑथराइजेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए उसके बाद आप जनरल मीटिंग बुलाते हो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं सेक्शन 102 में जो आप चीज़ें पढ़ते हो अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट द्वारा रेजोल्यूशन पास होगा अगर बाकी और भी कोई भी कंपनी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट द मीटिंग सो ओ आर हैज़ टू बी पास फर्स्ट थिंग ए ओ ए में ऑथराइजेशन चाहिए सेकेंड थिंग ओ आर पास होना चाहिए पर आपकी जो नोटिस जाएगी वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ जाएगी कंडीशन ऑफ इशू कभी भी सेवेंटी फोर परसेंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा दैट मीन्स मैक्सिमम शेयर्स जो आप डी वी आर के साथ इशू कर सकते हो दे आर गोइंग टू बी सेवेंटी फोर परसेंट इट कैन बी सेवेंटी फोर परसेंट इट कैन नॉट बी मोर देन सेवेंटी फोर परसेंट पर अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट की है फॉर थ्री फाइनेंशियल ईयर्स इमिडिएटली प्रोसीड इंग दिस फाइनेंशियल ईयर तो ऐसी सिचुएशन में आप डी वी आर इशू नहीं कर सकते हो अगर आपकी सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट है मतलब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पे नहीं किया है अगर आपने डिपॉजिट्स आपके मेच्योर हो गए हैं और आपने वो पे नहीं किया अगर आपके प्रिफरेंट शेयर्स का रिडेम्पन का टाइम आ गया आपने वो नहीं किया है या उन सब पे इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं दिया है यू हैव दैट सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब आप एक बार डिफॉल्ट ठीक कर दो और उसके बाद आप ये काम करो चलेगा ठीक है तो अगर आपकी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है देन यू कैन नॉट इशू शेयर्स विद डी बी आर राइट देन कंपनी ने डिफ़ॉल्ट ना किया हो ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंट ऑन शेयर्स और रीपेमेंट ऑफ लोन बैंक से लोन लिया आपने कोई भी शेड्यूल्ड बैंक से कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया भाई वो लोन रीपेबल हो गया है ई एम आई बन गया है इंस्टॉलमेंट आपका ड्यू है इंटरेस्ट आपका ड्यू है आप वो पे नहीं कर रहे हो ठीक है तो अगर ऐसी कोई डिफॉल्ट है तो ऐसी सिचुएशन में उस डिफॉल्ट को ठीक करिए और पांच साल तक इंतजार करिए पांच साल जब बीत जाएंगे व्हेन द डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड उसके बाद यू कैन इशू शेयर्स विद डीवीआर एंड कंपनी शुड नॉट बी पेनलाइज्ड बाय कोर्ट इन द लास्ट थ्री इयर्स फॉर ऑफेंस ऑफ आर बी सेक्रा फेमा एंड द स्पेशल एक्ट ठीक act, okay? um, है एनी अदर स्पेशल एक्ट ओके रेगुलेट होती हैं राइट सो आई थिंक इतना क्लियर है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी नाउ दिस ऑल्सो हैज टू बी डिस्कलोज इन बोर्ड्स रिपोर्ट और जो पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स होते हैं वो आप मेंटेन करते हो इन द रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स दैट्स इट राइट चल तो ये थी हमारी कंडीशंस की शेयर्स विद डीवीआर भी इशू हो सकते हैं बट बाय फॉलोइंग रूल फॉर द कंडीशन कैन हैव बीन मैं ठीक है एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू अच्छा चलो आई विल डू दैट लेटर ओनली इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट क्या डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड है द आंसर इज अ बिग नो सवाल ये उठता है कि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या है? शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब है फेस वैल्यू के नीचे जाना मार्केट वैल्यू के नीचे जाना नहीं मार्केट में हमारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं चार सौ रुपए के और अगर कोई इशुएंस हो रहा है तीन सौ रुपए में आप सोचो कि मैम ये तो डिस्काउंट पे दे रहे हैं द आंसर इज नो उस शेयर की फेस वैल्यू अगर दस रुपए है तो दस रुपए के नीचे देना वो डिस्काउंट है तो कंपनी प्रोहिबिटेड है फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट ओनली एक्सेप्शन इज स्वेट इक्विटी शर्स बाकी टाइम शर्स अगर आप डिस्काउंट पर इश्यू करते हो तो वो अवॉइड होते हैं अगर ऐसा कर दिया अगर ऐसा कर दिया तो भाई आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है पेनाल्टी इट मे एक्सटेंड टू अमाउंट दैट यू हैव रेज और फाइव लैख रुपीज विच एवर इज लेस कंपनी को सारा का सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट ट्वेल्व परसेंट पर एनम ठीक है तो ये दो चीजें होती हैं पेनाल्टी आपके ऊपर लगती है साथ साथ आपको पैसा वापस करना होता है ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट पर एनम सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड पर एक एक्सेप्शन है एक एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन ये है कि अगर कंपनी शेयर्स एट डिस्काउंट देती है अपने क्रेडिटर्स को वेन इथ डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैचूटरी रेजोल्यूशन प्लान और डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अंडर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई मतलब क्या है देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है कंपनी ने एक बैंक से पैसे लिए कंपनी उसको पे नहीं कर पा रही है अब इनकी डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर हो रही है रीस्ट्रक्चर हो रही है मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी ना डूबे इस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कंपनी को चार करोड़ रुपए देना है कंपनी नहीं दे सकती है अगर कंपनी दे देगी कंपनी बंद कर दोगे ना तो भी सारे पैसे नहीं निकल के आ पाएंगे पर अगर कंपनी की थोड़ी हेल्प की जाए इनका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम किया जाए तो शायद मतलब इनको जो भी पैसा ये अर्न कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट 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 में देते जा रहे हैं तो ये फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं अगर ये पैसा अपने ऑपरेशंस में लगाएंगे तो शायद ग्रो कर पाए और बहुत अच्छा ग्रो कर पाए और तब ये पैसे कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है अब डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम निकली जिसमें बोला गया कि चलो इनका इतना डेट माफ़ करेंगे उसके बदले इनको इक्विटी दे दी जाए बट इक्विटी किस रेट पे दी जाएगी पांच रुपए के रेट के हिसाब से दी जाएगी दस रुपए इसकी फेस वैल्यू तो ऐसी सिचुएशन में अलाउड होता है कि कंपनी आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो जब आपकी डेट कन्वर्ट हो रही है शेयर्स में किसी रेजोल्यूशन प्लान के तहत या किसी डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत जो आर द्वारा अप्रूव्ड हो ठीक है तो अगर ऐसा है देन दिस इज अलाउड अदरवाइज द होल क्राक्स इज द कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग शेयर डिस्काउंट क्या चीज अलाउड है भाई ये पहली चीज और दूसरी चीज आपका स्वेट इक्विडी शेयर्स बस वही अलाउड है आई रिपीट वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नॉट सिक्योरिटीज मतलब मैम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हमारे बॉन्सटे बेंचेस वगैरह हो सकते हैं उसके बारे में तो हमने बात की ही नहीं है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात नहीं की हमने सिर्फ शेयर्स की बात की है शेयर्स के नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट ठीक है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वैसे भी एक दूसरा कंसेप्ट चलता है जो आप फाइनेंस में पढ़ते हो अबाउट वाई टी एम सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस हियर क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 54 पे विच इज स्वेट इक्विटी शेयर्स अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं भाई वो शेयर्स जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स या इंप्लॉयज को देती है एट अ डिस्काउंट कम पैसे में दे रही है अगर वो मार्केट से जाके खरीदेंगे तो मे भी उनको दस रुपये में मिलेगा वो यहाँ पे हम उनको पाँच रुपये में दे रहे हैं मतलब कम पैसे में दे रहे हैं ठीक है एट अ डिस्काउंट और वर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब भी हो सकता है हम उनसे कुछ कैश नहीं ले रहे हैं हम पाँच रुपये भी उनसे नहीं ले रहे हैं पहली चीज़ हम हो सकता है उनको डिस्काउंट पे दे रहे हैं कम प्राइस पे दे रहे हैं दूसरी चीज़ हो सकता है हम उनसे पैसे कैश भी नहीं ले रहे हैं क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे क्योंकि उन्होंने हमको कुछ आईपीआर जनरेट करके या वैल्यू एडिशन जनरेट करके दिया है ये स्पेशली जब इनिशियल फेज में कंपनीज होती हैं स्टार्टअप कंपनीज होती हैं तो इसमें IPR वगैरह बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वी आर मेकिंग एस ओ पीज हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं uh, कुछ बना रहे हैं कुछ एक नई चीज़ इन्वेंट करके आ गई अब वो इन्वेंट करके वो पर्सनल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है कि वो अपने आप रख लेगा नहीं उसने कंपनी के लिए काम किया है वो कंपनी का आई पी आर है बट क्रिएट करके उस बंदे ने दिया तो एज एन इंसेंटिव हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं दे मे बी इशूड एट अ डिस्काउंट तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्री ठीक है पर इसकी भी अपनी कुछ कंडीशन होती हैं भाई एस आर होना चाहिए मस्ट बिलोंग टू क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड कोई नए क्लास ऑफ शर्स यहां पर हम जनरेट नहीं कर सकते हैं जनरल um, मीटिंग बुलाते हैं नोटिस सेंड करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसके साथ जाती है एस पास होता है जिसमें स्पेसिफाइड होता है द नंबर ऑफ शेयर्स करंट मार्केट प्राइस कंसीडरेशन एंड डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज जिनको इशू किया जाने वाला है एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय हमारा परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में या इंडिया के बाहर काम कर रहा है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो कोई भी हो एंड एनी एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो इंडिया में या इंडिया के बाहर काम कर रहा है ऑफ होल्डिंग कंपनी ये तीनों हमारे इम्प्लॉयी की डेफिनेशन में आ जाते हैं ठीक है एंड जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसके 12 मंथ के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एस हमको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर देने होते हैं शेयर्स so, इशू करने की भी हमारी एक लिमिट है लिमिट क्या है फिफ्टीन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन वन फाइनेंशियली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है तो टोटल उससे ज्यादा नहीं हो सकता मतलब एक साल में आपका जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है आपका जितना भी इक्विटी एग्जिस्टिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका पंद्रह परसेंट उससे आप स्वेट इक्विटी शेयर्स एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं इशू कर सकते और कभी भी आप अपनी बैलेंस शीट उठा के देख लो आपका जितना भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो उसका पच्चीस से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं होना चाहिए ओके okay? नहीं होना चाहिए राइट right? बट अगर हम बात करें जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक स्टार्टअप कंपनी के केस में क्या होता है बहुत ज़्यादा आईपीआर क्रिएशन वगैरह होता है इन द इनिशियल फेज़ तो 10 साल के लिए हम अरे गवर्नमेंट uh, एक स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह रिकॉग्नाइज करती है सो फॉर टेन ईयर्स उनके लिए लिमिट क्या है फिफ्टी ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मतलब वो स्वेट इक्विटी अपने टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 50 परसेंट स्वेट इक्विटी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है लॉक इन पीरियड क्या होता है तीन साल का मतलब अगर आपको ये इशू होता है तो तीन साल तक आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते मैम ये वैल्यू कैसे किया जाएगा हाउ विल द वैल्यू बी डिटरमाइंड तो वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ठीक है देन रजिस्टर होता है इन फॉर्म एस एच थ्री वो मेंटेन होता है एंड इट शाल बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी या फिर कोई भी और प्लेस जो बोर्ड डिसाइड करती है नॉन कैश कंसीडरेशन एक आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन मतलब हमको कुछ मिल नहीं रहा है पर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर्स तो हमारे बढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे एवरी क्रेडिट शुड हैव अ रेस्पॉन्डिंग डेबिट आल्सो बट हमको पता है यार हमको कुछ मिला ही नहीं है तो हम इसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे ठीक है तो हमारा कुछ जनरेशन ऑफ आई हुआ होगा मे बी हमारा कुछ ऐसे जनरेशन हुआ होगा तो इनको कैसे करना है जब नॉन कैश कंसीडरेशन हमारा कोई एसेट का फॉर्म लेता है तो उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है और अदरवाइज हो सकता है हमारा हो जैसे आईपीआर क्रिएट हुआ उस आईपीआर के अगेंस्ट हमने शेयर्स दे दिए, हमने उसको कुछ वो नहीं किया दूसरी चीज क्या हो सकती है हमारा एक्सपेंस हो गया तो वो पेंडल में जाता है तो बोथ हैज बी डन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली इसलिए मैंने यहां पे लिखा है नॉन कैश कंसीडरेशन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइन क्लियर नाउ जो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं दे रैंक पारी पासू विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कम पैसे में शेयर्स मिले हैं तो हमको कम इज्जत भी मिलेगी नहीं हमको बराबर इज्जत मिलेगी जो राइट्स हैं जो अधिकार हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स पे लगते हैं वही हमारे पास ऊपर भी लगेंगे अगर आपके पास वाइंडिंग अप के समय दस रुपये हैं और आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और हम भी हैं तो आप पाँच पाँच बांटोगे प्रोवाइडेड एवरीथिंग एल्स इज इक्वल ठीक है तो इन प्रोपोर्शन वही प्रोपोर्शन में सारी चीजें होंगी ठीक है ओके नाउ इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम प्रीमियम पे भी क्या इशू हो सकते हैं द आंसर इज यस क्यों नहीं हो सकते है? अगर फेस वैल्यू के ऊपर आप इशू करते हो तो हम बोलते हैं कि प्रीमियम पे इशू हुए हैं और इस सेक्शन में बस एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि ₹10 की शेयर्स थे 15 में इशू किए वो ₹5 आपका हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम उसको आप लेके जाओगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में और उसके बाद बी से बेयर मतलब मैम इट हैज रिस्ट्रिक्टिव यूजेस इट हैज रिस्ट्रिक्टिव यूज़ेस व्हाट आर द रिस्ट्रिक्टिव यूजेस बाय बैक जब आप शेयर्स बाय बैक करते हो मतलब आपको पैसे देने होते हैं उस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप पैसे निकाल के दे सकते हो आप बोनस शेयर्स इशू करते हो दैट मींस यू गिव शेयर्स बट यू डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम देम तो आप कैपिटलाइज करते हो है ना तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो आपका कोई भी एक्सपेंस या डिस्काउंट आता है ऑन शेयर्स या डिबेंचर्स पे तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो सब्जेक्ट टू हैव बीन स्पेसिफाइड अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है तो आप यूज कर सकते हो या फिर रिडेम्पशन पे अगर आपको प्रीमियम देना है रिडेम्पशन किसका माम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो सकता है या कोई डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं कोई कंडीशन नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई लिमिट नहीं भाई आराम से करो कोई एक्सप्रेस पावर नहीं चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट का अगर केस है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और ये एक फ्री रिजर्व नहीं होता है इसके रिस्ट्रिक्टिव यूजेस होते हैं अगर पब्लिक ऑफर है तो सीबी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है अगर हमने स्पेसिफिक यूजेस के अलावा इसको यूज़ कर लिया तो दैट अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल और उसके बाद फिर हमारे वो प्रोविजंस लग जाते हैं अदरवाइज हमारी ये केसेस हैं मैम ये क्या केसेस है ये कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज के केसेस के प्रिस्क्राइब uh, कंपनीज के लिए है सच कंपनीज अंडर सेक्शन 133 थर्टी थ्री जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लाइंस बनती है तो इनके लिए रिस्ट्रिक्टिव यूजेस सिर्फ तीन हो जाते हैं बाकी इन जनरल हमारे पास पांच यूजेस हैं ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है चल नेक्स्ट बढ़ते हैं इशू ऑफ फर्दर शेयर्स हर वो कंपनी जिसमें कि शेयर कैपिटल होता है वहाँ पे ये हमारा कंसेप्ट लगता है राइट इशू का मतलब क्या होता है जैसे अगर राइट्स इशू निकला वन इज़ टू फाइव मतलब हर पाँच शेयर पे आपके पास अधिकार होगा एक नया शेयर सब्सक्राइब करने का आ, the way the rights issue जो हमारा price होता है is usually lesser than the prevailing market price कि हम subscription को encourage कर सके हम अपने existing shareholders को वो offer देते हैं वो अधिकार देते हैं that they can buy our shares right ठीक तो वेन एवर कंपनी प्रपोजेज टू इशू फर्दर शेयर्स सच शेयर्स शैल बी ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये हमारा प्राइम ऑफ़ एसी रूल होता है सेक्शन 62 के तहत कि पहले हमको क्या करना है उनको ऑफर करना है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता है मैम तो अगर हम किसी और को देना चाहते हैं तो हम परमिशन लेते हैं ओके okay. हम किसकी परमिशन लेते हैं हम अपने मेंबर्स की परमिशन लेते हैं तो जब हमें मेंबर्स कंसेंट दे देते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन तब हम क्या कर सकते हैं वो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स जो हम कर रहे हैं वो किसी और पर्सन को इंक्लूडिंग पब्लिक ऑफर और मे बी एम्प्लॉयज हमारे जो इस स्कीम के अंडर आता है उनको ऑफर कर सकते हैं ठीक है तो इसमें हमको टोटल चार चीज़ें पढ़नी है सबसे पहला ऑफरिंग ऑफ इशू ऑफ फर्दर शेयर्स जो सेक्शन सिक्सटी टू वन में आता है इनफैक्ट सेक्शन सिक्सटी टू वन ए में आता है उसके बाद आता है हमारा इम्प्लॉयज़ का टू इम्प्लॉयज़ अंडर स्कीम ऑफ इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी और इनकी जो कंडीशन हैं जो प्रिस्क्राइब की हुई हैं उसके तहत या फिर हम किसी और को दे सकते हैं अगेन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ठीक है सबसे पहले भाई राइट्स इशू की बात करते हैं कंपनी पैसे रेज करना चाहती है तो सबसे पहले कंपनी क्या देगी नोटिस देगी नोटिस एटलीस्ट थ्री डेज़ बिफोर देन उसके बाद क्या दिया जाता है लेटर ऑफ ऑफ़र दिया जाता है लेटर ऑफ ऑफ़र हम कैसे दे सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड कोरियर विद डिलीवरी जहाँ पे भी हमें uh, उसका प्रूफ मिल जाए वहाँ पे वो वाला मोड हम यूज़ कर सकते हैं जो लेटर ऑफ ऑफर होता है उसमें लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं टाइम पीरियड क्या है और रिनाउंसिएशन स्टेटमेंट मतलब आप ये चाहें तो ये अधिकार किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दैट मीन्स यू हैव द राइट टू रिनाउंस ओके तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कि आप खरीद सकते हैं इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल एज आई एक्सप्लेन यू ये एट प्रीमियम हो सकता है एट पार हो सकता है एग्जिस्टिंग अगेन मैं एट डिस्काउंट बोल रही हूँ इसका मतलब फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता है पर हमारा मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में डिटरमाइन करके दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहे तो क्या कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं

ESOP की अगर हम बात करें इट्स रेड विद रूल ट्वेल्व ESOP कैन बी इश्यूड टू एलिजिबल इम्प्लॉयज़ अगर अप्रूव्ड बाय एस आर कम्पलायंस विद रूल ट्वेल्व कंडीशंस कंपनी के पास फ्रीडम होता है टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस मिनिमम एक साल का समय होना चाहिए बिटवीन द ग्रांट एंड वेस्ट पीरियड एंड फ्रीडम ऑफ कंपनी टू डिसाइड द लॉक इन पीरियड तो यहाँ पे अनलाइक्स वेड इक्वेडी शर्स इस में थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम होता है एंड uh, कम से कम एक साल का टाइम पीरियड होना चाहिए बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ग्रांट और वेस्टिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास समय का थोड़ा लिमिटेशन है तो एम कीपिंग इट शॉर्ट ठीक है तो आई होप uh, ये चीज़ क्लियर है ओके नाउ वी कम टू कन्वर्शन ऑफ लोन और डिबेंचर्स इन टू इक्विटी देखो अगर कंपनी को इक्विटी शेयर्स इशू करने अपॉन कन्वर्जन ऑफ डेट कई बार हम क्या करते हैं कन्वर्टेबल डेट इशू करते हैं दैट मीन्स आफ्टर अ सर्टन टेन यूर जब वो एक्सपायर हो जाता है तो जो उसके होल्डर होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है दैट दे कैन गेट सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इंटू इक्विटी राइट तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा और कैसे होगा अगर वो सिक्योरिटीज़ हमने गवर्नमेंट को इशू की थी इफ़ इन पब्लिक इंटरेस्ट कंसीडरिंग फैक्टर्स गवर्नमेंट को लगता है कि कन्वर्जन जरूरी है और हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स बनना है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है डायरेक्ट कर सकती है और कंपनी अगर एग्री करती है तो वो इश्यू करेगी अगर कंपनी डिसएग्री करती है तो भाई आपको अपील करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा वो बाइंडिंग होगा अगर किसी और का केस है तो कन्वर्ट एंड इशू टर्म्स ऑफ इशू वर बाय इशूवर जब हम इशू करते हैं कोई भी डिबेंचर्स डिबेंचर्स मान लो कन्वर्टेबल हम इशू कर रहे हैं तो जब इशू होता है तो जो भी टर्म्स ऑफ इशू थे जो अप्रूव हुए थे उन टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो तब आपको कुछ और फर्दर कंप्लाइंट की जरूरत नहीं होती है अंडर दिस सेक्शन ठीक है देन काम से हो बोनस बोनस शेयर सेक्शन सिक्सटी थ्री में कवर होता है कंपनी uh, अगर लिस्टेड है तो भाई एडिशनली आपको फॉलो uh, करनी ही करनी पड़ेगी सेबी गाइडलाइंस अदरवाइज अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो पहली बात आप कोई भी बोनस डिविडेंड के न्यू में नहीं दे सकते हो मतलब डिविडेंड की जगह आप बोनस नहीं दे सकते हो कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसके बाद अगर हमने पाँच लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हम पाँच लाख के बोनस शेयर्स दे दें ऐसा नहीं हो सकता है राइट right? दूसरी बात इट इज़ गिवन प्रपोर्शनेटली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम सबको पता है पर हम बोनस तभी दे सकते हैं जब हमारी कोई डिफॉल्ट नहीं हो डिफ़ॉल्ट किस में नहीं हो इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स राइट अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो पहले हम उसको फुली अप बनाएंगे तभी हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं हम पार्टली पेड अप के केस में बोनस शेयर्स नहीं दे सकते हैं ऑथराइजेशन जरूरी होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके बाद एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होता है तो हम जनरल मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पे एक ओ आर पास होता है एंड देअर आफ्टर बोनस इशू इज़ अनाउंस्ड एंड वंस इट इज़ अनाउंसड के नॉट बी विदड्रॉन बोनस शेयर्स आप कहाँ से इशू कर सकते हो फ्री रिजर्व सी आर आर और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सेक्शन फिफ्टी टू में भी हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ये लिखा हुआ है कि दिस कैन बी यूज फॉर बोनस शेयर्स राइट देन आता है हमारा इशुएंस ऑफ प्रिफरेंस अगेन आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन जरूरी है इशुएंस ऑफ प्रिफरेंस के लिए रिडेम्पशन के लिए हमको ऑथराइजेशन जरूरी नहीं है अगर हमने इशू किया है तो हम उसको समय पर रिडीम तो करेंगे ही करेंगे पर इशुएंस केस में ऑथराइजेशन जरूरी है कोई भी डिफॉल्ट हमारा नहीं होना चाहिए डिविडेंट या रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स का उसके बाद एक एस आर पास होता है मतलब जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी एस आर पास होगा और उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम टेन ईयर जो हम इशू कर सकते हैं वो होता है ट्वेंटी ईयर्स पर अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है थर्टी ईयर्स कंसीडरिंग द फैक्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा टाइम लगता है तो इतनी जल्दी रेवेन्यू जनरेट करके उसको रिडीम करना पॉसिबल नहीं होता है पर इस केस में भी provided such shares are redeemed from 21st year or earlier at least 10% on proportionate basis at the option of preference shareholder to so, होल्डर तो हम डिसाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से होता है पर यह होना चाहिए ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिडेम्पन की भाई इशू किया है तो रिडीम तो करना ही करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स को इसके लिए कोई ऑथराइजेशन जरूरी नहीं है बोर्ड रेजोल्यूशन होगा एस आर पास होगा सॉरी यू मेक द शर्स फुली पेड अप एंड रिडीम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू ठीक है सोर्सेस क्या हो सकते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो हम प्रॉफिट से या फिर फ्रेश इशू करके उससे रिडीम कर सकते हैं ठीक है जितनी हमारी नॉमिनल वैल्यू होती है मतलब जितनी हमारी फेस वैल्यू होती है उतने का हम इक्वेलेंट सी भी बनाते हैं सी की लॉजिक मैंने आपको बताई हुई है अगर नहीं भी पता है तो बस इतना हमारे लिए याद रखना काफ़ी होगा कि सी क्रिएट होता है एंड दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर इशू बोनस शेयर ठीक है अब प्रीफरेंस शेयर्स में दो कंपोनेंट हुए एक तो प्रिंसिपल पार्ट हुआ एक में भी प्रीमियम पार्ट भी हो सकता है हमारा जो रिडेम्शन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का वो प्रीमियम पे भी हो सकता है तो अगर वो प्रीमियम पे हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो प्रीमियम का कंपोनेंट है वो हम कहाँ से दे सकते हैं प्रॉफिट से या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से अगर हमने फेल किया रिडीम करना तो एनसीएलटी का अप्रूवल एंड शेयर होल्डर्स की थ्री फोर्थ कंसेंट लेके हम इशू कर सकते हैं रिडीमेबल प्रिफ्रेंसर्स इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वंस एंड ये मान लिया जाएगा कि ओल्ड वंस हमारे रिडीम हो गए एंड uh, <coughs> जो नए हैं वो फ्रेश इशू हैं ठीक है ठीके? तो एन सी एल टी अप्रूव कर देती है और एन सी एल टी ये भी ऑर्डर कर सकती है कि इमीडिएट पेमेंट किया जाए टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बिकॉज सम शेयर होल्डर्स माइट नॉट हैव एग्रीड राइट तो उनको इमीडिएट पेमेंट की जाती ना वी हैव ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कवर्ड अंडर सेक्शन सिक्सटी वन केसेस हमारे कौन कौन से हैं हमारे शेयर ऑथराइज कैपिटल हमें इंक्रीज करना है हमें कंसॉलिडेट करना है और डिवाइड करना है इंटू लार्जर अमाउंट कंसवर्जन ऑफ स्टॉक एंड वाई सीवर्स डिवाइड इंटू स्मॉलर अमाउंट एंड कैंसल शेयर नॉट टेक इन मतलब डिमिनीन ऑफ शेयर हम कर रहे हैं एक तरीके से ये हमारे केसेस होते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के देखो ऑल्टर uh, हो रहा है यहां पे शेयर कैपिटल रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं हो रहा है ऑल्टरेशन कैसे हो रहा है इंक्रीज कर रहे हैं मॉथराइज कैपिटल अगर तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ आर बैलेंस शीट तो कहीं पे भी हमारा रिडक्शन नहीं हुआ ठीक है पहले हमें ऑथराइजेशन था पाँच करोड़ तक का हम रेज कर सकते थे अब हम उसको इंक्रीज करा रहे हैं कर सकते हैं हम कंसोलिडेट करके लार्जर अमाउंट में वो कर सकते हैं कंसोलिडेट करके डिवाइड कर सकते हैं इंटू लार्जर अमाउंट मतलब एंड सब डिवाइड इंटू स्मॉलर अमाउंट एक के दस दस का एक इट कुड बी लाइक दैट राइट एंड वी कैन कन्वर्ट आर स्टॉक ऑल्सो जो हमें पता है वी कैन ऑल्सो कैंसिल शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन ठीक है तो अननेसरली वो सब्सक्राइब ही नहीं हुए बट है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं दैट्स इट नाउ इसका प्रोसीजर क्या होता है इसका प्रोसीजर सिंपल है आर्टिकल्स में अथोराइजेशन चाहिए जीएम बुलाओ ओआर पास करो एंड ऑल्टर करो तीस दिन के अंदर अंदर एस एच सेवन प्लस कॉपी ऑफ मेमोरेंडम फाइल कर दो आरओसी के साथ जो रिकॉर्ड कर लेंगे चेंजेस सवाल ये उठता है कि मैम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन सिक्सटी ये क्या है दिस अप्लाइज टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या फिर मतलब ऑब्वियसली शेयर होना चाहिए तभी हम रिडक्शन ऑफ शेयर के कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तीन केसेस हमारे कवर होते हैं एक्सटिंग्विश या रिड्यूस लाइबिलिटी फॉर शेयर्स नॉट पेड पेडअप कैंसिल लॉस्ट पेड अप शेयर कैपिटल पे ऑफ एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल ठीक है तो ये तीन हमारे केसेस केसेस हमारे क्या हैं भाई हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं लाइबिलिटी फॉर शेयर नॉट पेड अप राइट मतलब वो शेयर्स जो हमें पेड अप नहीं हुए हैं वी आर एक्सटिंग्विशिंग की चलो अब आप लाइबल नहीं हो इसको पेमेंट करने के लिए मतलब कंपनी को भाई दस रुपये अगर लेने थे कंपनी ने उस दस रुपये को वेव किया है कि हम नहीं लेंगे आप इससे तो हम क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं कैंसलिंग लॉस्ट पेडअप शेयर कैपिटल कई बार ऐसा होता है कि हमने शेयर कैपिटल रेज किया था बट कंपनी इतनी हेवी लॉसेस में गई कि वो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो आपके कैपिटल को बैच कर ही नहीं सकते मतलब हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि चार लाख रुपए डूब गए हैं विच इज अनेसरली रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट में हमको दिख रहा है कि चार लाख का कैपिटल है बट चार लाख का कैपिटल कभी जिंदगी में शेयर होल्डर्स को वापस नहीं मिल सकता क्योंकि वो कैपिटल हैज बीन लॉस्ड तो वे कैंसिल दो शेयर एंड लाइकवाइज भी पे ऑफ एक्सेस पेडअप शेयर कैपिटल रहे विदाउट एक्सटिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी एंड इट कुड बी रिड्यूसिंग लाइबिलिटी दोनों हो सकते हैं. अब इसका क्या होता है? सबसे पहले यहां पर भी जनरल मीटिंग बुलाओगे आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे कोई आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ डिपोजिट उसके बाद हम एप्लीकेशन देते हैं ट्रिब्यूनल को आर एस सी वन में तो हमको परमिशन चाहिए होती है ट्रिब्यूनल क्या करेंगे नोटिस विद इन फिफ्टीन डेज डायरेक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर ओसी से भी अगर लिस्टेड कंपनी है एंड कंपनी uh, देती है क्रेडिटर्स को और एक एडवर्टीजमेंट भी देती है ठीक है दिस कैन बी डिस्पेंस्ड विद सब्जेक्ट टू कंडीशंस नाउ अगर कोई ऑब्जेक्शन तीन महीने के अंदर अंदर नहीं मिलता है तो हम प्रिजाम्शन मानते हैं ऑफ नो ऑब्जेक्शन एंड उसके बाद ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड होती है कि हाँ डिस्चार्ज ऑफ डेथ हो जाएगा तो वो ऑर्डर uh, पास कर देते हैं कन्फर्मिंग रिडक्शन ठीक है देखो आप किसी का वेव कर रहे हो दस रुपए तो ट्रिब्यूनल को तो एंश्योर करना पड़ेगा ना यार आप शेयर कैपिटल मतलब इन बंदों से आप और पैसे नहीं लोगे उनकी लाइबिलिटी आप रिड्यूस कर रहे हो एक तरीके से उनसे आप और पैसे नहीं लेने वाले हो अब क्या आप अपने क्रेडिटर्स को एडिक्वेट अमाउंट पे कर पाओगे ऐसा तो नहीं कि आप उनकी लाइबिलिटी वेव ऑफ कर दो और आप क्रेडिटर्स को कुछ पे नहीं कर पाओ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सारे लोग ऑब्जेक्शन अगर रेस करना चाहें तो कर लें तो जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं ट्रिब्यूनल को तीन महीने के अंदर अंदर भेजने होते हैं ट्रिब्यूनल उनका ऑब्जेक्शन सुनने के बाद रिस्पॉन्स देखने के बाद ही अगर सेटिस्फाइड होती है कि हाँ डिस्चार्ज ऑफ डेट हो जाएगा तभी वो ऑर्डर पास करते हैं कन्फर्मिंग रिडक्शन ठीक है अगर ये ऑर्डर पास हो जाता है तो इस ऑर्डर को हम पास फाइल uh, करते हैं विद इन थर्टी डेज टू आर जो कि रजिस्टर करते हैं और इशू करते हैं आर एस सेवन एंड दिस इज गोइंग टू शो दमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर एंड अमाउंट ऑफ ईच शेयर द अमाउंट पे डाक्ट नो में शाल बी लैबल टू कंट्रीब्यूट मोर दें दिफ्रेंस बिटवीन अमाउंट पेड एंड अमाउंट फिक्स बाई दर्डर ऑफ रिडक्शन ऑब्वियसली तो अमाउंट बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन जितना अमाउंट हमारा फिक्स गया और उसमें से मान लो अगर हमने दस रुपये पे किया हुआ है फिक्स हुआ है कि पंद्रह रुपए तक का वो आता है तो अब हम पांच रुपए से ज्यादा नहीं देंगे ये तो ऑब्वियस है इसीलिए तो इतना <coughs> माहौल बन रहा है ठीक है ना प्रोहिबिशन ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बाय बैक कंपनी भाई अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी पर अगर वो बैंकिंग कंपनी उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही है कि वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं तो अलाउड होता है अगर इंप्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई स्कीम आपने निकाली है जिसके तहत आप ये देते हो और वो स्कीम अप्रूव्ड है बाय एसआर तो अलाउड है या फिर अगर आप लोन दे रहे हो नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स मतलब आप फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीद रहे हो पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं खरीद रहे हो और वो जो अमाउंट है वो आपके छः महीने की सैलरी से ज़्यादा से एक्सीड नहीं करता इट कुड बी अप टू दैट अमाउंट तो ऐसी सिचुएशन में अलाउड होता है द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी अगर उसमें किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया है जो है वो लेस दैन लोअर ऑफ टू टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फिफ्टी करोड़ है और देर इज नो डिफॉल्ट इन सच रीपेमेंट ऑफ तो ऐसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है अदरवाइज एप्लीकेबल uh, होगा बाईबैक अलाउड नहीं है कुछ केसेस में बाय बैक का हम पूरा का पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं भाई बाय बैक इज समथिंग विच कैन बी डन पर पर कुछ केसेस में बायबैक अलाउड नहीं होता है किस केस में अलाउड नहीं है अगर आपने डिफॉल्ट की हुई है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इंटरेस्ट डिबेंचर्स प्रेफरेंशर्स पेमेंट ऑफ डिविडेंट रीपेमेंट ऑफ लोन या उसका इंटरेस्ट इन केसेस में या फिर इफ़ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नाइन्टी टू मतलब एनुअल रिटर्न डिविडेंट का डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंट एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है तो इन केसेस में क्या है बाय बैक अलाउड नहीं है अगर आप इस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर लेते हो और तीन साल बीत जाते हैं तो ये प्रोविजन री हो जाते हैं एंड देन दैट इज समथिंग विच इज अलाउड अब सेक्शन 67 में हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंसिंग सेक्शन 68 एट और सिक्सटी में हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ बाईब और सेक्शन 70 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया प्रोहिबिशन इन सर्टेन केसेस तो अब बेसिकली हमको पढ़ना है सेक्शन 68 और 69 नाइन जहाँ पे हम बाय बैक की बात करते हैं बाय बैक का मतलब क्या है आप अपने खुद के सिक्योरिटीज या खुद के शेयर्स को खरीद रहे हो राइट right. क्या ये अलाउड है क्या कंपनी अपने खुद के शेयर्स को खरीद सकती है हाँ ये अलाउड है सेबी के कंप्लाइंसेज चाहिए होते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए और Otherwise, आपको ऑथराइजेशन चाहिए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो आप अपने खुद के शेयर्स खरीद सकते हो खुद के शेयर्स खरीदने के लिए भी हमको पैसे चाहिए पैसे कहाँ से आएंगे जो आपके फ्री हैं आप वो यूज कर सकते हो जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है आप वो यूज कर सकते हो या फिर आप फ्रेश इशू कर सकते हो और उसके बाद यूज कर सकते हो बट फ्रेश इशू ऑब्वियसली हम सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमें वही करना है वाई आर बी बाइंग बैक ठीक है नाउ <coughs> अगर इसमें से सो so सॉरी अगर इसमें से हम बाय बैक करते हैं तो एंड वी हैव टू ट्रांसफर अ नॉमिनल अमाउंट फेस वैल्यू टू सी आर आर राइट अब बाय बैक की भी अपनी लिमिट है कि हम कितना भी बाय बैक नहीं कर सकते हैं अगर हमारा बाय बैक दस परसेंट ऑफ पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से कम है ठीक है इज लेस दैन और इक्वल टू तो सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये काम हो जाता है पर अगर हमारा बाय बैक इक्विटी शेयर्स का इज़ मोर दैन टेन परसेंट बट इट इज़ लेस दैन एड इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल तो हमारा ये केस आ जाता है अगर हम कोई और सिक्योरिटीज़ को बाय बैक कर रहे हैं तो लेस दैन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तो हमारा ये केस आ जाता है ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा तो अलाउड ही नहीं है इन एनी केस राइट तो इसका प्रोसीजर क्या है यहाँ पर सिंपल बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन हो गया यहाँ पर अलाउड नहीं है इसका प्रोसीजर और यही एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है तो इसका प्रोसीजर क्या है जनरल मीटिंग बुलाइए नोटिस भेजेंगे नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी सो so सेक्शन 102 में हम पढ़ते हैं उसके बाद एस पास होगा पार्टली पेड अप शेयर्स को हम कभी बाय बैक नहीं कर सकते फुल्ली अप शेयर्स को हम बाय बैक कर सकते हैं तीन जगह से हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देके ओपन मार्केट से खरीद के या एम्प्लॉयज को सो थ्रू लेटर ऑफ ऑफर राइट उनका मिनिमम टाइम होता है पंद्रह दिन का मैक्सिमम टाइम होता है थर्टी डेज का अगर वो एग्री करते हैं तो आप खरीद लीजिए और डिस्ट्रॉय कर दीजिए फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो भी हमारे पास है और एक साल तक अगले एक तक आप बाय नहीं करोगे और नया इशू नहीं करोगे विद इन सिक्स मंथ्स ठीक है अगर uh, वो डिसएग्री करते हैं तो भाई आप नहीं खरीद सकते हो ठीक है अगर आपने खरीदा है तो आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी फाइल करना होता है एंड यू हैव टू मेंटेन रजिस्टर इन एस टेन एंड फाइल रिटर्न ऑफ बाय विद इन थर्टी डेज बाय आपका एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से एक uh, साल तक और अगर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया है तो स्पेशल से एक साल तक ठीक है रेशियो ऑफ डेट ओड बाय द कंपनी मस्ट नॉट बी मोर देन ट्वाइस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आफ्टर सच बाईबैक तो बायबैक के बाद हमको ये परसेंटेज प्रपोर्शन चेक करना है हैज द पावर टू नोटिफाई हायर रेशियो फॉर एनी क्लास ठीक है ओके नाउ वी कम टू सेक्शन 56 सिक्स जहाँ पर हम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं जो आइडियली बहुत ही रेलिवेंट सेक्शन नहीं रह गया है बिकॉज ट्रांसफर के केसेज मोस्टली um, जो हमारा डी मटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हो रहा है तो ट्रांसफर के ऐसे हमारे केसेज नहीं होते हैं बट फिर भी ट्रांसफरर जो दे रहा है और ट्रांसफरी जो ले रहा है जिसने ली वो ट्रांसफरी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र बनाते हैं ट्रांसफर डीड बनाते हैं एस एच फोर उसको साइन करते हैं डेट करते हैं स्टैम्प करते हैं ठीक है और सिक्सटी डेज के अंदर अंदर वो ट्रांसफर डीड अलॉन्ग शेयर सर्टिफिकेट आप क्या करते हो कंपनी को भेजते हो ठीक है नौ कंपनी क्या करेगी कंपनी उसको रजिस्टर करेगी और एक महीने के अंदर अंदर आपको एक नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी जिसके भी नाम पे इशू करना है ठीक है तो ये तो इन जनरल हमारा सिंपल सा केस था अब हमारे केसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्या क्या आती हैं मान लीजिए हमारे जो शेयर्स थे वो पार्टली अप थे ठीक है पार्टली अप शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का अगर डीड आएगी एंड दैट टू बाय ट्रांसफरर तो आप सोचो आप सोचो इफ द डीड इज रिसीव्ड बाय ट्रांसफरर मतलब मैं ट्रांसफर कर रही हूं अपने पार्टली पेड अप शेयर्स किसी और को पार्टली पेड अप शेयर्स इज एसोसिएटेड विद द लायबिलिटी मतलब किसी और को मैं लाइबिल ठहरा रही हूं तो क्या वो लायबिलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार है इस बात की जानकारी कंपनी को लेना जरूरी होता है तो कंपनी क्या करती है ट्रांसफरी को नोटिस देती है एस एच फाइव में और वहां से एन ओ सी लेती है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है और उसके बाद रजिस्टर करती है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि डीड हमने भेजी और वो खो गई तो आफ्टर इंडेमनिटी अगर इंडेमनिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसका कुछ भी अगर नुकसान होगा जिम्मेदारी हम लेंगे तो कंपनी क्या करती है रजिस्टर कर सकती है अब इसके बाद भी कंपनी रिफ्यूज़ कर सकती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के केस में ये दो चीज़ें अलग अलग हैं क्योंकि हमारे पास अपील का टेन अलग, अलग अलग चीज़ें आ जाती है अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो इसने क्या किया रिफ्यूज कर दिया मतलब ये ट्रांसफर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं और इन्होंने नोटिस भेजी और उसमें बताया कि इस वजह से हम ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास थर्टी डेज का समय है आप क्या कर सकते हो विद इन थर्टी डेज़ टू ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी ट्रांसफर योर पर्सन द गिविंग गिविंग इंटीमेशन ये अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को विद इन थर्टी डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ट्रिब्यूनल क्या करेंगे भाई दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे और जो ऑर्डर उनको ठीक लगता है वो पास करेंगे और कंपनी को वो ऑर्डर दस दिन के अंदर अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ना अगर प्राइवेट कंपनी ने रिफ्यूज़ तो किया मतलब ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया पर कोई नोटिस ही नहीं सेंड की तो ऐसी सिचुएशन में आप अपील फाइल कर सकते हो विद इन सिक्सटी डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ डीड तो जब आपने डीड डिलीवर की थी वहाँ से सिक्सटी डेज तक अगर कुछ भी नहीं हुआ देन यू कैन गो एंड फाइल द अपील नाव पब्लिक कंपनी के केस में भी सेम चीज़ होती है सेम दो केसेज होते हैं बस द टाइम लिमिट इज डिफरेंट यहाँ पे आ, आ, नो नोटिस के के केस में नाइन्टी डेज मतलब प्लस थर्टी और यहाँ पे प्लस थर्टी ठीक है तो के केस में सिक्सटी डेज ठीक है चलो ट्रांसमिशन अलग होता है ट्रांसमिशन बिकम्स ऑपरेशनल बाय लॉ मतलब हम वॉलंटरी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बट अगर जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको इंटीमेट करना होता है ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड वोटिंग uh, अधिकार नहीं मिलता है जब तक ये रजिस्टर नहीं हो जाते हैं ऑन रिकॉर्ड नाउ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स व ट्रांसफर साइन आर फॉस्ड तो ये वॉइड एप इनिश्यू होता है ओरिजनल मेंबर कंटिन्यूज़ औरिजनल ओनर कंटिन्यूज टू दम टू बी द मेम्बर अगर कंपनी रजिस्टर्ड अगर कंपनी ने रजिस्टर कर लिया ट्रांसफरी को एज अ मेंबर जो कि गलत है तो ओरिजिनल मेंबर कैन कंपेल द कंपनी कि आप मेरा नाम वापस लेके आओ कंपनी क्या करेगी कैंसिल कर देगी वो ट्रांसफरी का शेयर्स सर्टिफिकेट अगर ट्रांसफरी ने एक इनोसेंट परचेजर को दे दिया था तो न्यू परचेजर इज नॉट एंटाइटल टू सिक्योरिटी पर उसके पास अधिकार होगा टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी एंड कंपनी क्लेम कर सकती है डैमेजेस फ्रॉम द डिपॉजिटर ऑफ द फर्स्ट डेट सिंपल नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर सेक्शन 59 कोई भी पर्सन अग्रीव है या मेंबर है या कंपनी है वो अपील कर सकते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन एंड इफ द एंट्री विदाउट कॉज इज ओमिटेड या विदाउट कॉज उसमें डिफॉल्ट है या डिले है इन एंटरिंग और रिमूविंग द नेम तो वो ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल पार्टीज को सुनने के बाद डिसमिस करेगी अपील या फिर ऑर्डर करेगी रेक्टिफिकेशन या फिर डैमेजेस भी पे करने को बोल सकती है लाइक नाउ द कंपनी डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से बी होल्डर दे मे अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन इन ट्रांसफर ऑफ इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ अगर ट्रांसफर होता है इन एक्ट्स के कॉन्ट्रावेंशन में तो भी ट्रिब्यूनल को अपील किया जा सकता है ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगी कंपनी को कि आप इसको रेक्टिफाई करिए Now we come to debentures. किसी भी डिबेंचर में वोटिंग राइट right नहीं होगी कंपनी चाहे तो कन्वर्टेबल डिपेंचर्स इशू कर सकती है एंड सिक्योर डिपेंचर्स इशू करेगी बाय कम्पलाइंग विद रूल एटीन के कंडीशन कैसे इशू करेगी आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग जो डिबेंचर्स का हमारा टेन यूर होता है मैक्सिमम टेन ईयर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में मैक्सिमम थर्टी ईयर होता है इट हैज टू बी सिक्योर्ड बाय चार्ज एंड दैट टू एसेट्स शुड बी सफिशेंट मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ज क्रिएट करना है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो हमने दस रुपए की सिक्योरिटी दे दी नहीं सफिशियंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एंड यू हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी ना क्या क्या करना होता है भाई डी आर आर क्रिएट करना होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड एट प्रिस्क्राइब परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करना है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इन द स्पेसिफाइड एसेट्स बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर प्रोस्पेक्टस हम पब्लिक ऑफर के केस में इशू करते हैं और लेटर ऑफ ऑफर हम प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में इशू करते हैं कंपल्सरी uh, है अगर डिबेंचर ट्रस्टी की मैं बात कर रही हूँ डिबेंचर ट्रस्टी कंपल्सरी है या मैंडेटरी है अगर प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है या पब्लिक ऑफर दिया गया है या फिर ऑफर टू मेंबर्स एक्सीडिंग 500 तो ऐसी केस में डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है एंड कंपनी क्या करेगी भाई कंपनी इंटरेस्ट देगी डिबेंचर्स रिडीम करेगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स अगर नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर ट्रस्टी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल क्या करेंगे आफ्टर हियरिंग द पार्टीज दे विल फॉर्थविट दे विल ऑर्डर फॉर्थविड पेमेंट मतलब इमीडिएटली पे किया जाए ऐसा ऑर्डर करेंगे अब आती है हमारी बात डी के क्रिएशन की और डी के क्रिएशन की तो यहाँ पर सिर्फ आपको परसेंटेज याद रखना है भाई डीआरआर uh, रिक्वायर्ड नहीं है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज ये अदर अनलिस्टेड कंपनीज टेन परसेंट ऑफ डिबेंचर्स क्रिएशन ऑफ डी आर आई मतलब जो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं ऑन और बिफोर थर्टी एथ अप्रैल हमको अपने फिफ्टीन परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स मेच्योरिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च वो इन्वेस्ट uh, करने होते हैं इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय दीज पीपल राइट ठीक है डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है अरे ये क्या हो गया डिंचर ट्रस्टी अपॉइंटमेंट के पहले हम उनकी कंसेंट ऑप्टेन करेंगे उनका नाम हमारे लेटर of और, ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा कौन एलिजिबल होता है राधर कौन डिसक्वालिफाइड होता है अगर आप बेनिफिशियली शेयर्स होल्ड करते हो अगर आप प्रमोटर डायरेक्टर के एम ऑफिसर या एम्प्लॉय हो कंपनी के होल्डिंग के सब्सिडरी के एसोसिएट के तो आप नहीं बन सकते हो अगर आप एंटाइटल टू मनी हो अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन मतलब आप डिबेंचर ट्रस्टी बनोगे तो कुछ पैसा तो लोगे ही लोग अगर uh, हम कुछ और पैसा ऑप्टेन कर रहे हैं इन एनी अदर फॉर्म मतलब एन टाइटल टू मनी पार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन देन आई एम नॉट एलिजिबल टू बी डिबेंचर ट्रस्टी अगर मैं कंपनी को होल्डिंग को सब्सिडियरी एसोसिएट या फिर सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग को इंडेटेड हूँ तो नहीं अगर मैंने कोई डेट की गारंटी ली है तो नहीं अगर मेरी पेक्यूनरी रिलेशनशिप है पेक्यूनरी रिलेशनशिप हम कैसे चेक करेंगे लोअर ऑफ टू परसेंट ऑफ ग्रॉस टोटल टर्न ओवर और टोटल इनकम और फिफ्टी लैक विच ओवर इज लोअर राइट तो इसमें हम चेक करेंगे इतने अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अगर इतने अमाउंट की हमारी मॉनिटरी रिलेशनशिप हम शेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ देन आई एम नॉट एंटाइटल टू बी डिवेंचर ट्रस्टी और इफ आई एम रिलेटिव ऑफ प्रमोटर इम्प्लॉय डायरेक्टर और के एम पी ठीक है तो इन केसेस में ये केसेस ऑफ ऑफकोर्स आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है वो डिबेंचर ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता है डिबेंचर ट्रस्टी अगर वो बनते हैं तो उनका ड्यूटी होती है कि वो डिबेंचर होल्डर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सुने और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें वो मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं मतलब मीटिंग बुला सकते हैं मीटिंग करवा सकते हैं अगर उनको रिटर्न रिक्वेस्ट आए डिबेंचर होल्डर्स की जिनके पास कम से कम वन टेंथ वैल्यू है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है तो राइट एंड डिबेंचर ट्रस्टी को हटाया जा सकता है अगर थ्री फोर्थ वैल्यू होल्डर्स कंसेंट दे दें तो उनको हटाया भी जा सकता है एंड ठीक है अगर डिबेंचर ट्रस्टी भाई अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो इज ऑल्सो लाइबल टू डैम राइट बट दिस लेबिलिटी कैन बी एग्जेम्ट अगर थ्री फोर्थ वैल्यू होल्डर्स अपनी कंसेंट दे दें तो ओके डिपॉजिट का मतलब क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड इज डिपॉजिट का मतलब क्या है एनी रिसीट ऑफ मनी कंपनी कुछ भी पैसा लेती है उसको हम डिपॉजिट कहेंगे वो पैसे डिपॉजिट के फॉर्म में ले वो पैसे आप लोन के फॉर्म में ले या उसको कोई भी और नाम दे उसको हम डिपॉजिट कहेंगे पर कुछ आरबीआई द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई की हुई कैटेगरी डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे ठीक है कुछ आरबीआई द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई अमाउंट्स को डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे जैसे गवर्नमेंट से कोई अमाउंट मिला है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा फॉरेन सोर्स से कोई अमाउंट मिला है वो डिपॉजिट नहीं होगा अगर हमने कोई लोन लिया है एस बी आई से कोऑपरेटिव बैंक से किसी बैंकिंग कंपनी से किसी पी से वो डिपॉजिट नहीं होगा अगर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया है कमर्शियल पेपर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के हिसाब से और उससे पैसे रेज किए हैं वो डिपॉजिट नहीं होगा अगर किसी और कंपनी से पैसे लिए हैं वो डिपॉजिट नहीं होगा अगर हमने एप्लीकेशन मनी

देन कोई भी आपने बॉन्ड्स इशू किए डिबेंचर्स इशू किए किस तरीके के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सिक्योर्ड कन्वर्टेबल राइट तो वो आपके डिपॉजिट्स नहीं कहलाएंगे इफ़ दे आर लिस्टेड डिबेंचर्स

अगर हम इम्प्लॉय से पैसे रिसीव करते हैं एम्प्लॉय से हम पैसे कब रिसीव करते हैं एज अ सिक्योरिटी राइट नो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनडाउटेडली बट वो आपकी एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं करना चाहिए एंड देन इट शुड बी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग तो वो अमाउंट हमारा डिपॉजिट्स नहीं कहलाता है trust, नहीं कहलाता है अगर ट्रेड एडवांस हम इन जनरल बिजनेस में इन आर ऑपरेशंस अगर हमें पैसे रिसीव होते हैं फॉर एडवांसेस फॉर सम गुड्स फॉर सेलिंग ऑफ सम रिमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सम एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट क्योंकि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है फॉर सम लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोजेक्ट्स फॉर सम वारंटी और एज अलाउड बाई यू सेक्टोरियल रेगुलेटर सेक्टोरियल रेगुलेटर मतलब हमारा एडा हो सकता है इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी तो अगर वहाँ पे कुछ अलाउ करते हैं कि एडवांस आप ले सकते हो तो वो अलाउड है फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन अगर हम कोई पब्लिकेशन निकालते हैं उसके अगेंस्ट हमने एडवांस लिया अलाउड है तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अलाउड हैं प्रमोटर्स से अगर हम पैसे रिसीव करते हैं मतलब मैम प्रमोटर्स से पैसे रिसीव करने मतलब क्या अगर मैं एक कंपनी हूं और मैं गई बैंक से लोन लेने के लिए बैंक वाले मुझे बोल रहे हैं कि पहले आप अपने प्रमोटर्स से तो कुछ पैसे लीजिए तभी हम आपको लोन देंगे तो हमें प्रमोटर से भी पैसे लेने लगे उस पैसे को हम डिपोजिट्स नहीं कहेंगे वाई बिकॉज इट इज टेकन बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ बैंक तो जब तक हमारा लोन चलेगा तब तो तक प्रोमोटर से भी हमें पैसे लेने पड़ेंगे जब लोन खत्म तो प्रमोटर के पैसे भी हम वापस दे देंगे अगर हम फिर भी वापस नहीं देते तब वो डिपॉजिट कहलाएंगे इफ इट इज रिसीव निधि कंपनी इन अकॉर्डेंस विद निधि रूल्स तो वो नहीं है इफ़ इट इज रिसीव बाय चिट फंड कंपनी नहीं है अगर सीआईएस है तो नहीं है अगर स्टार्टअप कंपनी रिसीव कर रही है ट्वेंटी फाइव मिनिमम अमाउंट इन अ सिंगल ट्रांच रीपेबल विद इन टेन ईयर्स बाय कन्वर्टेबल नोट मतलब जो बाद में इक्विटी बन जाएगा तो वो भी डिपॉजिट नहीं है एंड अगर आप रिसीव करते हो एनी ऑफ सच फंड्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स डी बी सी एफ आई आई टी आर ई आई टी राइट या कोई भी म्यूचुअल फंड जो सीबी के साथ रजिस्टर्ड है जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है तो ये क्या है ठीक है पढ़ा है या पढ़ना है आप जो भी कह लो uh, तो ये क्या है डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा अब अपार्ट फ्रॉम मतलब ये सब तो इनके पास तो अपने अपने सेपरेट रेगुलेटर्स है ये वहां वहां चले जाएंगे अदर देन दै आप कोई भी रिसीट ऑफ मनी करते हो बाई अट क्याट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं द आंसर इज येस सिक्योर्ड या अनसे आगे देखेंगे हम प्रोविजन में कैसे हो सकते हैं पर हमारे डिपॉजिट हो, होते दोनों तरीके के हैं अब इफ आई एम प्राइवेट कंपनी आई कैन एक्सेप्ट रिसीव ऑफ मनी ओनली फ्रॉम माई में पब्लिक कंपनी आई कैन रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज फॉर फ्रॉम पब्लिक अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मतलब सेक्शन सेवेंटी सिक्स में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल अगर करते हैं तो हम एक एलिजिबल कंपनी बन जाती है और तब मैं पब्लिक से भी रिसीव कर सकती हूँ बट कब आफ्टर कंप्लाइंग विद प्रोविजन्स ऑफ द सेक्शंस ठीक है तो जो पैसे कंपनी को देते हैं वो डिपॉजिटर कहलाते हैं वो मेंबर भी हो सकते हैं और नॉन मेंबर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्या चीजें एप्लीकेबल है नो कुछ कंपनीज आर एग्जेप्टेड फ्रॉम डिपॉजिट प्रोविजन मतलब आपके ऊपर ये सारे प्रोविजन नहीं लगेंगे अफकोर्स लग भी नहीं सकते बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी और कंपनी जो आरबीआई स्पेसिफाई करे अब उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ना बैंकिंग कंपनी के आप अपने मेंबर्स से ही लोगे सिर्फ ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि आप पब्लिक से लोगे बट अगर आप एलिजिबल हो तो और आपको तीन महीने के अंदर चार महीने के अंदर ये करना होगा वो करना होगा ये सब हम कुछ नहीं बोल सकते ठीक है तो वो इस परव्यू से बाहर है अब सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 73 थ्री कैसे आप अपने मेंबर्स से से डिपॉजिट्स ले ले सकते हो तो पब्लिक कंपनी भी अपने डिपॉजिट सकती है और प्राइवेट कंपनी भी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती है जनरल मीटिंग बुलाइए ओ पास करिए एक सर्कुलर बनाइए सर्कुलर कैसा जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन होगी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डिपॉजिटर के नाम एटसेट्रा एटसेट्रा अदर्स राइट फिर सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिटर और इंटरेस्ट बिकॉज अगर ऐसी रहती है तो आप डिपॉजिट्स और नहीं ले सकते हो फाइल सर्कुलर विद आर ये सर्कुलर जो आपने बनाया है थर्टी डेज प्रायर टू इशू ये आर के पास जाएगा एक डिपॉजिट ट्रस्ट डील आप एग्जीक्यूट करोगे क्योंकि आपको डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है देन सर्कुलर इज इशू टू मेंबर्स कि हम आपको दे रहे हैं क्योंकि कंपनी इनवाइट कर रही है कि कंपनी को पैसे चाहिए आप डिपॉजिट्स दीजिए अगर आपका मन करे तो डिपॉजिट्स कैसे होते हैं बस मेंबर क्या में कंपनी को पैसे दे रहे हैं उसके अगेंस्ट मेंबर्स इंटरेस्ट लेंगे वो अमाउंट क्या होगा कुछ टाइम बाद रिपेबल हो जाएगा ठीक है तो ये सारी कंडीशन है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी दैट मीन दे विल बी सिक्योर डिपॉजिट्स ओनली और उनको रिसीट्स इशू करी जाएंगी विद इन ट्वेंटी वन डेज ऑफ रिसीट ऑफ मनी तो उनको डिपोजिट रिसीट दे दी जाएगी

ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकते हैं इसमें से कुछ चीजें प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करती है okay. 100 off, इसके लिए ना, मैं पहले आपके साथ लिमिट्स डिस्कस करती हूँ टेन्यूर ऑफ डिपोज ये लिमिट्स ऑन डिपॉजिट्स कितने कितने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं पब्लिक कंपनी से पहले प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी अगर क्राइटेरिया ऑफ एग्जें्पन को फुलफिल करती है तो ये कितनी भी लिमिट मतलब इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है प्राइवेट कंपनी जितने मर्जी उतने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? अगर ये क्राइटेरिया ऑफ एग्जें्पन को फुलफिल करते हैं बाकी कंपनीज बाकी प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या है हंड्रेड परसेंट ऑफ पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है तो okay, आप members से भी ले सकते हो और नॉन मेंबर्स से भी ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो आप एलिजिबल हो तो आप अपने नॉन मेंबर्स से 25% तक ले सकते हो और मेंबर्स से 100 वो 10% परसेंट right? राइट एंड इफ यू आर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी तो आपके ऊपर आप मेंबर्स से भी ले सकते हो नॉन मेंबर्स से भी ले सकते हो पर आपके ऊपर यह अलग अलग लिमिट नहीं है थर्टी फाइव परसेंट की ओवरऑल लिमिट दी हुई है एंड ऑल टाइप्स ऑफ अदर कंपनीज थर्टी फाइव परसेंट ऑफ दिस फ्रॉम मेंबर्स दैट्स इट ओके डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड इन ज्वाइंट नेम्स नॉट एक्सीडिंग थ्री तो मैक्सिमम तीन लोगों के एक साथ नेम्स कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी मोर द रेट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई फॉर एनबीएफ ये चीजें ऐसी हैं जो चाहते ना चाहते हुए भी आपको याद करनी पड़ेंगी राइट चल एक प्राइवेट कंपनी जो क्राइटेरिया फुलफिल करती है का मतलब क्या है अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आप एक स्टार्टअप हो तो पहले दस साल के लिए आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है बिकॉज यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप फॉर टेन ईयर्स अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जो किसी की एसोसिएट या सब्सिडियरी नहीं है उसकी बोरोइंग्स इज लेस दैन टू टाइम्स पेड शेयर कैपिटल इज लेस एंड इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है अदरवाइज हंड्रेड परसेंट ऑफ पेडअप कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्लस सिक्योरिटी प्लस फ्री रिजर्व की लिमिट है ठीक है ठीक है नौ लेस थ्री मंथस तो अलाउड ही नहीं है डिपॉजिट देना मोर देन थ्री मंथ्स बट लेस दैन सिक्स मंथस अलाउड है अगर आप अपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बॉरो कर रहे हो एंड इट डज नॉट एक्सीड टेन परसेंट ऑफ यू पेरियड कैपिटल प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम बाकी जेनरल अलाउड पीरियड क्या है सिक्स मंथ से लेके थर्टी सिक्स मंथ्स बियॉन्ड थर्टी सिक्स मंथ्स इज ऑल्सो नॉट अलाउड एंड लेस दैन सिक्स मंथो नॉट अलाउड बट इन रेयर केसेस थ्री टू सिक्स मंथस अलाउड होता है अगर हम ये कंडीशन पूरी करते हैं तो, तो ये क्या है हम कितना डिपॉजिट ले सकते हैं कितने टाइम पीरियड का डिपॉजिट ले सकते हैं किससे डिपॉजिट ले सकते हैं अब हमने ये देख लिया ठीक है हम मेंबर्स से ले सकते हैं नॉन मेंबर्स से भी कुछ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ले सकती हैं ठीक है थीके? सो so, ये आपकी कंडीशन लिखी हुई है नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी इफ इट फुलफिल्स द एग्जेम्पन क्राइटेरिया है ना तो ये वहीं पे वही कंपनीज है मतलब प्राइवेट कंपनी या तो आप एक्जन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो या आप हंड्रेड परसेंट ऑफ पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर अंदर, अंदर, अंदर एक्सेप्ट करो तो आपके ऊपर कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं अब अब हम आते हैं अगर हमें पब्लिक से डिपॉजिट लेने हैं तो हमें क्या करना है पब्लिक से डिपॉजिट ले कौन सकता है अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो एलिजिबल कंपनी हो मतलब मैम या तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो या फिर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो एंड आपने अपने मेंबर्स के साथ कंसेंट ऑब्टेन कर ली हो कंसेंट कैसे चाहिए अगर आप डिपॉजिट्स विद इन 180 के लिमिट ले रहे हो तो ओआर और अगर उससे एक्ससीड कर रहे हैं तो एसआर तो पहला इन दोनों में से कोई ये कंडीशन पूरी करो दूसरा रेजोल्यूशन पास कराओ तब आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनते हो एंड देन यू आर एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ठीक है पर फिर भी एक प्रोसीजर है प्रोसीजर एक्चुअली सेक्शन 73 जैसा ही है कि रेजोल्यूशन तो पास हो ही गया क्रेडिट रेटिंग हमने ऑप्टेन कर ली सर्कुलर बनाया डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाई सर्कुलर को इशू किया यहाँ पे सर्कुलर इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट क्योंकि हम जनरल पब्लिक को दे रहे हैं ठीक है उसके बाद आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो डिपॉजिट्स रिसीट्स इशू करते हो डिपॉजिट्स पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो दे आर द सेम रूल्स जो हमने ऊपर पढ़े थे अपार्ट फ्रॉम दैट डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं आठ साल के लिए इसको प्रिजर्व किया जाता है रजिस्टर ऑफिस पे ये रखा जाता है

डिपॉजिट ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता ये दिया हुआ है अगर वो कंपनी का डिपॉजिटर है डायरेक्टर के एम पी या एम्प्लॉई है कंपनी का उसकी होल्डिंग का उसकी सब्सिडरी का उसकी एसोसिएट का या इन है टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग या फिर उसकी कोई मटीरियल पर रिलेशनशिप है उसने कोई गारंटी दी है या वो किसी का रिलेटिव है हुए लोगों में से तो वो डिसक्वालीफाइड है वो डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता है तो एक इसके अलावा आप किसी पर्सन को ढूंढिए उसकी रिटर्न कंसेंट ऑप्टेन दैट ही गिव्स यू द कंसेंट दैट ही एग्रीज टू बी द डिपॉजिट ट्रस्टी उसके और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट ट्रस्ट डीट तो डीपीटी टू हम एग्ज्यूट करते हैं और उसके बाद हम सर्कुलर इशू करते हैं अलोंग विद द कंसेंट कि हाँ इस बंदे ने एग्री किया है टू बी द डिपॉजिट ट्रस्ट डिपॉजिट ट्रस्टी और वो ड्यूटीज परफॉर्म करता है जिसको करनी है उसकी ड्यूटीज क्या है वो देखिए कि भाई एडिक्वेट सिक्योरिटी ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि दे रहे नहीं दे रहे हैं टाइमली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं डिपॉजिटर्स की मीटिंग को बुलाना अगर कुछ डिस्कशन करना है तो अगर कंपनी ने कुछ धोखा दिया है तो उसको क्या रेमिडी है कहीं अगर लग रहा है कि धोखा हो सकता है तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करना ये सब उनका काम है इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ फिक्स टर्म उसके पहले भी हटाया जा सकता है और हटाने की अपनी एक कंडीशन है कुछ डिपॉजिट्स जो आपने इस एक्ट को कमेंस होने से पहले ही रिसीव कर लिए हैं वो आपको जल्दी से रीपे करने हैं उसके टाइम लिमिट्स दी हैं। दिस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड एंड ऑप्सली प्रोविजन तो हम रिविजन में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज बीन स्पेसिफाइड की कंपनी के ऊपर क्या है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या है अगर फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन प्रूव हो जाएगा तो सेक्शन फोर फोर्टी सेवन के तहत आप एप्लीकेबल हो जाते हो और आपके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लग जाते हैं राइट right? चलो रिवाइज करते हैं आप चैप्टर ऑफ़ चार्जेस चैप्टर ऑफ चार्जेस मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो हमारा कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर सिक्स होता है जिसमें सेक्शन सेवनटी सेवन से लेके एटी सेवन तक आते हैं एंड इज ऑल्सो रेड विद कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स टू थाउजेंड फोर्टीन ठीक है तो बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें एक डेफिनेशन हमको और पहले पढ़नी होती है जो सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटीन में दी हुई है जहां पे चार्ज को डिफाइन किया गया है क्या चार्ज की डेफिनेशन एग्जाम में आती है द आंसर इज नो चार्ज की डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में हार्डली कभी पूछी जा सकती है बट स्टिल आपको पता जरूर होना चाहिए चार्ज की अगर मैं मतलब की बात करूं तो इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट और लियन मैम इंटरेस्ट और लियन इंटरेस्ट देखो हमारा दो तरीके का होता है एक होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इनफैक्ट और भी हो सकता है और एक जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो होता है हमारा कही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंटरेस्ट ठीक है एप्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब अगर मेरा घर है तो उसमें मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट है यार आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होता है जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो किसी प्रॉपर्टी में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है मतलब उसके जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तभी आप इंश्योरेंस उसको ले सकते हो अपने नाम से तो ऐसे हमारी अलग अलग चीजें होती है वैसे होता है हमारे एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया वो बैंक की प्रॉपर्टी नहीं हो गई पर बैंक का उसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया अगर हम कल को पैसा नहीं देंगे तो बैंक उसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी वेस्ट हो सकता है ठीक है तो ऐसे हमारी चीजें होती है इंटरेस्ट हो आ, या कोई लेन हो विच इज क्रिएटेड ऑन एनी ऑफ द एसेट और अंडरटेकिंग, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ मॉडगेज मॉडगेज का मतलब हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं जब हम बोलते हैं ना कि हम गिरवी रख के कुछ काम कर रहे हैं है ना हमने अपना लैंड गिरवी रख के लोन लिया है तो दैट इज मॉडगेज मॉडगेज हाइपोथेकेशन प्लेज अलग अलग टर्म्स हैं डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है फिलहाल हम डेफिनेशन के परस्पेक्टिव से रिविजन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट लियन कोई भी क्रिएट हो ऑन कंपनीज एनी प्रॉपर्टी उसको हम क्या बोलते हैं चार्ज बोलते हैं ठीक है अब क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंपनी जब भी पैसे बोरो करेगी कहीं से भी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है बिना सिक्योरिटी कुछ, कुछ नहीं मिलता है, है ना तो सिक्योरिटी जब आप प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा चार्ज क्रिएशन होगा एंड वेन एवर अ चार्ज इज क्रिएटेड दैट चार्ज हैज टू बी रजिस्टर्ड विद आर ओ सी ये रजिस्ट्रेशन की हम क्या बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है क्यों इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने एक कंसेप्ट और कहीं दूर से पढ़ा है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वो भी यहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है कैसे होता है क्या होता है कैसे हम फ्लो पढ़ते हैं धीरे धीरे समझते हैं उसके पहले मैं आपको दो चीज और बता रही हूं जो यहां पे हमको दिख रही है देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एक होता है फिक्स चार्ज एक होता है फ्लोटिंग चार्ज है ना फिक्स चार्ज क्या होता है फिक्स चार्ज इज ऑन फिक्स एसेट्स ऐसा कुछ फिक्स चार्ज इज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स बेटर स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ़ कंपनी। मतलब अगर मैं एक कंपनी हूं और मैंने दस लाख का लोन लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने अपनी एक बीस लाख की प्लांट एंड मशीनरी को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है क्या मैं उस प्लांट एंड मशीनरी को बेच सकती हूं द आंसर इज नो तो हमारी लैंड बिल्डिंग ऑफिस प्रोमाइस कोई मशीनरी इन सारे परमानेंट नेचर जो हम फिक्स्ड एसेट्स आइडियली बोलते हैं उस नेचर के जो हमारे एसेट्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई आज हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं मतलब आज हम लोन ले रहे हैं हमारा लोन डीड बन रही है हमारा एग्रीमेंट बन रहा है उसमें हम बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस डिफरेंट क्रिएशन ऑफ चार्जेस डिफरेंट तो क्रिएट कब होता है चार्ज जब हम लोन लेते हैं हमारा एग्रीमेंट वगैरह बनता है ना तब हमारा चार्ज क्रिएट हो गया कि भाई आज से आपका इसमें इंटरेस्ट है दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज चार्ज तो जब हम क्रिएट करते हैं अगर उस समय आइडेंटिफाइबल होता है तो वो हम कहते हैं कि फिक्स चार्ज है और ये हमेशा फिक्स्ड ही रहता है कोई भी अगर फिक्स्ड चार्ज में आपका एसेट है तो आप उसको नहीं बेच सकते हो बैंक वाले के परमिशन के बिना वो क्या हो गए चार्ज होल्डर हो गए वो क्या हो गए चार्ज होल्डर कंपनी एंड द अदर पर्सन विल बी द चार्ज होल्डर ठीक है कंपनी एंड द अदर पर्सन विल बी द चार्ज होल्डर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग चार्जेस की फ्लोटिंग चार्जेस हमारे फ्लक्चुएटिंग नेचर के जो एसेट्स होते हैं उन पे होता है मतलब मैं बिजनेस कर रही हूं भाई और बिजनेस थोड़ा बंद कर दूंगी कंपनी है तो कंपनी क्या करती है हर दिन इतना इतना सामान खरीदती है बेचती है खरीदती है बेचती है, है खरीदती है, 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 है बेचती है अब क्या होता है अगर मेरे पास स्टॉक है एट ऑल टाइम्स मुझे पता है कि मैं कम से कम पचास लाख का तो स्टॉक मेंटेन करती ही करती हूं तो आप कभी भी मेरे यहाँ पे गोडाउन में आ जाओ और आपको पचास लाख का स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा बैंक ने कहा यार ये भी ठीक है ये खरीदते जाते बेचते जाते खरीदते जाते बेचते जाते हम पचास लाख का ये हमेशा स्टॉक मेंटेन करते हैं इनको कम से कम बीस लाख का तो लोन दे ही सकते हैं ऑन दिस राइट इसको इस तरीके का जो हाइपोथिकेशन होता है हमारा इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना क्यों क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग नेचर के एसेट्स पे क्रिएट किया जाता है क्या इन एसेट्स को हम बेच नहीं सकते भैया अगर बंद करके बैठ जाएंगे इनको नहीं बेचेंगे तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा वहां पे आपने कहा कि लैंड हमारे पीछे बिना मत बेचना इट्स ओके बट स्टॉक हमारे पूछे बिना मत बेचना ये कैसे ओके okay हो सकता है ये तो ओके okay नहीं हो सकता ना स्टॉक तो हमें बेचना ही पड़ेगा हाँ हम क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे सारा स्टॉक बेचके खाली कर दिया आपके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं बची नहीं एट ऑल टाइम्स वी विल मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक है ना तो हम उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज तो चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं चार्जेस डिफाइंड इन सेक्शन टू क्लास सिक्सटीन अगर कंपनी ने कंपनी चार्ज क्रिएट करती है मतलब कंपनी कभी भी किसी से भी पैसे लेगी बिना सिक्योरिटी के पैसे मिल रहे तो वाह भाई वाह क्या बात है तब तो कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं हो रहा है पर अगर आप किसी को कोई भी एसेट अंडरटेकिंग कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हो दैट इज ऑन रिकॉर्ड देन दैट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड व्हेन यू क्रिएट चार्ज वो आर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आरओसी को ना बताने से कंपनी का शायद थोड़ा कम नुकसान पर जो चार्ज होल्डर है उसका भयंकर नुकसान हो जाएगा बैंक वालों ने सोचा भाई ये तो कंपनी को बताना है कंपनी हैज टू तो इंटीमेट आरओसी आप जाओ और आर ओसी को बताओ कि आपने चार्ज क्रिएट किया है हम तो आराम से बैठे हैं अब कंपनी बंद हो गई कंपनी लिक्विडेशन में चली गई बैंक वाला दौड़ते दौड़ते आया अरे भाई मेरी तो सिक्योरिटी है ये लैंड तो आप नहीं बेच सकते ये इसकी देखो मेरे पास पेपर्स हैं उन्होंने कहा आर ओ के रिकॉर्ड में क्या दर्ज है तो हम इस सिक्योरिटी को मानेंगे ही नहीं हम इस चार्ज को मानेंगे ही नहीं मतलब लैंड हमारा दे दो लिक्विडेटर आपसे लैंड ले लेगा और बेच देगा और बाकी क्रेडिटर्स को बांट देगा आपको भी देगा क्योंकि आपकी डेट है ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसे दिए हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते वो डेट दैट नॉट इन्फोर्सिबल ऐसा नहीं होता बट देखो कितना नुकसान हो गया तो रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय आरओसी तो ये हमारा um, एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 77 सेवन जिसमें हम बोलते हैं इट इज द ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस अब ड्यूटी किसकी बनती है सेक्शन 77 सेवन के हिसाब से ड्यूटी कंपनी की ही बनती है पर नुकसान तो चार्ज होल्डर का भी हो रहा है ना अगर कंपनी अपनी ये ड्यूटी नहीं निभाएगी तो. तो इसलिए बोला गया कि अगर कंपनी ये ड्यूटी नहीं निभाती है जो टाइम लिमिट उनको दी गई है उसके अंदर अंदर तो चार्ज होल्डर आप एक्शन में आओ और आप ये काम कर लो हाँ आपका जो खर्चा पानी लगेगा आप कंपनी से क्लेम कर लेना पर आप ये काम कर लो क्योंकि भला तो आप ही का हो रहा है ठीक है तो बड़े बड़े हमारे केसेस होते हैं दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज पॉसिबल ओके फाइन ओके सो इट मे बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी अगर नहीं करते हैं तो बाय द चार्ज होल्डर जो हम सेक्शन 78 में पढ़ते हैं कब करते हैं विद इन थर्टी डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज कैसे करते हैं रूल थ्री में मैनर वगैरह प्रिस्क्राइब है हमारे अब अगर रजिस्टर हो जाता है तो आर हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज देता है एंड जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन से हम मानते हैं डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज मतलब सेक्शन नंबर 80 सेक्शन नंबर 80 का मतलब क्या है सेक्शन नंबर 80 एकदम ना कमाल का सेक्शन हमने बनाया हुआ है और आप समझ लो कि एक कंपनी है जिसने लोन लिया लेट से एक करोड़ का लोन लिया एक बैंक से और अपनी एक बिल्डिंग को सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड किया बाद में वो बिल्डिंग मेरे को बेच दी अब जब उन्होंने बिल्डिंग मेरे को बेची तो मैंने उसका प्राइस पे किया होगा ना डू आई नो मेरी बात बहुत ध्यान से। डू आई नो कि ये जो बिल्डिंग है इट ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड ऑन इट मतलब अगर कंपनी वो लोन नहीं पे करेगी तो बैंक मेरी बिल्डिंग उठा के ले जाएंगे मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली ना मेरी बिल्डिंग उठा के ले जाएंगे आई एम प्रिज्यूम्ड टू नो दिस बिफोर हैंड ही हमारा कहता है सेक्शन नंबर 80 अगर चार्ज रजिस्टर हो गया तो कोई भी प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज अगर कोई और पर्सन एक्वायर करता है तो सच पर्सन शुड नो अबाउट द चार्ज ही इज प्रिज्यूम्ड ही विल बी कंसीडर्ड टू नो अबाउट इट एंड विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम फॉर एनी लॉस उसको पता हो या उसको ना पता हो उसको मान लिया जाएगा कि बेटा तुमको पता ही है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम उसको पता कैसे चलेगा पता ऐसे चलेगा अगर रजिस्टर हुआ है वो चार्ज तो ही और अगर वो चार्ज रजिस्टर हुआ है मतलब डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ गया क्यों क्योंकि हमने आपको नॉलेज दे दी जैसे ही रजिस्टर हुआ दैट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट आप एमसीए के पोर्टल पे जाके देखो ना आपको सारे चार्ज क्रिएटेड दिखेंगे रजिस्टर्ड दिखेंगे अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब आप बेनिफिट क्लेम कर लो बट अगर जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हो गया उस दिन से इट इज डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज ठीक है और कुछ कंप्लाइंस होते हैं और जब हम पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं तो हमको एक और इंटीमेशन uh, करना होता है टू आर ओसी विच इज अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सो वी रिपोर्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ठीक है अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो कंसिक्वेंसिस क्या होते हैं कि जो चार्ज होल्डर है मतलब वो जो बैंक है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है अगर कंपनी बंद होती है वाइंडिंग अप में तो और प्रायोरिटी ऑफ सबेंट चार्ज रजिस्टर चार्ज, मतलब उसके बाद कोई चार्ज रजिस्टर हो गया तो भाई उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी आपको नहीं मिलेगी और साथ साथ सेक्शन 86 की पेनाल्टी तो लगती ही लगती है वो कंपनी पे लगती है ठीक है अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमने ये तो एक ओवरव्यू लिया है हमने सेक्शन नंबर एटी हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर सेवेंटी पे आते हैं सबसे पहला सेक्शन कि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि कंपनी आप चार्ज जो आपने क्रिएट किया है उसको आप रजिस्टर भी करिए कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करिए आप रजिस्टर करिए उसको थर्टी डेज के अंदर अंदर हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो वो भी उस पर भी अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो भी आपको रजिस्टर करना है और हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ही हो और उस पर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है चार्ज रजिस्टर uh, तो करना ही करना है वॉट एवर चार्ज यू हैव क्रिएटेड ठीक है मैम दोनों में एक डिफरेंस आता है डिफरेंस क्या आता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा ऑफ क्रिएटिंग चार्ज दैट हैज टू बी वेरीफाइड बाय द डायरेक्टर और सी एस और ऑथराइज ऑफिसर यहां पे भी सेम चीजें हैं एक एडिशनल चीज है पर्सन इंटरेस्टेड इन चार्ज

इंस्ट्रूमेंट और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी हमारा रहता है ये दोनों कर देते हैं आर क्या करेंगे चार्ज को रजिस्टर करेंगे और हमें एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे सी टू कंपनी को भी चार्ज होल्डर को भी दोनों को ये चीज़ मिल जाती है अगर हम चार्ज को कभी भी लेटर ऑन मोडिफाई करते हैं मैम मोडिफाई करने का मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में बताती हूं अगर हम मोडिफाई करते हैं मतलब ऑल्टर करते हैं बदलाव लाते हैं कुछ उसमें चेंज लाते हैं तो विद इन थर्टी डेज ऑफ सच मोडिफिकेशन तब भी हमको ये रजिस्टर करना पड़ता है एंड देन ऑल्सो वी गेट अ सर्टिफिकेट ठीक है ऑफ मोडिफिकेशन क्लियर चल सो इतनी बातें क्लियर हैं हमारी टाइम लिमिट में अभी हमको अच्छा खासा डिस्कशन करना है और दो प्राइमा फेस ही हमारी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है थर्टी डेज ऑफ क्रिएशन बट अगर हम थर्टी डेज में नहीं कर लेते तो क्या उसके बाद हमें टाइम मिलता है कि आप उसके बाद भी कर सकते हो द आंसर इज येस ये चीजें हमारी ऑप्सिलीट हो चुकी हैं बट फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा अभी हमारा जो पीरियड है वो यही वाला रेलिवेंट है सो so चार्ज आपने जब भी क्रिएट किया थर्टी डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करा लो अगर थर्टी डेज़ के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं कराया तो रजिस्टर इन नेक्स्ट थर्टी डेज मतलब क्रिएशन से सिक्सटी डेज के अंदर अंदर विद एडिशनल फीस अगर फिर भी नहीं कराया तो रजिस्टर विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज विद एड वाल फीस फर्दर पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज ठीक है तो वहां से सिक्सटी एड वाल फीस क्या होती है परसेंटेज के बेसिस पे होती है अगर आपका अमाउंट छोटा है तब तो चल जाएगा बट अगर अमाउंट बड़ा है तो वो परसेंटेज के बेसिस पे होती है तो बड़ी हैवी फीस लग जाती है ठीक है बट दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल इसके बियॉन्ड क्या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आंसर इज नो इसके बियॉन्ड रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं पर अगर कंपनी अपने थर्टी डेज के टेन्योर में जो प्राइमा फेस उसको टाइम लिमिट दी है रजिस्टर नहीं कराती है तो भाई चार्ज होल्डर के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि आपका अधिकार शायद छिन जाए आप शायद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाओ सो यू हैव गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि आप खुद क्या कर लो रजिस्टर करा लो तो आपको क्या करना है आपको भी फॉर्म भेजना है एप्लीकेशन विद इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज टू आर ओ सी फॉर रजिस्ट्रेशन

या तो कंपनी खुद रजिस्टर कर ले तो बहुत अच्छी बात है अगर कंपनी ने रिप्लाई किया और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया तो आर रजिस्टर कर लेगी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया इन सफिशियंट कॉज आर रजिस्टर चार्ज एंड इशू सर्टिफिकेट ठीक है तो अगर उनको सफिशियंट रीजन मिल जाता है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन तो वो रही रजिस्टर करते हैं अदरवाइज आर विल रजिस्टर अगर आपने कंपनी ने प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया या फिर कोई सफिशियंट कॉज नहीं दिखाया फॉर जिस्ट्रेशन तो आरोपी रजिस्टर करेगी अदरवाइज आर ओसी विल नॉट रजिस्टर ठीक है अगर सफिशियंट उनको मिल गया कि नहीं नहीं यार ये तो झूठ बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं हमारा कोई चार्ज वार्ज क्रिएटेड नहीं है तो वो नहीं रजिस्टर करेंगे चार। so, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट uh, होता है जो क्रिएशन का होता है या मोडिफिकेशन का होता है वो इस तरीके से वेरीफाइड होता है फॉर द प्रॉपर्टी ये मैंने आपको ऑलरेडी uh, बता दिया है एंड वी हैव टिमिट जो हमारा सेक्शन नंबर सेवेंटी सेवन है कुछ चार्जेस के केस में विच आर प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद आर बी आई विच आइडियली यू डोंट इवन हैव स्टडी बट ऐसे कुछ हैं जहाँ पे इट विल नॉट बी एप्लीकेबल

तो आपको मान लिया जाता है एज अन सेक्योर्ड क्रेडिटर दैट मीन द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप तो अगर हमारी कंपनी वाइंडिंग अप के लिए गई बंद होने वाली है उसके एसेट बिक के उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा रहा है आप उसी कतार में खड़े हो जाओगे अनसेक्योर्ड क्रेडिटर वाले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर रहते हो मतलब आपके पास सिक्योरिटी रहती है तो आप उसको बेच के पैसा रियलाइज कर सकते अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिए गए तो फिर आपको वैसे ही पैसा मिलेगा कुछ बचा तो मिलेगा नहीं बचा तो नहीं मिलेगा ठीक है कोई आपको लीगल रिकोगशन आपके चार्ज को नहीं देगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर नहीं कराया और कंपनी बड़ी शादक निकली कंपनी ने आपसे लोन लिया उसके बाद किसी और से जाके फिर लोन ले लिया और उन्होंने क्या किया रजिस्टर करा लिया अब उनका चार्ज प्रायोरिटी वाला हो जाएगा ऑल दो तो पहले आपने किया था एक एक प्रॉपर्टी पे दो दो लोग भी चार्ज क्रिएट करा सकते हैं भाई बड़ी प्रॉपर्टी आपसे भी लोन लिया छोटा सा उनसे भी लोन लिया छोटा सा सो दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल राइट तो वो वैलिड हो जाएगा और आपका चार्ज क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा ठीक है चल अब अगर हम चार्ज क्रिएट करते हैं मतलब बैंक वाले चार्ज क्रिएट करते हैं दैट इज बाय चार्ज होल्डर तो एज आई टोल्ड यू जो रजिस्ट्रेशन है वो तो इफेक्ट हो जाएगा अगर कोई सफिशियंट uh, कॉज नहीं दिखाया जाता है इसके साथ साथ चार्ज होल्डर बी एंटाइटल की वो कंपनी से फीस या एडिशनल फीस जो भी उनको लगी है वो रिकवर कर पाए ओके नाउ मैं आपको पहले डिस्कस करती हूँ सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन क्या है सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन में दो चीजें आती हैं पहली चीज सपोजली आई एम एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ चार्ज ठीक है मतलब उस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है और वो मैं एक्वायर कर रही हूँ तो तब पहली बात सेक्शन नंबर एट्टी का ध्यान रखना है कि हाँ नोटिस ऑफ चार्ज मेरे पास होती है

अब बैंक का कोई भी चार्ज उसमें नहीं है दैट चार्ज क्रिएटेड हैज बीन सैटिस्फाइड तो अब आपकी ड्यूटी बनती है आर ओसी को वो भी तो बताओ तो आर ओसी को मान लो आपने नहीं बताया तो ऐसी सिचुएशन में मान लो मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो मैं क्या करूंगी मैं आर ओसी को बताऊंगी और उनको सेटिस्फाई करूंगी मतलब बताऊंगी कि हाँ देखो अब इसका नहीं है और अपना नया चार्ज क्रिएट कराऊंगी सो द अर्लियर चार्ज विल गेट वेकेटेड एंड न्यू चार्ज विल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी ठीक है Uh, जिसने भी एक्वायर किया मैंने एक्वायर किया तो मेरे द्वारा हो जाएगा फाइन एंड दूसरी बात आती है मोडिफिकेशन की मोडिफिकेशन अगर हमारा होता है सबसे पहली बात ना मोडिफिकेशन होता क्या मोडिफिकेशन मीन्स द चेंज इन टर्म्स और कंडीशन्स और यू कैन से मोडिफिकेशन इंक्लूड्स द वेरिएशन कि अगर हमारे एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आया है अब मैं आपको एक बात बताती हूं हमारा जो एग्रीमेंट होता है ना कई बार ऐसा भी होता है जैसे बैंक ने मुझे लोन दिया तो बैंक ने मुझे फ्लोटिंग रेट पे लोन दिया है फ्लोटिंग रेट पे लोन देने का मतलब क्या है मैम फ्लोटिंग रेट पे लोन देने का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो अप एंड डाउन जैसे आप लोगों ने एकदम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इतना तो सुना होगा भाई एफडी का रेट अभी छः परसेंट चल रहा है या सात परसेंट चल रहा है या आठ हो गया या पांच आ गया या चार हो गया ये तो सुना होगा ना बैंक लो, बैंक से लोन लेने जाएंगे हाउसिंग लोन तो अभी साढ़े आठ परसेंट अरे यार ये बढ़ रहा है ये घट रहा है ये बढ़ता घटता है ना बढ़ता घटता होता रहता है कि नहीं होता रहता है आज अगर मैंने लोन लिया और उन्होंने मुझे बोला कि आपको साढ़े सात परसेंट का हम देंगे तो साढ़े सात परसेंट एक फिक्स्ड भी हो सकता है और वो ये भी बोल सकते हैं कि हम आपका फ्लोटिंग रेट पे दे रहे हैं मतलब अगर रेट बढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा अगर रेट कम हो गया तो मेरा इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा तो दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ठीक है तो बहुत सारी चीजें होती हैं तो अगर सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से इफ 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 देयर इज चेंज इन दिस बैंक रेट दैट इज नॉट अमाउंट टू मोडिफिकेशन बट अदरवाइज अगर हमने और निगोशिएट किया और मैंने आपको बोला नहीं यार साढ़े सात से अब आप छह परसेंट कर दो और वो हमारा चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ दैट अमाउंट टू मोडिफिकेशन ठीक है तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बदले इनफैक्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदले अदर देन बैंक रेट दैट आल्सो अमाउंट्स टू मोडिफिकेशन हो सकता है मैंने पाँच साल का लोन लिया था मैं आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस बदल के बोलूं नहीं मैं तो दो साल में ही करूंगी दैट इज आल्सो मोडिफिकेशन हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट आपने रिलीज कर दिया क्योंकि मैंने अच्छा खासा आपको पेमेंट कर दिया दैट इज ऑल्सो मोडिफिकेशन तो बहुत सारे ये सब हमारे मोडिफिकेशन होते हैं और कभी भी अगर हमारे एग्रीमेंट में ऐसे टर्म्स मोडिफाई हो रहे हैं देन दैट मोडिफिकेशन ऑल्सो हैज टू बी रजिस्टर्ड और उसका भी हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ मोडिफिकेशन ऑफ चार्ज मिलता है सी थ्री जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ठीक है इसके अलावा रजिस्टर ऑफ चार्जेस तो सेक्शन नंबर एट्टी फाइव बड़ा सिंपल सा चीज है विच जस्ट सेकेंड ये तो पढ़ना ही नहीं आपको गया पता नहीं चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं Section number 82. Section number 82 मतलब भाई हमने जो लोन लिया था उसको repay कर दिया ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है See, the company discharges it, मतलब पेमेंट कर देती है एंड सिक्योरिटी फ्री देन विद इन थर्टी डेज ऑफ पेमेंट इंटीमेट अबाउट पेमेंट इन सी एच डी फोर किसको आरओसी को आरओसी क्या करेंगे वो एक नोटिस भेजेंगे चार्ज होल्डर को अब वो बैंक वाले से पूछेंगे भाई तुम्हारे सारे पैसे मिल गए ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विद इन फोर्टीन डेज अगर वो कोई ऐसा कॉज शो कर देंगे कि नहीं नहीं हमको तो पैसे नहीं मिले हैं रजिस्ट्रार विल नॉट रजिस्टर आर सेटिस्फैक्शन अगर नो कॉज इज शोन तो वो रजिस्टर कर लेंगे एंड विल इशू अटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सी एच जी फैंक में ठीक है तो छोटा सा हमारा सेक्शन है अब यहां पे एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी मिलता है रजिस्ट्रार अगर कंपनी एप्लीकेशन करती है तो 300 डेज तक ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस वो अलाउ कर सकते हैं कि आप सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकते हो एक बात बहुत ध्यान से सुनना जब हम चार्ज क्रिएट करते हैं थर्टी डेज प्लस थर्टी प्लस सिक्सटी हमारे पास सिर्फ उतना ही टाइम लिमिट होता है फॉर रजिस्टरिंग चार्ज पर जब हम चार्ज को सैटिस्फाई कर देते हैं थर्टी डेज प्लस हमारे पास ये एक्सटेंडेड टाइम पीरियड रहता है ठीक है तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है नॉट आई वुड से थर्टी प्लस थ्री हंड्रेड बट आई वुड से इन टोटल थ्री हंड्रेड क्योंकि हैज टू बी मेड विद इन थ्री हंड्रेड डेज ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ठीक है तो हमारे पास उतना एक्सटेंडेड टाइम पीरियड हो सकता है अगर हम एप्लीकेशन दें तो ठीक है चलो अब कई बार ऐसा होता है कि भाई लोग देते ही नहीं है रिपोर्ट नहीं किया तो रूसी के पास खुद भी पावर है जैसे हमने सेक्शन 79 में पढ़ा कि अगर हम एक एप्लीकेशन दे हमने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज तो हम उनको बताते हैं आरओसी को कि नहीं नहीं इसका चार्ज तो हट चुका है ये तो पेमेंट पेमेंट हो चुकी है तो अब ऐसे ही आरोसी को किसी भी इंफॉर्मेशन से किसी भी सोर्स से पता चला कि यार ये चार्ज अब क्रिएटेड ही नहीं है चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है आपको कंपनी ने बताया नहीं है तो वो अपनी मर्जी से भी क्या कर सकते हैं ये सैटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकते हैं क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में कोई एविडेंस मिली तो रजिस्टर एंटर्स इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेमोरेंडम ऑफ इटिस की नो इंटीमेशन एंड म दी एफेक्टेड पार्टी ठीक है तो वो इंफॉर्म कर देते हैं एफेक्टेड पार्टी विद इन थर्टी डेज ऑफ मेकिंग सच एंट्री ओके देन एक हमारा छोटा सा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर एट्टी फोर uh, जो ये बोलता है कि देर मे बी समीवर हु इज अपॉइंटेड ठीक है तो कभी कभी रिसीवर अगर अपॉइंट होता है तो रिसीवर भी ये इंफॉर्मेशन देता है एंड आर उस रिसीवर की भी एंट्री करते हैं इन देअर रजिस्टर सेक्शन 86 बात करता है पनिशमेंट की पनिशमेंट कितनी है कंपनी के ऊपर पांच लाख की पेनाल्टी हर ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर पचास हजार की पेनाल्टी और इसके साथ साथ पनिशमेंट फॉर फ्रॉड भी आती है अगर पता चल जाए कि भाई आपने फ्रॉड मतलब फर्निशिंग सम इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नोइंगली सप्रेसिंग सम मटीरियल इन्फॉर्मेशन तो आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है फोर फोर्टी सेवन का भी सेक्शन लग सकता है इसके बाद रेक्टिफिकेशन अगर मान लो हमसे कोई गलती हो गई मतलब हमने फाइलिंग की फाइलिंग नहीं की तो ये सेक्शन नहीं है फाइलिंग की हमने और हमसे कोई गलती हो गई कुछ छूट गया या कुछ हमने गलत रिपोर्ट कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में द इंटरेस्टेड पर्सन और कंपनी में सेंड एन एप्लीकेशन टू i um not see four ठीक है ऑल दो ये रेक्टिफिकेशन ऑर्डर करने की पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बट दिस पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर्स तो हम एप्लीकेशन देते हैं और अगर कोई ओमिशन रहता है या फिर कोई मिस स्टेटमेंट रहती है तो ऐसी सिचुएशन में हमने एप्लीकेशन दी इफ दे आर सेटिस्फाइड अबाउट द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कि हाँ भाई गलती से हो गया होगा छूट गया होगा तो वो रेक्टिफिकेशन कर देते हैं इफ दैट इज नॉट इफेक्टिंग सम क्रेडिटर्स ठीक है

अगर हमें चार्ज रजिस्टर करना है तो सेक्शन 77 हमें जो टाइम लिमिट दी हुई है बस वही है पर अगर सेटिसफैक्शन रिपोर्ट करना है तो पहले 30 दिन अगर नहीं है तो फिर 300 दिन और अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है सेक्शन 87 में जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे के बोल सकते हैं कि हमारा टाइम पीरियड और बढ़ा दो हमको सेटिसफैक्शन रजिस्टर करना है वो वो भी बढ़ा सकते हैं ठीक है तो satisfaction के लिए तो तो दिया हुआ है and it has not been, uh, restricted. मतलब यहां पे तो फिर कुछ दिया दिया ही नहीं है है कि beyond 300 days करना है, तो फिर यहाँ पे आ जाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के कर लो ठीक है सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन टाइप्स ऑफ चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग फ्लोटिंग चार्ज एक समय पे जाके क्रिस्टलाइज भी हो जाता है कैसे होता है अगर किसी ने लोन लिया मैंने लोन लिया था पचास लाख रुपए का और अब मैं लोन रीपे नहीं कर रही हूँ तो क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है मतलब नाउ द फ्लोटिंग एसेट्स विल बिकम फिक्स्ड दैट मींस अब ये बिकेंगे नहीं बैंक से पूछे बिना तो दैट इज सिंपली क्रिस्टलाइजेशन दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ पॉसिबल ठीक है बहुत ज़्यादा हमको वो पढ़ना नहीं है आई होप दैट्स क्लियर चलिए रिवाइज करते हैं हम चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा चैप्टर नंबर सेवन होता है विच कंटेन सेक्शन एटी एट से वन एट वन ट्वेंटी टू तक राइट अब इसमें क्या पढ़ना है अगर मैं ब्रॉड आपको ओवरव्यू दूँ तो इसमें हमको एक पोर्शन पूरा का पूरा रजिस्टर्स का पढ़ना है जिसमें सेक्शन एटी एट आता है और नाइन्टी वन से लेके नाइन्टी फाइव तक आता है उसमें बीच में दो छोटे छोटे सेक्शंस और आते हैं जो बेनिफिशियल ओनर और एस पी ओ से रिलेटेड होते हैं इसके अलावा एक पोर्शन हमारा एनुअल रिटर्न का आता है और तीसरा पोर्शन आता है हमारे मीटिंग्स का विच इज़ अ ब्रॉड वन ह्यूज वन बट सबसे ईजी है ना मीटिंग्स वाला पोर्शन इस चैप्टर में सबसे ईजी है मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं मीटिंग्स हम कैसे बुलाते हैं दैट इज़ द प्री रिक्विज ऑफ कन्वीनिंग मीटिंग प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट तीन फेजेस आते हैं हमारे मीटिंग के पहले मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद में तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी हैं बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा पर लंबा चैप्टर है है ना छोटा सा चैप्टर नहीं है इट हैज़ गुड कंटेंट तो एक एक करके हम इसकी सारी चीज़ों को फटाफट से इफ़ेक्टिव मैनर में रिवाइज़ करते हैं ठीक है चलो सबसे पहले भाई बात करते हैं रजिस्टर्स की तो हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना होता है हमें रजिस्टर ऑफ एस भी मेंटेन करना होता है राइट कुछ समय के लिए हम अपना रजिस्टर को बंद भी कर सकते हैं कि भाई अभी हम एंट्रीज़ नहीं करेंगे बाकी हर टाइम हमको अपने रजिस्टर को अपडेट करते रहना होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनफैक्ट हमारे जो फॉरेन रजिस्टर है उसकी इंडेक्स है वो सारी की सारी चीज़ें वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अलोंग विद द रूल्स दैट वी रीड उन सारे कंटेंट्स में कंप्राइज हो जाता है कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो दोनों को क्या करना है रजिस्टर मेंटेन करना है सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी अगर आप नहीं मेंटेन करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है अब एक चीज़ यहाँ पे कमाल की और आती है कि भाई अगर फिजिकल फॉर्म में हमारे हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं तो ठीक है हम इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब जो हमारे रूल्स द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई है उस तरीके से हम अपने रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे और इंडेक्स भी बनाएंगे अगर मेंबर्स हमारे पचास या उससे ज़्यादा हैं तो ठीक है बिकॉज अगर दस मेंबर्स हैं तो आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है आप बड़े आराम से व्यू करके वहां तक पहुंच सकते हो बट अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं देन इंडेक्स रेफरेंस ऑल्सो नेसेसरी एम जी डी वन हमारा फॉर्म होता है फॉर शेयर्स एंड एम जी डी टू होता है फॉर अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पर कमाल की बात ये होती है कि अब शेयर्स का डी मटीरियलाइजेशन हो रहा है पहले लिस्टेड कंपनी देन पब्लिक कंपनीज ऑल्सो फॉलोइंग विद इन द लिमिट इनको क्या करना है डी मटीरियलाइज करने अपने शेयर्स मतलब इनको शेयर्स अपने डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक uh, फॉर्म में मेंटेन करने हैं दे डोंट हैव फिजिकल शेयर्स दैट दे इशू अब फिजिकल शेयर्स ये इशू नहीं करते इनके पास रिकॉर्ड भी नहीं होता है क्यों क्योंकि शेयर्स को इन्होंने कन्वर्ट कराया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी द्वारा डिपॉजिटरी सारे शेयर्स होल्ड करके रखी हुई है डिपॉजिटरी के पास ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू हम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स को इधर उधर करते हैं मैंने अगर शेयर खरीदा है आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर है मैंने शेयर खरीदा या मैंने शेयर बेच दिया नाउ इट इज़ नो मोर माई शेयर आई एम नॉट द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी कंपनी मिनट मिनट के रियल टाइम डेटा को मेंटेन करके अपनी एक रजिस्टर नहीं मेंटेन कर सकती है फिजिकल शेयर्स के केस में वो कर सकते हैं बिकॉज उस केस में क्या होता है ट्रांसफ़र डीड आती हैं ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट होती हैं उसके बाद ट्रांसफ़र्स रजिस्टर किए जाते हैं एंड देयर आफ्टर एंट्री कैन बी मेड बट यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एक क्लिक पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं शेयर्स विच इज़ इम्पॉसिबल टू मेंटेन तो यहां पे कौन करता है डिपॉजिटरी तो डिपॉजिटरी के पास सारा का सारा रियल टाइम डेटा होता है कि हाँ अभी इस कंपनी के ये शेयर होल्डर्स है इसने इसको दे दिया इसके इससे हो गया इसके क्रेडिट हो गया इसके माइनस हो गया ऐसा हुआ वैसा हुआ हैज बीन डिजाइंड राइट अब कंपनी के लिए बोला गया मैंडेटरी है भाई रजिस्टर बनाओ अब ये यहां पे एक दिक्कत क्रिएट हो गई कि अगर डीमेट हैं तो हम रजिस्टर कैसे बनाए हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है तो एक और बात बोली गई कि अगर डिपॉजिटरी रिकॉर्ड बना रही है डिपॉजिटरी रजिस्टर मेंटेन कर रही है इट तो विल बी डीम्ड कंप्लाइंस अंडर दिस सेक्शन ठीक है ठीक है मैम मैम रजिस्टर बना तो दिया पर रजिस्टर रखेंगे कहां तो रजिस्टर आप रखते हो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ये दिया हुआ है सेक्शन नाइनटी फोर में जिसमें इंस्पेक्शन के बारे में भी बात की हुई है अगर कहीं और रखना चाहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो क्या रख सकते हैं यू हैव टू हैजन वेरी क्लियर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ये दो अलग अलग चीजें हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो वो आप कहीं और रखना चाहते हो तो आप कहाँ रख सकते हो द बोर्ड एज मे डिसाइड अगर रजिस्टर ऑफ members आप कहीं और रखना चाहते हो तो कहाँ रख सकते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे कम से कम वन टेंथ members reside कर रहे हो और उसके बाद एक एस आर पास हुआ हो तो आप वहां पे रख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे एक ये कंडीशन कंप्लाई करने के बाद ही यू कैन कीप द रजिस्टर एट सम अदर प्लेस नो वी ऑल्सो के बारे में हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे बट उसके पहले एज यू अबाउट सेक्शन नाइनटी फोर सेक्शन नाइन्टी फोर में हम प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर और इंस्पेक्शन दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो भाई इंस्पेक्ट कौन कर सकता है इंस्पेक्ट कर सकता है इसको मेम्बर डिवेंचर होल्डर या कोई भी हमारा सिक्योरिटी होल्डर है या बेनिफिशियल ओनर विदाउट एनी फी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड अदर्स विद फी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स अगर रिफ्यूज करते हैं तो उनके ऊपर कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगती है इसको क्या प्रिजर्व करके रखना होगा बिल्कुल करना होगा डिबेंचर्स अगर इशू होते हैं आफ्टर अ सर्टन टेन वो रिडीम भी हो जाते हैं तो मान लो पांच साल के लिए दस साल के लिए उसके बाद वो रिडीम हो गए तो जब वो रिडीम हो गए हमारा रिश्ता नाता टूट गया उन डिबेंचर होल्डर्स से उनका रिकॉर्ड हम उनका भार सालों साल कब तक रख के चलेंगे राइट तो जब हमारा रिलेशन ब्रेक हो गया वहां से आठ साल पकड़ लो आठ साल तक प्रिजर्व करके रखना है एट इयर्स फ्रॉम रिडेम्पशन ताकि कोई भी मचमच -मच करे कोई भी दिक्कत आए तो हम हमारे पास रिकॉर्ड हम निकाल के चेक कर सके और क्लियर कट उसका सोल्यूशन निकाल सके आठ साल के बाद यार कोई इतने गड़े मर्द नहीं उखाड़ता है इनकम टैक्स वाले भी इतनी पीछे की स्क्रूटनी नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमको बोला कि आठ साल तक प्रिजर्व करो उसके बाद डिस्कार्ड कर दो तो पर, पर, पर पर भाई हमारे मेंबर्स हैं वो तो हमसे जिंदगी भर के लिए जुड़े हैं ना भले ही कोई मेंबर धोखा देके निकल लेते हैं कि हमने ट्रांसफर कर दिया आज से ये शेयर हमारा नहीं रहा बट अदरवाइज तो जिंदगी भर के लिए जुड़े हैं उनका रजिस्टर तो परमानेंट होता है सो दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली एंड इट इज बोथ आर गोइंग टू बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस या फिर जो पर्सन ऑथराइज किया जाता है बाय बोर्ड राइट तो आई होप क्लियर है कि हर एक तरीके की कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना है फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स ईच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ईच सिक्योरिटी डिबेंचर्स हमारे जो भी हैं ठीक है ठीके? और जो भी एंट्री इसमें हम करते हैं सेवन डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड या कमिटी जो भी हमारा केस होता है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर ट्रांसफ़र तो ये एंट्रीज क्या हो जाती हैं अपडेट हो जाती हैं हम ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में ही और इसमें क्या लिखते हैं एक छोटा सा व्यू कि पर्टिकुलर्स ऑफ़ रजिस्टर हमारे क्या होते हैं हमारे मेंबर का नाम होता है हमारे मेंबर का एड्रेस होता है पैन होता है उसकी नेशनैलिटी होती है अगर वो माइनर है तो उसका कौन गार्जियन है राइट right? कब वो मेंबर बना कब वो मेंबर डेट ऑफ सजेशन कोई गारंटी अमाउंट अगर गारंटी कंपनी वाली केस है तो वो है तो कोई और इंस्ट्रक्शन है अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन उसने दिया हुआ है तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं रिकॉर्ड यहाँ पर मेनटेन करते हैं है. ठीक है इंडेक्स के केस में मैंने आपको बता दिया है एंड देन वी मूव टू फॉरन रजिस्टर विच इज रेड विद रूल सेवन रेड विद रूल सेवन अब फॉरन रजिस्टर होता क्या है देखो कोई कंपनी हो सकती है जिसने शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स इशू किए हैं इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया तो अब अगर किसी भी कंट्री आउटसाइड इंडिया में किया है तो वहां पे भी आप एक पार्ट ऑफ रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो ठीक है अगर आपके आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन है तो तो कोई भी कंट्री आउटसाइड इंडिया जहाँ पे आपने और सिक्योरिटी uh, इशू की हुई है वहाँ पे अगर आपके आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेंटेन अ रजिस्टर देयर आल्सो इन द सेम फॉर्मैट एज प्रिंसिपल रजिस्टर पर अगर कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ भाई मेरे को फ़ॉरन रजिस्टर रखना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें और क्या आ जाती हैं जब आप फ़ॉरन रजिस्टर खोलते हो तो उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आप आर ओ सी को इंटीमेट करते हो इन एम जी टी थ्री ठीक है एंड इट में भी डिसकन्टिन्यूड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है तो हमें हम अब आजीवन वो रखना ही रखना है कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप डिसकन्टिन्यू करना चाहो तो वो फॉरन रजिस्टर को हम बंद करते हैं उसकी सारी एंट्रीज को मतलब उसको या तो प्रिंसिपल रजिस्टर जो हम इंडिया में मेनटेन करते हैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं या फिर कोई और फॉरन रजिस्टर में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ठीक तो, <coughs> uh, है तो आई थिंक ये क्लियर है फॉरन रजिस्टर हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट होता है इनफैक्ट जब भी वहाँ पे कोई भी एंट्री होती है तो उसके पंद्रह दिन के अंदर अंदर वो ट्रांसमिट की जाती है एंट्री टू द रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे एक डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है द फॉरेन रजिस्टर इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर एंड इसीलिए हर एक चीज़ जो प्रिंसिपल रजिस्टर पर एप्लीकेबल होती है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है ठीक है क्या चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है अभी हम एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम क्लोज़ करते हैं रजिस्टर तो हम एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं तो यहाँ फॉरेन रजिस्टर है भाई तो यहाँ के लॉज के हिसाब से यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट निकालना है फ़ॉरेन रजिस्टर अगर हमें बंद करना है तो हम यहाँ पे वो एडवर्टीज़मेंट नहीं निकालेंगे तो कुछ एक आध चीज़ जैसे मैंने आपको बताई ये एप्लीकेबल नहीं होती है अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ एप्लीकेबल राइट अगर आप

बट यहाँ पे जो हमारे फॉर्म्स हैं यहाँ पे फॉर्म्स में नॉमिनेशन का कॉलम रहता है तो इसमें हम नॉमिनेशन भर सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रजिस्टर ठीक है जहाँ पे भी नॉमिनेशन ऐसे भरा हुआ है पावर टू क्लोज रजिस्टर एंड दिस इज रेड विद रूल टेन कंपनी कभी भी अपना रजिस्टर बंद कर सकती है रजिस्टर बंद करने का मतलब ये है कि कंपनी ने रजिस्टर को थोड़े दिन की छुट्टियों पे भेजा है बोला है कि अभी कोई काम की बात नहीं करनी है तो कोई काम की बात अगर लेके आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि अभी रजिस्टर बंद है कल फिर आना ठीक है अब कल आना परसों आना कितने दिन तक मैम ये छुट्टी मना सकते हैं ये छुट्टी मना सकते हैं थर्टी डेज तक मतलब पूरे साल भर में थर्टी डेज के लिए बंद होगा द आंसर इज नो पूरे साल में फोर्टी फाइव डेज के लिए बंद हो सकता है बट एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम थर्टी डेज से ज्यादा के लिए बंद नहीं हो सकता है तो मतलब मैक्सिमम थर्टी डेज एट वंस एंड मैक्सिमम फोर्टी फाइव डेज इन टोटल इन एन ईयर तो ये बंद किया जा सकता है अब बंद करेंगे तो बंद करने के पहले बताना होता है तो बंद करने के पहले हम सेवन डेज की प्रायर नोटिस दे देते हैं पर अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उस केस में क्या होगा सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा उस केस में हमको एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ेगा जो फॉरन रजिस्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है तो यहां पर हमको इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कंपनी के वेबसाइट पर डालना पड़ेगा और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी कंप्लाइंस भी करना पड़ेगा ठीक है तो ये हमको करना होता है फाइन ओके okay. Next, we have beneficial ownership. Declaration in respect of beneficial interest in any share. Section 89. Okay. Member who are not holding beneficial interest in the company. Any person holding beneficial interest in the shares and any changes in the beneficial interest. matlab 1, 2, and 3. In Tino cases, may upcode. डिक्लेरेशन फाइल करना होता है किसको कंपनी को ओके okay. और कंपनी क्या करती है कंपनी एक रिटर्न फाइल करती है किसको आरओसी को ये दोनों काम थर्टी थर्टी डेज में होते हैं मतलब हमें फाइल करना है कंपनी के पास थर्टी डेज के अंदर अंदर कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना है आरओसी के पास वो भी थर्टी डेज के अंदर अंदर सवाल ये उठता है हम तो ये क्या है बेनिफिशियल ओनरशिप सेक्शन एटी और सेक्शन नाइनटी बच्चों के लिए एक पहाड़ जैसा सेक्शन बन जाता है और ये बहुत डिफिकल्ट लगता है तो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं बेनिफिशियल ओनर कौन होता है अगर अगर मेरा नाम लिखा हुआ है कंपनी के रिकॉर्ड्स में मैंने शेयर खरीदा वहां लिखा हुआ है कि ये चार शेयर शिवांगी के पास है अब इन चार शेयर पे जो वोटिंग अधिकार होता है वो मेरे को मिलता है इन चार शेयर पे जो डिविडेंड होता है वो मेरे को मिलता है इन चार शेयर पे जो राइट शेयर होते हैं बोनस शेयर्स होते हैं ट्रांसफर का अधिकार होता है सारे अधिकार मुझे मिलते हैं दैट मीन आई एम एंटाइटल्ड और आई एम बेनिफिटेड बाय दीज शेयर्स ये सो नो हाँ मैम तो क्या मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ भाई मैं ही बेनिफिशियल मैं ही रजिस्टर्ड तो इस कैटेगरी से मुझे निकाल दो तो मैं एक नॉर्मल शेयर होल्डर बेनिफिशियल ओनर हम उन लोगों को बोलते हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं पर बेनिफिट लेके जा रहे हैं कौन बंदे आ रहे हैं मतलब नाम तो किसी और का लगा हुआ है और प्रॉब्लम चीज है इन मेनी केसेस केसेज लाइक पार्टनरशिप फॉर्म केसेज लाइक भाई होली ओन्ड सब्सिडियरी है अब होली ओन सब्सिडियरी है मतलब ये कंपनी और इसके सारे के सारे शेयर्स इस कंपनी के पास होंगे तो कैसे हो सकते हैं ये एक पब्लिक कंपनी है इसके सारे शेयर्स इस कंपनी के पास कैसे हो सकते हैं कम कम तो मैम होली ओन सब्सिडियरी का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया नहीं कंसेप्ट है होली ओन सब्सिडियरी हम कैसे एक्वायर करते हैं भाई सारे के सारे शेयर्स हमारे पास एक्सेप्ट सिक्स शेयर्स छह शेयर्स हम एक एक, एक, एक एक बंदे को दे देते हैं जिनको हम नॉमिनी शेयर होल्डर कहते हैं अब उनके नाम पे पर रजिस्टर्ड ओनर पर उसका फायदा किसको मिल रहा है दूसरी कंपनी को तो ये खुद ही बताते हैं भाई हम हैं बेनिफिशियल ओनर ये रजिस्टर्ड ओनर हम बेनिफिशियल ओनर तो अगर कोई रजिस्टर्ड ओनर है जैसे ये नॉमिनी शेयर होल्डर जिनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है ये डिक्लेरेशन देंगे अगर हम हमारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है हम रजिस्टर्ड नहीं है हम डिक्लेरेशन देंगे और अगर इसमें कोई चेंज आता है तो भी हम डिक्लेरेशन देंगे ठीक है रजिस्टर्ड so, ओनर को भी डिक्लेरेशन देना होता है और बेनिफिशियल ओनर को भी डिक्लेरेशन देना होता है एम जी फोर में एम जी फाइव में एंड कंपनी जो बन जाती है रिपोर्टिंग कंपनी अब रिपोर्टिंग कंपनी क्या करती है वो नोट करती है और थर्टी डेज के अंदर अंदर वो आर ओ सी को इंटीमेट करती है ठीक है अगर चेंज होता है तो चेंज हैज ऑल्सो नीड्स टू बी रिपोर्टेड विद इन थर्टी डेज राइट पर कंपनी का जो अधिकार कंपनी को हमने बता दिया कि भाई देखो बेनिफिशियल ओनर हम हैं हमें बेनिफिट मिलना चाहिए फिर भी कंपनी अपने जो डिविडेंट है वो अपने रजिस्टर्ड ओनर को ही देते हैं बट ठीक है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी और हम चाहें कि नहीं इनको स्टॉप करो हम बेनिफिशियल ओनर है वी आर ऑलरेडी रिपोर्टेड टू तो यू तो हाँ कंपनी हमारी बात सुनेगी ठीक है पर अगर हम ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं होगा हम कोई भी अधिकार क्लेम नहीं कर पाएंगे एनफोर्स नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में वही रजिस्टर्ड ओनर है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर फाइन तो सबसे एक चीज़ मैं और बोलूंगी बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मतलब जैसे मैंने एक होलीओनस एक कंपनी ने अपने नॉमिनी शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप सिर्फ होल्ड करोगे ये शेयर्स फॉर आर ऑन आर बिहाफ ठीक है तो हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लिया कुछ भी नहीं कहा फिर भी ये अधिकार ये बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें पास ऑन हो रहा है हमारे पास अधिकार है डिविडेंड का हमारे पास अधिकार है और राइट्स का तो उसको हम बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप में बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट्स हैव दिस कि बेनिफिशियल ओनर तो हमें समझ में आया और एस बी ओ का मतलब मैम वो होता है जिनके पास दस परसेंट से ऊपर होल्डिंग होती है वो एस बी ओ जाते हैं ऐसा नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इट हैज अ डिफरेंस इनफैक्ट सेक्शन एटी नाइन से आगे जाने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज कर सकती है बाय नोटिफिकेशन एनी क्लास ऑफ पर्सन कि भाई आपको ये फाइल करने की जरूरत नहीं है राइट right? तो इन पब्लिक इंटरेस्ट दे कैन ग्रांट एग्जेपन ये एक छोटी सी बात है पेनाल्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी गवर्नमेंट कंपनी पे सेक्शन एटी अप्लाई ही नहीं करता है ठीक है तो आई थिंक आई हैव रिटर्न टूअर योर इफ नॉट नॉट एप्लीकेबल गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेप्ट कर सकती है अब आते हैं भाई एसबीओ के ऊपर एसबीओ का सबसे पहला मतलब होता है इनडायरेक्ट होल्डिंग और अगर आपने अपनी होल्डिंग के बारे में कंपनी को इंटीमेट कर दिया है तो वो डायरेक्ट होल्डिंग बन जाती है ठीक है तो सबसे पहले आप इतनी बात बहुत अच्छे से और ध्यान से समझो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी डायरेक्ट होल्डिंग होती है ऑफ से ट्वेंटी परसेंट ही इज नॉट एसबीओ हम उसको एसबीओ नहीं बोलते इनडायरेक्ट होल्डिंग होती है तब हम उसको एसबीओ बोलते हैं इनडायरेक्ट होल्डिंग होती है तब हम उसको एसबीओ बोलते हैं इनडायरेक्ट होल्डिंग है, मतलब क्या मा? मतलब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो वो कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट की हुई है अब होता क्या है लेट से मैं देखो रिविजन करा रही हूं तो मैं बहुत डेप्थ आपको चीजें नहीं लेके जा सकती हूं बट मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं ऐसा करूं कि आप पहली बार भी अगर सुनो तो आपको समझ में आए वो बातें अगर मैं कंपनी हूं ओके और मेरे रिकॉर्ड्स में मुझे चार शेयर होल्डर दिख रहे हैं चार और कंपनीज हैं ठीक है अब चार और कंपनीज के जो शेयर होल्डर हैं वो एक ही बंदे हैं जिनके पास मेजोरिटी स्टेक है अब मुझे दिख रहा है कि नहीं यार मेरी कंपनी में डाइवर्स होल्डिंग है इस कंपनी ने होल्ड किया इस कंपनी ने किया इस कंपनी ने किया इस कंपनी ने किया बट अल्टीमेटली द होल बेनिफिट इज बींग पास्ड ऑन टू दैट सिंगल इंडिविजुअल और वो इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है मेरी कंपनी को मुझे बस पता नहीं चल रहा है राइट right? तो ऐसे कंट्रोल ना जाए अचानक से और कंपनी को भी पता रहे और गवर्नमेंट को भी पता रहे इसलिए एस का कंसेप्ट आया है जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है इंडिविजुअल जो अकेले या साथ में मिलकर um, क्या कर रहा है दस परसेंट बिकॉज द प्रिस्क्राइबड इज़ टेन परसेंट ऑल दो वॉट इज रिटन इन द डेफिनेशन इट्स रिटन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी और मोर ठीक है बट और सच अदर परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब तो प्रिस्क्राइब सम हमारे पास टेन परसेंट है ठीक है तो अगर वो होल्ड करता है थ्रू पर्सन और ट्रस्ट लाइक कंपनी एल एल पी फॉर्म एच एफ जो हमारे फंड्स होते हैं कैपिटल फंड्स उनके थ्रू इन कंपनी होल्ड करता है या फिर वो एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल तो उसको हम बोलते हैं एस बी मतलब एस कौन हो गया सबसे पहली बात एसबीओ होगा एक इंडिविजुअल जो या तो खुद या फिर थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट उनके साथ मिलके क्या कर रहा है इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स होल्ड इनडायरेक्टली या फिर टुगेदर विद इन डायरेक्ट होल्डिंग्स नॉट लेस टेन परसेंट ऑफ द द वोटिंग राइट्स या फिर उसके पास अधिकार है टू पार्टिसिपेट इन नॉट 10% ऑफ द डिविडेंट या फिर वो इंफ्लुएंस uh, uh, मतलब सिग्निफिकेंट uh, इन्फ्लुएंस या कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं एस बी ओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ठीक है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ओके आई थिंक दिस इज क्लियर इसके बाद एक और डेफिनेशन यहां पर हमारी इंपॉर्टेंट होती है वो डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन है मेजोरिटी स्टेक की आपसे भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है मेजोरिटी स्टेक का मतलब होता है होल्डिंग मोर देन हाफ ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर होल्डिंग मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग राइट्स या फिर हैविंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन मोर देन हाफ ऑफ डिविडेंट मोर देन हाफ मोर देन हाफ कैपिटल इक्विडिशियर कैपिटल मोर देन हाफ वोटिंग राइट या मोर देन हाफ डिविडेंट ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंट उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स यू हैव द मेजोरिटी स्टेक ठीक है और आई चलो इतना ज्यादा मैं आगे नहीं लेके जाती हूँ इसके बाद हम पढ़ते हैं आ, डिक्लेरेशन के बारे में हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को डिक्लेरेशन फाइल करना मैंडेटरी है बेन वन हमारा फॉर्म है और विद इन थर्टी डेज आपको कंपनी को फाइल करना है ये कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है नॉन मेंटेनेंस के अलग उनके ऊपर पेनाल्टी है रजिस्टर मेंटेन होता है बेन थ्री में विच इज़ अगेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन वो रजिस्टर मेंटेन करने के बाद आप एक रिटर्न ऑफ एस फाइल करते हो किसको आर को विद इन थर्टी डेज तो ये क्या होता है पूरे की पूरी हरानगी होती है ठीक है हमारे कुछ चीज़ों पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं कौन सी चीज़ों पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं जैसे आई ई पी एफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है अब मैम वो यहाँ पे पिक्चर में कैसे आए देखो मैं सबके बारे में नहीं समझाऊंगी बट आपको एक हाथ समझा देती हूँ ताकि आपको व्यू क्लियर हो जाए आई अथॉरिटी एक कंपनी है कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू की चार बोनस शेयर्स क्लेम ही नहीं हुए पता ही नहीं है उनके कौन शेयर होल्डर्स थे अब वो अनक्लेम्ड रहेंगे तो वो कंपनी के पास वापस नहीं जा सकते वो शेयर्स चले जाते हैं वो बोनस शेयर्स वो शेयर्स आपके नहीं है वो शेयर्स आपके नहीं है फिर भी आप होल्ड कर रहे हो राइट यू मे बी एसबीओ राइट पर आपके ऊपर वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे ठीक है तो ऐसे ही होल्डिंग uh, कंपनी uh, जिसने हु विच हैज कंप्लाइड विथ सेक्शन नंबर नाइनटी और आपने सारे डिटेल्स रिपोर्ट किए आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा गवर्नमेंट के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉल कर रही है तो उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे कोई भी एंटिटी जो होली या पार्टली गवर्नड है या कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट बीच सेंट्रल गवर्नमेंट और बीच स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारे फंड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं ना जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं ये लोग भी क्या करते हैं भाई आपसे पैसे इकट्ठा करते हैं और पैसे मार्केट में लगाते हैं और उसका बेनिफिट लेके आपको पास ऑन करते हैं सो अल्टीमेटली यू आर द बेनिफिशियरी है ना तो इनके ऊपर भी ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं ठीक है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो आरबीआई एरडा द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं उनके ऊपर भी नहीं और जो मैंने आपको बताया वो भी नहीं फाइन आई होप दिस इज क्लियर इसकी जो पेनाल्टी है भाई कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है तो आपको पेनाल्टी अच्छे से याद रखनी ही रखनी है अगेन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सेक्शन नाइनटी शेल नॉट अप्लाई सो इफ आई हैव एन रिटर्न ओवर योर राइट इट ओवर योर ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी और हमारे जो एसबीओ रूल्स होते हैं वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया इसके अलावा एक और बात है क्योंकि एसबीओ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कंपनीज एक्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को दे दी उन्होंने कहा कि आप ढूंढ के निकालो यार आपके एस बी ओ कौन है आपको थोड़ा सस्पेशन हो सकता है आपको थोड़ी लग सकता है कि नहीं यार यहाँ कुछ गड़बड़ है तो आप ढूंढ के निकालो अब आप ये काम कैसे करोगे इफ़ यू हैव रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि कोई पर्सन एस बी है या किसी पर्सन को पता है कि कौन एस है या फिर वो एस था पिछले तीन साल में पर उसने कोई डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया तो ऐसी सिचुएशन में आप उस बंदे को नोटिस दो और उससे रिप्लाई मंगाओ अगर वो आपको रिप्लाई दे देता है थर्टी डेज के अंदर अंदर बहुत अच्छी बात है उस रिप्लाई को इवेल्युएट करो अगर सेटिसफैक्ट्री है तो गुड अगर नहीं सेटिसफैक्ट्री है तो भाई आगे काम करना है और अगर रिप्लाई मिला ही नहीं तब तो भाई नॉन सैटिस्फैक्ट्री है ही है तो आप इसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल को अप्लाई करो विद इन फिफ्टीन डेज और ट्रिब्यूनल ये केस सुनेंगे और पास करेंगे ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्टिंग द शर्स मतलब अब वो शर्स कहीं ना कहीं फ्रीज से हो गए आप उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो सकता है आपको उस पर कुछ बेनिफिट ना मिले तो जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेंगे उसके हिसाब से काम होगा अगर कोई पर्सन एग्रीव है तो एप्लीकेशन दे सकता है विद इन वन ईयर ऑफ ऑर्डर अगर कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी तो शर्स कहां चले जाएंगे आई अथॉरिटी के पास ठीक है चलो पोर्शन कहीं ना कहीं हमने कंप्लीट कर लिया है अब थोड़ा सा हमारा ईजी वाला पोर्शन बचता है नॉट टू डिफिकल्ट चलिए मीटिंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारी मीटिंग्स बहुत सारी तरीके की होती हैं हमारी मीटिंग्स शेयर होल्डर्स की होती हैं जिनको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं हमारी मीटिंग्स डायरेक्टर्स की होती हैं जिनको हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं हमारी कोई क्लास मीटिंग भी हो सकती है जैसे सिर्फ क्रेडिटर्स की मीटिंग है या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो उनको हम क्लास uh, मीटिंग्स भी बोलते हैं ये जो दोनों बीच के कैटेगरी के, के, के आपको दिख रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स ये सारे के सारे क्लास मीटिंग कहलाते हैं तो ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में अपने टाइप्स ऑफ मीटिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग जिसको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं एक इन लोगों की मीटिंग जिनको हम क्लास मीटिंग बोलते हैं और एक हमारी डायरेक्टर्स की मीटिंग जिसको हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं इसके अलावा कमिटी मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं उतना डिटेल हमको नहीं समझना है अब हमारी कोई भी मीटिंग हो इट शुड बी प्रॉपरली कॉल्ड इट शुड बी प्रॉपरली कन्वीन इट शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड बिफोर मीटिंग इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई नोटिस सही से गई हो ड्यूरिंग मीटिंग इट इज इंपॉर्टेंट की कोरमपुरा हो चेयरमैन हो प्रोक्सी कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता है वोटिंग कैसे होगी रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ एंड आफ्टर मीटिंग हमारा जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन विच इज मिनिट्स मेकिंग मिनिट्स ऑफ मीटिंग सेक्शन वन हंड्रेड एंड एटीन तो ये तीन फेजेस हमारे होते हैं ये तीन फेजेस आपको यहां पे दिख भी रहे होंगे राइट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर और यही सारे के सारे सेक्शंस हमको एक एक करके पढ़ने हैं उसके पहले एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं कि भाई हमारा रेजोल्यूशन क्या होता है रेजोल्यूशन हमारे जब हम जनरल मीटिंग में बात कर रहे हैं मतलब शेयर होल्डर्स के सामने कोई मैटर रखते हैं तो शेयर होल्डर्स उस मैटर को रिजोल्व करते हैं वो कैसे रिजोल्व करते हैं बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन एक बात गांठ मार लेना कि अगर हमने उनके सामने कुछ मैटर रखा और हमने कहा कि थ्री फोर्थ मेजॉरिटी चाहिए अगर मिल गई तो ये मैटर पास होगा अब फोर्थ मेजोरिटी नहीं मिली पर सिक्सटी परसेंट मेजॉरिटी मिल गई तो क्या हम बोलेंगे कि ओ आर पास हो गया एस आर पास नहीं हुआ ओ आर पास हो गया द आंसर इज बिग नो वॉट एवर रेजोल्यूशन इज पुट फॉर्थ द मेंबर्स इट इज ईदर पास्ड और लॉस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि एस आर तो पास नहीं हुआ ओ आर पास हो गया ना बेटा एसआर अगर सामने रखा गया था तो या तो एस आर पास होगा या तो एस आर विल बी लॉस्ट इफ दैट मेजोरिटी इज नॉट ऑप्टेन्ड ठीक है चल अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब होता है वोट्स इन फेवर एक्सीड द वोट्स अगेंस्ट सिंपल मेजोरिटी ठीक है जिसको हम बोलते हैं बहुत सारी जगह हमें सिर्फ ओ आर पास करवाना होता है और हमारा काम बन जाता है और बहुत सारी जगह एक्ट में लिखा हुआ है कि एस आर पास करना पड़ेगा जैसे अगर हमको नाम करना होता है चेंज तो हमको एस uh, आर पास करना होता है राइट बट इफ़ वी वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑन डायरेक्शन बाय सी जी देन ओ आर इज सफिशेंट है ना ऑल्टर uh, करना है अगर आर्टिकल्स uh, ऑल्टर करना है अगर मेमोरेंडम हर जगह हमको क्या चाहिए एस आर चाहिए एस आर का मतलब क्या होता है वोट्स इन फेवर इज नॉट लेस दैन थ्री टाइम्स ऑफ वोट्स अगेंस्ट इस तरीके से और सेम लैंग्वेज आपको याद रखनी ही रखनी है एस आर सिर्फ ऐसे पास नहीं होता है कि हमने कुछ बताया ही नहीं कि हम एस आर पास करने वाले हमने बस सामने रखा और एट्टी परसेंट मेजॉरिटी मिल गई हमने बोला एस आर पास हो गया नहीं इंटेंशन टू पास एस आर विल बी स्पेसिफाइड प्रॉपर नोटिस भेजी जाएगी वो हर केस में भेजी ही जाती है बट इंटेंशन टू प्रपोजिफ प्रपोज एस आर स्पेसिफाइड इन द नोटिस और उसके बाद अगर इतने हमको वोट मिलते हैं तब हम कहते हैं कि एस आर पास हुआ है सो so अगर आपसे स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये पूरा का पूरी चीज लिखनी पड़ेगी सिर्फ ये लिखोगे वोट्स इन फेवर और उसके बाद बोलोगे मैम नंबर नहीं मिलते हैं तो नंबर कैसे मिलेंगे जब पूरी बात आप नहीं लिखोगे तो ठीक है चलो अब हमारा पहला सेक्शन इस पूरे के पूरे मीटिंग वाले सीरीज का सेक्शन वन जीरो वन जब भी हमें जनरल मीटिंग बुलानी है प्रॉपरली अपनी जनरल मीटिंग बुलानी है तो कम से कम 21 क्लियर डेज क्लियर डेज मतलब द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड द डेट ऑफ मीटिंग शुड बी एक्सक्लूडेड बीच में प्रॉपर 21 वन डेज होने चाहिए वो हमें देना होता है अपने सारे मेंबर्स को लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर ठीक है आप राइटिंग में दीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में दीजिए या जो भी और प्रेस्क्राइब मोड है आप उसमें दीजिए पर ये देना ही देना पड़ेगा इसके साथ हमारा एक रूल जुड़ता है ठीक है अकॉर्डिंग टू रूल एटीन सेंस नोटिस ट्वेंटी वन क्लियर डेज के हम नोटिस भेजते हैं पर कुछ केसेस हमारे और आ जाते हैं कुछ केसेस हमारे और क्या आ जाते हैं अगर सेक्शन एट कंपनी है तो उसको एक बेनिफिट मिलता है कि आप सिर्फ चौदह दिन पहले भी भेजोगे तो भी चल जाएगा सो ट्वेंटी वन की जगह फोर्टीन डेज फोरटीन क्लियर डेज आ जाता है अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उनके आर्टिकल्स कुछ और प्रोवाइड कर सकते हैं और वो माना जा सकता है पर अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो सेम चीज़ें आएंगी बाकी सब केसेस में ट्वेंटी वन क्लियर डेज नोटिस होती है क्या मैम अगर हमें जनरल मीटिंग बुलानी है पर हमारे पास इतना समय नहीं बचा है तो क्या हम कम दिन के लिए भी बुला सकते हैं द आंसर इज यस बुला सकते हैं पर ऐसी सिचुएशन में हमें कंसेंट करनी पड़ेगी भाई मेंबर्स से पूछना पड़ेगा आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या आप ऐसा अलाउ करते हो मैम कितने मेंबर्स से पूछने चलेगी दो चार से पूछेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा कितने से पूछनी पड़ेगी अगर आप एजीएम की बात कर रहे थे आप एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है अगर उसकी बात कर रहे थे और वो आप दिन से कम दिन की नोटिस बुलाना चाहते हो ड्यूअल तो रिक्वायरमेंट तो तो आ जाता है अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है और अदरवाइज नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ वोटिंग पावर अगर विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो ठीक है तो ऐसी में आप शॉर्ट नोटिस दे के भी बुला सकते हो नोटिस में आपको डेट प्लेस टाइम एजेंडा प्रॉक्सी के बारे में ये सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी अभी हम धीरे धीरे इन सब पे चर्चा करेंगे किसको भेजते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अगर आपसे गलती से छूट गई कोई बात नहीं जान के छोड़ी इनवैलिड नोटिस हो जाएगी मैम हम क्यों बोलेंगे कि हमसे जान के छूटी हम तो बोलेंगे अरे गलती से छूट गई हमसे तो बट क्या होता है कई बार जब केसेस कोर्ट में चले जाते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ जाता है और फिर वहां पे आप फंस सकते हो और फिर अगर ऐसा कुछ निकलेगा तो इनवैलिड मानी जाएगी नोटिस दे विल बी पेनाल्टी दे कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है तो नॉर्मल केसेस में पकड़े नहीं जाते ऐसे ही बोला जाता है ना भाई चोर भी चोरी करता है तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो चोर थोड़ी ना कहलाता है तो द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो ठीक है तो नोटिस हम भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा भी ईमेल में जब आप भेजते हो तो ईमेल में जो बॉडी होती है उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो आप अटैच कर सकते हो आप एक लिंक दे सकते हो या यूआरएल दे सकते हो ठीक है तो इन सारी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी नोटिस भेज सकते हो फाइन सब्जेक्ट लाइन जो होती है ईमेल में उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए इनफैक्ट आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कंपनी के एजीएम की नोटिस जरूर देखी होगी नहीं देखी है तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह को बोल सकते हो वो अपने मेल में आपको जरूर दिखा सकते हैं बिकॉज इट इज सेंड टू एवरी मेम्बर अब इट इज सेंड तो ईमेल द्वारा ही अब नोटिस आती हैं अब वो फिजिकल फॉर्म में नोटिस नहीं आती हैं ठीक है थीके? तो जो ई होता है ना उसमें लिखा रहता है नेम ऑफ कंपनी नोटिस ऑफ ऑफ टाइप मीटिंग यहाँ पे है और इस दिन है तो डेट प्लेस द टाइप एंड द नेम ऑफ द कंपनी इतनी सारी चीजें हमारी सब्जेक्ट लाइन में लिखी रहती हैं नोटिस हमारी वेबसाइट पे भी जाती है एंड um, अगर मान लीजिए पोस्ट से भेजी जाती है तो हम मान लेते हैं कि फोर्टी एट आवर्स में आपके पास पहुंच गई होगी ठीक है क्यों फोर्टी एट आवर्स में पहुंच गई होगी ये इंपॉर्टेंट है मैम क्योंकि हमें ट्वेंटी डेज चाहिए टू प्लान राइट ट्वेंटी वन क्लियर डेज मतलब जब हमको नोटिस मिली ठीक है द नोटिस इज सर्फ राइट वहां उसको हटा दो प्लस द डेट ऑफ मीटिंग उसको भी हटा दो ठीक है तो उन दो दिन को हम हटाने के बाद बीच में कंप्यूट करते हैं कि क्या हमारे पास ट्वेंटी वन क्लियर डेज है या फिर नहीं है ठीक है सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी चेक राइट कौन बुला सकता है सेंस नोटिस ये तो हमने देख लिया कि हमारी जो नोटिस होती है उसमें डेट होना चाहिए टाइम होना चाहिए प्लेस होनी चाहिए क्या हम ट्रांजेक्ट करेंगे वो होना चाहिए और साथ साथ प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन के बारे में भी हम बताते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे बट कौन बुला सकता है भाई बोर्ड बुलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये नोटिस भेजते हैं कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर जनरल मीटिंग नहीं बुला सकता है ठीक है ओके हाउ एवर इट कैन बी राफाइड बाई द बोर्ड ठीक है अगर ऐसा होता है कि बिना बोर्ड की अथॉरिटी के किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर ने ये काम किया है तो इट कैन बी रेटिफाइड बाय द बोर्ड बोर्ड क्योंकि board की पावर्स में वो है ओके चलो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 102 एजेंडा या बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड क्या है मैम ये हमारे पास दो तरीके के बिजनेस होते हैं एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस एक होते हैं स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस जो है हमारा वो एनुअल जनरल मीटिंग पे होता है एंड इट ड नॉट रिक्वायर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्योंकि ये हर साल होता ही होता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करोगे आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करोगे आप ऑडिटर्स अपॉइंट करोगे ये चार मैटर्स होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अपार्ट फ्रॉम दैट सारा का सारा स्पेशल बिजनेस होता है जिसमें हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है ये स्पेशल बिजनेस ए पे भी हो सकता है ई पे भी हो सकता है ठीक है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब उसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें नेचर और कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ के एम पी ऑफ द रिलेटिवस तो अगर उनका ऐसा कुछ इंटरेस्ट है या फिर कोई भी और इंफॉर्मेशन या कोई भी और मटीरियल फैक्ट जो हमको हेल्प करता है टू टेक द डिसीजन जो भी एजेंडा हमारे सामने आया है उसके डिसीजन को आ, उसके डिसीजन को लेने में अगर हमें इन्फ्लुएंस करता है या हेल्प करता है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ठीक है अगर हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स द पर्सन आर लाइबल द के एम पी डायरेक्टर प्रोमोटर मैनेजर दे आर लाइबल टू कॉम्पनसेट दू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड ठीक है कोई भी अगर बेनिफिट उनको एक होता है बिकॉज ऑफ नॉन डिस्कलोजर और इनसफिशियंट डिस्कलोजर एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो ऐसी सिचुएशन में आपको ही काम करना पड़ता है ठीक है चलो कॉम्पनसेशन एंड पेनाल्टी फॉर इनसफिशियंट और नॉन डिस्कलोजर आगे बढ़ते हैं हम कोरम की तरफ कोरम फॉर मीटिंग सेक्शन वन जीरो थ्री नौ एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बोला गया है एस एस टू के हिसाब से कि कोरम शाल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजेक्टिंग बिजनेस कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने ही होने ही चाहिए तभी मीटिंग हो सकती है तभी वोटिंग हो सकती है तभी कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकता है अगर मीटिंग का समय हमने दिया है 11 बजे तो कम से कम 11:30 मतलब साढ़े ग्यारह बजे तक कम से कम इतने नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे तभी हम मीटिंग शुरू करेंगे नहीं तो मीटिंग दरखास्त हो जाएगी अब वो क्या होगी कैंसिल होगी पोस्टपोन होगी एडजर्न होगी क्या होगी ये हम बाद में पढ़ेंगे पर पहले पढ़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो दो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट नॉट थ्रू प्रॉक्सी पर्सनली प्रेजेंट अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में Uh, if the number of members are less than equal to 1000, if it is more than 1000 but less than equal to 5000, pandara. if it is more than 5000, totis. 30 members personally present. or such higher sum as may be prescribed by articles. आर्टिकल्स इससे लोअर कोरम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हायर कर सकते हैं मतलब एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो सकता है कि कम से कम मेंबर्स होंगे तभी कोरम वैलिड माना जाएगा तो एक्ट में लिखा है दो उनके आर्टिकल्स में लिखा है पांच तो हम उनके आर्टिकल्स या एक्ट विच एवर इज हायर को मानते हैं तो हम पांच नंबर ऑफ मेंबर्स को लेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम पांच नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तब कोरम माना जाएगा ठीक है अब दूसरी बात आती है कि क्या होगा अगर कोरम हमारा हाफ एन आवर में प्रेजेंट नहीं होता है होता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो हमारी मीटिंग एडजर्न हो जाती है सेम डे प्लेस टाइम ऑफ नेक्स्ट वीक या फिर जो भी बोर्ड डिटरमाइन करे बाय गिविंग थ्री डेज नोटिस इंडिविजुअली और थ्रू एडवर्टीजमेंट ठीक है पर अगर ये मीटिंग बुलाई गई थी रिक्विजिशनस्ट द्वारा अभी हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो अगर ये ई बुलाई गई थी रिक्विजिशनिस्ट द्वारा तो मीटिंग हमारी कैंसिल हो जाती है अगेन द होल प्रोसीजर विल स्टार्ट प्रोक्सी आर नॉट काउंटेड फॉर द कोरम एंड कोरम हैज टू बी प्रजेंट थ्रू आउट द मी मेंबर्स बहुत सारे रिमोट ई वोटिंग करते हैं फिर भी उनके पास अधिकार होता है कि वो जनरल मीटिंग में आ सकते हैं और अगर उन्होंने वोटिंग पहले कर ली है और फिर भी वो जनरल मीटिंग में आए हैं तो हम उनको कोरम की तरह काउंट करेंगे ओके, सो हु हैव वोटेड बट दे कम एंड अटेंड जनरल मीटिंग स्टिल दे विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम ठीक है तो ये कहीं आप लिख लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा राइट right, चलो आगे बढ़ते हैं चेयरमैन चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104। चेयरमैन ऑफ मीटिंग कौन करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो अपॉइंट करते हैं अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होते हैं वो ही अपने आप में से किसी एक पर्सन को इलेक्ट कर लेते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स और वो बंदा क्या बन जाता है चेयरमैन बन जाता है पर कभी ऐसा हो सकता है कि पोल डिमांड की जा सकती है कि नई चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा बाय पोल तो अगर पोल डिमांड की जाती है तो चेयरमैन की इलेक्शन की पोल तुरंत ली जाती है इट कैन नॉट बी डेफर्ड कि हाँ चलो थोड़ी देर में लेते हैं हमको तुरंत लेनी होती है और जब हम तुरंत लेते हैं तो उसके बाद ये डिसाइड होता है एंड द चेयरमैन इज़ इलेक्टेड एंड ही स्टेज एज द चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग सवाल ये उठता है कि चेयरमैन के पास क्या पावर होती है चेयरमैन क्या कर सकता है चेयरमैन पूरी मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करता है उसके पास एक कास्टिंग वोट भी होती है प्राइमर फेस ही एक अथॉरिटी होती है कि डिसाइड करना है भाई इस क्वेश्चन पे इस मैटर पे चर्चा होगी या नहीं होगी तो इम्पार्शल तरीके से चेयरमैन को पूरी की पूरी मीटिंग को कंडक्ट कराना चाहिए और एक स्पेशल कास्टिंग वोट जो उनको कन्फर की जाती है उसको बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए ठीक है जो हमारा सेक्शन 104 होता है ये हमारा प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता है ठीक है सो इट शेल नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट कंपनी अनलेस हमारे आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं तो मतलब प्राइवेट कंपनी में जो भी आपको चेयरमैन जैसे भी करना है आप ऐसे कर सकते हो नेक्स्ट काम योर सेक्शन वन जीरो फाइव विच इज प्रॉक्सी 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 का मतलब क्या होता है प्रॉक्सी तो बड़ी मारी है हमने स्कूल में स्कूल में प्रॉक्सी नहीं चलती थी कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी चलती थी इट्स जस्ट आप अटेंड नहीं कर सकते तो आप अटेंडेंस के लिए प्रॉक्सी मरवाते थे कोई और बोलता था दादा हाँ प्रेजेंट ये वो ऐसे बोल दिया और हो गया हमारा अटेंडेंस लग रहा है ठीक है यहाँ पे अटेंडेंस वाली बात नहीं है यहाँ पर यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग बट यू वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग इन द मीटिंग अब प्रॉसी का कंसेप्ट धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ टर्निंग आउट टी ऑनलाइन एंड विच इज वरी कन्वीनियंट तो आप कहीं से भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो आप कहीं से भी वोट कर सकते हो ठीक है तो प्रॉक्सी होता है कंसेप्ट और होता था कंसेप्ट पहले बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता था तो प्रॉक्सी मतलब किसी और बंदे को आप अपने बिहाफ पे भेज रहे हो पर आप किसी और बंदे को भेज रहे हो तो वो सारा काम वो नहीं कर सकता है जो आप कर सकते थे तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होती हैं ठीक है कंपनी जब मीटिंग की नोटिस भेजता है तो उसमें स्पेसिफाई करता है एज आई टोल्ड यू कि आपके पास अधिकार है कि आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हो जो वोट कर सकेगा बट ओनली ऑन उन पोल नॉट ऑन शो ऑफ हैंड्स जब पोल पे वोटिंग होगी तो उस प्रॉक्सी के पास भी अधिकार होगा कि वो वोट कर सकता है प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर वो कोई भी नॉर्मल बंदा हो सकता है ठीक है तो ये नोटिस के साथ मेंबर के पास जाता है अब मेंबर क्या करेगा इसके बाद मेंबर अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को एज प्रॉक्सी अगर वो खुद नहीं जा पा रहा है तो कैसे प्रॉक्सी फॉर्म होता है जो आपको मिलता है उसको आपको डिपॉजिट करना होता है कंपनी के पास प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट एमसीटी इलेवन कब आ, करना होता है एटलीस्ट फोर्टी एट आवर्स बिफोर द मीटिंग टू द कंपनी मान लो आपने चार दिन पहले एक प्रॉक्सी फॉर्म भेजा उसके बाद आपका विश्वास उठ गया उस बंदे से तो आपने तीन दिन चार दिन पहले भेजा था फिर तीन दिन पहले आपने दूसरा प्रॉक्सी फॉर्म भेज दिया तो जो तीन दिन पहले भेजा था दैट प्रॉक्सी फॉर्म विल बी वैलिड पर आपने एक दिन पहले एक तीसरा प्रॉक्सी फॉर्म भेज दिया दैट विल नॉट बी वैलिड क्यों क्योंकि वो आवर्स के अंदर अंदर भेजा गया है एटलीस्ट फोर्टी एट आवर्स से पहले भेजना होता है तो जो तीन दिन पहले भेजा वो फोर्टी एट आवर्स से ज्यादा टाइम पे भेजा जो चार दिन पहले भेजा वो और ज्यादा टाइम पे भेजा तो वो दोनों वैलिड हुए द लेटेस्ट वन विल बी कंसीडर्ड ठीक है ये जो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट होता है ये कोई भी मेंबर तीन दिन की नोटिस देके कि हमको प्रॉक्सी फॉर्म इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट क्या करना है इंस्पेक्ट करना है कर सकते हो आप बिफ़ोर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ मीटिंग फोर्टी एट आवर्स के बाद मतलब फोर्टी एट आवर्स से पहले जो हमें मिल गए वही वैलिड होंगे ना उसके बाद तो वैलिड ही नहीं होते उसके बाद प्रॉक्सी फॉर्म आई गई नहीं और यहाँ पे आप बिफ़ोर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ मीटिंग आप इंस्पेक्ट कर सकते हो ठीक है तो आपने कंपनी को प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट भेजा कंपनी ने उसको रिकॉर्ड में ले लिया आप रिवोक करना चाहो आप कर सकते हो अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया है तो आप आके अटेंड कर सकते हो मीटिंग अगर प्रॉक्सी ने वोट नहीं किया तो आप मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो और वोट भी कर सकते हो ठीक है एंड नो अदर एक्शन फ्रॉम मेंबर प्रॉक्सी विल अटेंड अगर आप कुछ नहीं करते तो प्रॉक्सी अटेंड करेगा क्योंकि आपने प्रॉक्सी को ऑथराइज किया है कि भाई मेरे बिहाफ पे जाओ और मीटिंग को अटेंड करो तो वो अटेंड करेगा अगर आपने सेकंड प्रॉक्सी फॉर्म भेज दिया तो क्या होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रॉक्सी के अधिकार रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है मीटिंग में बोलने का वो शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकता वो कोरम के लिए काउंट नहीं हो सकता वो वोट करता है ऑन पोल एक पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है ऑफ नॉट मोर देन फिफ्टी मेंबर्स एंड होल्डिंग नॉट मोर देसेंट ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग नहीं बन सकता क्यों क्योंकि ऑलरेडी वो होल्ड कर रहा है ठीक है तो अगर सिंगल मेंबर है तो तो वो बनेगा ही बनेगा ठीक है हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि आधे बंदे को हम प्रॉक्सी बनाएंगे आधे बंदे को काट दो नहीं ठीक है ओके आई होप दिस इज क्लियर वंस अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर भाई हम सिर्फ चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं अगर आप पहली बार सोचोगे कि आप पढ़ो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा ठीक है बिकॉज दिस इज रिविजन एंड दैट टू अ क्विक रिविजन ठीक है बट जिसने भी मेरा रिविजन कभी पहले देखा है या मुझसे पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से ये पता होगा दैट आई डोंट वेस्ट टाइम अगर ये रिविजन आपको एक घंटे का कोई भी रिविजन दिखता है तो वो एक घंटा इफेक्टिव रिविजन होता है इक्वल एन टू थ्री टाइम समझ लो तीन घंटे के रिविजन पे मैं एक घंटे में आपका काम करती हूँ करा देती हूँ ठीक है तो रिविजन विल बी इफेक्टिव बट देन पढ़ना तो पड़ेगा ही पढ़ के ही रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करके नहीं पढ़ सकते ठीक है बट कभी कभी क्विक आइडिया लेने के लिए यू कैन डू द अदर वे राउंड ऑल्सो चलो वोटिंग एक सेक्शन है हमारा जो रिस्ट्रिक्ट करता है कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स को भी सेक्शन वन सिक्स कुछ कुछ वोटिंग के बारे में भी बात करता है मेंबर या प्रॉक्सी अपने वोट्स को डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं ऑन पोल मतलब मे बी मेरे पास वन शेयर होल्डर सॉरी वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट इफ आई हैव टेन शेयर्स मे बी आई हैव टेन वोट्स और मेरे पास दस वोट हैं पांच वोट्स को मैं एक तरीके से किसी उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ पांच वोट्स को मैं दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ दैट इज़ माई चॉइस ठीक है हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपको सारे वोट्स अपने एक ही तरीके से एक्सरसाइज करने हैं मैं एक्सरसाइज कैसे भी कर सकती हूँ वोटिंग राइट्स कभी भी आपकी रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती है सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है जिसमें रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है अगर आपने पैसा कंपनी को नहीं दिया कंपनी कॉल मनी मांग रही है आपने नहीं दिया है तो ऐसी सिचुएशन में आपको डी बार किया जा सकता है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग योर वोटिंग राइट्स नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड ठीक है वोटिंग कैसे हो सकती है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होती है बाय पोल होती है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होती है बाय पोस्टल बैलेट होती है एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे जो मैं ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ जॉइंट होल्डर्स के केस में मैम वोटिंग कैसे होती है ठीक है जॉइंट होल्डर्स के केस में मतलब दो लोग हैं और दोनों जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं शेयर्स तो किसके पास वोटिंग अधिकार होगा तो ऐसी सिचुएशन में ना जो जॉइंट होल्डर्स होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि आप कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दो कि हमारे नेम्स ऐसे अपेयर होने चाहिए ये फर्स्ट नेम ये सेकंड नेम जैसे हम बैंक अकाउंट खोलते हैं ना बैंक अकाउंट में भी हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम करते हैं तो जिसका नाम पहले लिखा होता है उसी के पास ये ऑप्शन होता है इफ बोथ आर अटेंडिंग अगर ऐसा है तो भाई जो दूसरा बंदा अटेंड कर रहा है उसके पास आ जाएगी चीजें ठीक है तो यू हैव द चॉइस यू हैव द ऑप्शन कि आप कंपनी को इंस्ट्रक्शन दो और उसी के हिसाब से फिर आपके पास वोटिंग के अधिकार भी आ जाएंगे राइट ज्वाइंट होल्डर्स आप मिलके ही वोट करते हो बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जिसका नाम पहले उसका हक पहले राइट right. चलो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में तो खैर कुछ रहता ही नहीं है अनलेस पोल डिमांड की जाएगी वोटिंग हमारी क्या होती है इन द फर्स्ट इंस्टेंस शो बाय हैंड्स ही होती है दूसरी चीज हमारी आती है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उससे पहले वोटिंग कैन बी आउट इलेक्ट्रॉनिकली उससे पहले हम पढ़ते हैं वोटिंग एंड कम बैक टू सेक्शन वन जीरो अगर चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए पोल डिमांड की गई है तो वो पोल तुरंत ली जाती है अदरवाइज डेफर होती है अभी हम धीरे धीरे चीजों को समझते हैं चेयरमैन अपनी खुद की मर्जी से या जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं अगर वो डिमांड करते हैं कि नहीं पोल होना चाहिए तो चेयरमैन क्या करेंगे पोल का प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे मैम कौन पोल डिमांड कर सकता है प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल होता है उसमें कम से कम आप वन या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हो या पांच लाख या सा हाई प्रिस्क्राइब वो पेड अप कैपिटल होल्ड करते हो तो आपके पास अधिकार है कि आप डिमांड कर सकते हो डिमांड कर सकते हो पोल मतलब कोई एक मैटर उठा शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है हमें लगता है भाई हमारे पास तो इतने सारे शेयर्स हैं तो हमारी बात का वेटेज ज्यादा होना चाहिए इसके पास तो दो शेयर लेके बैठे हैं और एक वोट पूरा पूरा कर रहा है हमारे पास दो सौ शेयर है तो हमें पोल चाहिए पोल में क्या होता है यू गेट द वोटिंग राइट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रपोशन ठीक है तो हम पोल डिमांड करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर इतना अधिकार इतना है या फिर विदाउट शेयर कैपिटल के केस में सो इफ यू आर होल्डिंग वन टेंथ और मोर वोटिंग पार देन यू गेट द राइट टू डिमांड पोल तो आप डिमांड कर सकते हो पोल या चेयरमैन को अगर लगता है कि फेयर डिसीजन नहीं हुआ है तो वो पोल्स सीओ मोटो भी आ, कर सकते हैं ठीक है ये पोल कब डिमांड की जा सकती है बिफोर या आफ्टर रिजल्ट मतलब शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट आ गया या उसके पहले दोनों केसेस में हम डिमांड uh, कर सकते हैं पोल नाउ देयर आर टू केसेस केस नंबर वन पोल डिमांड की गई है चेयरमैन इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड्स हुआ पीपल वर नॉट सेफाइड दे डिमांडेड पोल अब अगर सोचो हम बोले नहीं चलो अभी पोल नहीं थोड़ी देर बाद पोल करते हैं क्योंकि पोलिंग पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे तो दो चार मैटर जो भी हमको डिस्कस करने कर लेते हैं लास्ट में हम पोल करेंगे ठीक है अगर हम ऐसा सोचे तो भाई कौन मीटिंग कंडक्ट कराएगा तो चेयरमैन के मैटर पे अगर पोल करनी होती है तो तुरंत करनी पड़ती है वैसे ही अगर एडजर्न करनी है मीटिंग तो अभी नहीं बोल सकते ना अच्छा चलो चार घंटे बाद इसकी पोल करेंगे अरे मीटिंग एडजर्न करनी है तुरंत पोल करो और मैटर को खत्म करो तो इन दो मैटर्स पे पोल तुरंत करनी पड़ती है अदरवाइज पोल आप करा सकते हो विद इन फोर्टी एट आवर्स ठीक है स्क्रूटेनाइजर अपॉइंट होता है उसको हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो पोलिंग पेपर्स अरेंज करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बाद उसको लॉक एंड सील इन एम्प्टी बॉक्स उसको काउंट करते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनती है कि वोट्स कितने कास्ट हुए कितने वैलिड वोट थे कितने इन फेवर थे और उसके बाद वो सबमिट की जाती है चेयरमैन को सात दिन के अंदर अंदर जो उसको काउंटर साइन करता है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करता है ठीक है तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर है द प्रोसीजर इज क्वाइट लॉन्ग बट इसको मैंने समराइज तरीके से आपको बताया है ठीक है इसके बाद आता है हमारा वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब सेक्शन वन एट कहीं ना कहीं इसके साथ हमारा रूल ट्वेंटी एसोसिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोटिंग का मतलब क्या होता है ई uh, वोटिंग e अब ई e वोटिंग में भी देखो दो चीज़ें आती हैं एक आती है रिमोट ई वोटिंग और एक आती है ई e वोटिंग ई वोटिंग ए जनरल मीटिंग रिमोट ई वोटिंग मतलब आप घर बैठे इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर रहे हो और ई वोटिंग ए जनरल मीटिंग मतलब आप मीटिंग में गए हो पर आप फिजिकली वोट नहीं कर रहे हो वहाँ पे आप ई e वोटिंग ही दे रहे हो ठीक है तो ये दो अलग अलग चीज़ें हमारी होती हैं ठीक है नाउ अगर लिस्टेड कंपनी है या कंपनी है विद थाउजेंड और मोर मेंबर्स तो उनके केस में भाई आपको ई वोटिंग का ऑप्शन देना ज़रूरी हो जाता है आपकी नोटिस ऑफ मीटिंग में लिखा होगा अबाउट ई वोटिंग कि क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो आप कर सकते हो वोट मीटिंग में भी अगर आपने वोट कर लिया है तो आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो और वोटिंग का प्रोसीजर क्या है मतलब लॉग इन क्या होगी पासवर्ड क्या होगा कब आप वोट कर सकते हो द डेट एंड टाइम ऑफ रिमोट ई वोटिंग सारी चीज़ें आप मेंशन कहाँ करते हो आप अपनी नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ ये सारी चीज़ें भी मेंशन करते हो कौन मेंशन करता है ये दो तरीके की कंपनीज इनके लिए मैंडेटरी है कि भई आपको ये ऑप्शन देना ही देना पड़ेगा ठीक है न इशू एडवर्टीजमेंट एटलीस्ट ट्वेंटी 21 डेज़ बिफोर मीटिंग विथ प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स रिमोट ई वोटिंग कम से कम हमारी तीन दिन के लिए खुली होती है और जिस दिन हमारी मीटिंग होती है उसके एक दिन पहले ठीक है पाँच बजे शाम को बंद हो जाती है उसके बाद ई रिमोट ई वोटिंग नहीं होगी उसके बाद मीटिंग होती है वहां पे डिस्कशन होता है जिन लोगों ने ऑलरेडी वोट कर दिया है वो भी अटेंड कर सकते हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है वो यहाँ आके वोट कर सकते हैं एंड इस सिचुएशन में भी उसके बाद क्या होता है वोट स्क्रूटेनाइजर अपॉइंट करता है जो वोट्स काउंट करते हैं रजिस्टर मेंटेन करते हैं तीन दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देते हैं और चेयरमैन उसको कंसिडर करता है अप्रूव करता है और इसका रिजल्ट डिक्लेयर करता है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक वीन्स इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट जनरल मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ठीक है तो ये दोनों चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट होती हैं रिमोट ई वोटिंग का मतलब बस यही है कि जो हमारा जनरल मीटिंग का वेन्यू है उससे अलग हट के किसी प्लेस पे आप ई वोटिंग कर रहे हो ई वोटिंग हमारा एक सिक्योर्ड सिस्टम होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स होते हैं यहां जैसे पोस्टल बैलेट्स होते थे ना वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स होते हैं और वहां पे सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं इनफैक्ट यू शुड ट्राई दिस एक्सपीरियंस इफ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी तो आपको जरूर करनी चाहिए क्योंकि हमारी क्या होती है पूरी पूरी इलेक्ट्रॉ सेंट्रलाइज सर्वर समझ लो होता है और हर तरीके से हर जगह से वो इनपुट्स इकट्ठा करते हैं ठीक है ओके नाउ वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट अब बैलेट है बट इट इज बीइंग पोस्टेड तो देखो पोस्टल बैलेट आपको नहीं लगता अगर रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी हमने दे दी तो पोस्टल बैलेट की जरूरत क्या है क्योंकि रिमोट ई वोटिंग भी तो यही कर रहा है ना कि घर बैठे आप वोट कर पाओ और पोस्टल ई बैलेट पोस्टल बैलेट का भी पर्पस यही था कि घर बैठे लोग अपने वोट दर्ज कर पाए तो कंपनी अगर वॉन्ट्स टू तो ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस या जहां पे डायरेक्टर और ऑडिटर ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब जो चार बिजनेस मैंने आपको बताया जहां पे भी डायरेक्टर और ऑडिटर का अधिकार होता है कि उनको सुनने का मौका मिले वहां के केस में आप कोई भी बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हमारे रूल ट्वेंटी टू में कुछ मैटर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जहाँ पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है और बाकी केसेस में ऑप्शनल है ठीक है तो हर केस में पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं होता है कुछ केसेस में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी हो जाता है और बाकी जो लेफ्ट ओवर केसेस होते हैं वहां पे हमारे क्या होते हैं पोस्टल बैलेट ऑप्शनल होता है ठीक है अब हमारे रूल ट्वेंटी टू में सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से पोस्टल बैलेट का पूरा का पूरा, पूरा प्रोसीजर कैलकुलेट um, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर कैरी आउट होगा बट अगर मैंडेटरी है और आप रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हो देन दैट इज सफिशियंट कंप्लायंस प्रोसीजर क्या है भाई कंपनी नोटिस भेजती है अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को कैसे नोटिस भेजती है रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या कोरियर के थ्रू एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन होता है रीजन रिक्वेस्ट टू सेंड एसेंट टू डिसेंट विद इन थर्टी डेज सब चीज़ बोल दी गई भेज दिया गया और आपके पास अलग अलग तरीके के जैसे बैलेट हैं मतलब एसेंट डिसेंट अब उसके बाद वो आप भेजते हो तो वो बैलेंस हमारे हो जाते हैं अच्छा इतनी हमें असेंट मिली इतनी हमें डिसेंट मिली उसके बाद वो हम कंप्यूट करते हैं ठीक है तो हमारे चार तरीके के बेसिकली बैलेंस होते हैं एक बैलेंस जो एसेंट है एक बैलेंस जो डिसेंट है एक बैलेंस जो पार्शली असेंट कर रहे हैं पार्शली डिसेंट कर रहे हैं मतलब अपने शेयर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं और बाकी इन वैलिड बैलेट्स मतलब जहाँ पे जो जिनको हम वैलिड दर्ज नहीं कर रहे हैं मे बी बिकॉज उन्होंने कोई ओवर की है या मे बी बिकॉज उन्होंने कुछ वोट ही नहीं किया है सो दे आर इन वैलिड बैलेट्स राइट तो चार तरीके के हमको बैलेट्स मिलते हैं थर्टी uh, डेज के अंदर अंदर ये भेजने होते हैं और उसके बेसिस पे क्या होता है रिजल्ट हमारा फाइनली बाहर आता है आपने नोटिस भेजी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पाँच दिन पहले वर्नाक्यूलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में बता दिया अपनी वेबसाइट पे भी डाला उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रूटेनाइजर अपॉइंट करते हैं जो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं दे रिसीव पोस्टल बैलेट एंड कीप द इन सेफ कस्टडी वो चार तरीके के बैलेट्स में उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं उसको कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या उनका फाइनली रिजल्ट आया है रिपोर्ट बनाते हैं और चेयरमैन को सबमिट करते हैं चेयरमैन उसको कंसिडर करता है प्रूव करता है और साइन करता है द रिजल्ट इज प्लेसड ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी विथ स्क्रूटनाइज रिपोर्ट एंड रिजोल्यूशन इज डीम टू बी पास एट जनरल मीटिंग फाइन जो हमारी वन परसेंट कंपनी है और कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू टू हंड्रेड मतलब प्राइवेट कंपनीज उनको कुछ भी मैटर को पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है ओके okay? मैम कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी होता है अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है अगर आपको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके प्राइवेट कंपनी बनानी है मतलब पब्लिक टू प्राइवेट आप बनाना चाह रहे हो अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी से बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वेरी करना चाहते हो जब आपने प्रोस्पेक्ट के थ्रू पैसे उठाए हुए हैं अगर आप शेयर्स इशू करना चाहते हो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी करना चाहते हो अगर आप बाईबैक करना चाहते हो अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को इलेक्ट uh, करना चाहते हो अगर आप अपनी अंडरटेकिंग सेल करना चाहते हो या लीज एक्सटेंड करना चाहते हो तो इन सारे केसेस में क्या होता है पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी बट नॉट केस ऑफ वन पर्सन कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी ठीक है चलो आगे बढ़े अब है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को एक्सेप्ट कंपनी वन परसेंट कंपनी में एक सोल मेंबर होता है वो खुद से कैसे मिलेगा ये सोचो तो वो मिलेगा नहीं ठीक है बाकी सारी कंपनीज को क्या होता है एक साल में एनुअल जनरल मीटिंग आपके लिए मैंडेटरी होती है करनी ही करनी है अगर फेल करेंगे तो हमारे दो सेक्शन अट्रैक्ट से होते हैं 97 और नाइन्टी थोड़ी देर में देखते हैं कहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ठीक है कहीं और भी कर सकते हैं अगर लिस्टेड हैं तो वहीं करनी पड़ेगी उसी सिटी में जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है अगर अनलिस्टेड हैं तो इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं अगर सारे मेंबर्स से आप कंसेंट इन एडवांस ले लो तो अदर दैन नेशनल हॉलिडे नौ से 6 बजे के बीच में ठीक है अगर आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके नाइन मंथ्स के अंदर अंदर मतलब इफ योर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री देन यू कैन डू योर एनुअल जनरल मीटिंग बाय थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है इट इज ओनली फॉर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ठीक है कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई फर्स्ट जनवरी 2022 को तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड देर आफ्टर विल गेट अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ्स टू होल्ड दी एजीएम तो बड़ा लंबा समय मिला है अपनी सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने का पर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के केस में आर के पास कोई पावर नहीं होती है एक्सटेंशन ग्रांट करने की हाउ एवर सेकेंड या सब्सिक्वेंट एजीएम जो हमारी होती है वहां पे टाइम पीरियड कम दिया है पर आर को पावर दी है कि अप टू थ्री मंथ्स का वो मैक्सिमम एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं तो विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको मीटिंग करनी है तीन चीजें हैं एक्चुअली तीनों को मिला के आपको केस फॉल कराना होता है

कोई आप ए नहीं करते हो तो कोई भी मेंबर एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को एंड uh, जो कंपनी को डायरेक्शन देंगे कि आप ए करिए एंड मे ऑल्सो गिव सच डायरेक्शन एज दे डीम फिट अगर फिर भी नहीं करते हैं तो पेनाल्टी है अंडर सेक्शन नाइन्टी नाइन राइट एनुअल जनरल मीटिंग की एक रिपोर्ट भी बनानी होती है सेक्शन वन ट्वेंटी वन हर लिस्टेड कंपनी को ये रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं डेट टाइम प्लेस चेयरमैन कौन था कोरम मेंबर्स प्रेजेंट कंप्लाइंस टू एडजर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्टेड और अदर मैटर्स इन एम जी और थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए आपको क्या करना होता है इसको आर को सबमिट करना होता है अगर नहीं किया तो पेनल्टी लगती है ठीक है इसके बाद आती है हमारी ई सेक्शन हंड्रेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब इट इज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स नॉट द रूटीन मैटर्स और द ऑर्डिनरी बिजनेस जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट करते हैं उनके लिए नहीं है ये स्पेशल टाइप ऑफ मैटर्स के लिए है ये स्पेशल टाइप ऑफ मैटर्स ऑब्वियसली कभी भी अकर कर सकते हैं कभी भी आ सकते हैं तो बोर्ड कभी भी चाहे तो वो क्या कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं ठीक है बोर्ड कभी भी बुला सकता है इट डीम्स फिट बुला सकते हैं एट एनी प्लेस इन इंडिया ठीक है एट एनी प्लेस इन इंडिया हाँ अगर हमारी कोई होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो बात अलग है बट अदरवाइज इट विल बी हेल्ड इन इंडिया ओनली एंड इट कैन बी हेल्ड इवन ऑन संडे ठीक है अब कई बार मेंबर्स मिलना चाहते हैं मेंबर्स चाहते हैं कि नहीं हमें यह मैटर डिस्कस करना है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है द मेंबर्स वॉन्ट टू मीट तो भाई मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं रिक्विजिशनिस्ट वो क्या कर सकते हैं वो बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं वो बोर्ड को एक वैलिड रिक्विजिशन देते हैं बोर्ड को वैलिड रिक्विजिशन देने का मतलब क्या है अगर आपके पास एटलीस्ट वन टेंथ पेड अप कैपिटल है ठीक है दैट इज द राइट ऑफ वोटिंग तो आप क्या कर सकते हो बोर्ड um, को रिक्वेजिशन भेज सकते हो ठीक है अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट वन टेंथ ऑफ टोटल वोटिंग पार ठीक है अगर आपके पास ऐसा है तो आप बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हो और बोर्ड को ट्वेंटी वन डेज के अंदर अंदर दे शुड प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग ऑन अ डे विच इज़ नॉट लेटर देन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्वेजिशन <coughs> मतलब आपका रिक्विजिशन मिला उसकी 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग की डेट हो जानी चाहिए आपका रिक्विजिशन मिला उसके 21 डेज के अंदर अंदर उनको दे शुड प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग मतलब नोटिस वोटिस भेज देनी चाहिए ठीक है तो ये दो टाइम लिमिट्स हमको दी हुई है 21 डेज और 45 डेज की जिसको हमें ध्यान में रखना होता है पर अगर वो 21 डेज के अंदर अंदर दे डू नॉट प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में रिक्विजिशनिस्ट खुद तीन महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन वो क्या कर सकते हैं मीटिंग को बुला सकते हैं ठीक है सो दे देमसेल्व्स कैन कॉल द मीटिंग पर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और सिटी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस तो उनको वहीं बुलानी है एक्सेप्ट एक्सेप्ट संडे ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में आप संडे को मीटिंग नहीं बुला सकते हो आई होप दिस इज क्लियर वी ऑल्सो हैव रूल सेवनटीन जहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हमें कन्वीन करनी होती है नोटिस भेजनी होती है नोटिस हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हैं एटलीस्ट ट्वेंटी वन प्राय डेज भेजते हैं जो नोटिस के हमारे सेक्शन से एकदम मैच करता है सेक्शन वन ज़ीरो वन से राइट दैट ऑज दैट वाज फॉर जनरल मीटिंग्स ओनली नोटिस में हमारा प्लेस डेट टाइम आर मीटिंग सब चीज़ें दी हुई होती हैं अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो ये चीज़ हम स्पेसिफाई करेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल बी एनेक्स्ड एंड ये सारी चीज़ें तो हमारी होती ही होती हैं अगर अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो वो खुद या फिर उनको कोई मेंबर या डायरेक्टर अगर एप्लीकेशन देते हैं तो अम, ट्रिब्यूनल क्या करते हैं डायरेक्शन देते हैं एंड वेयर इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकेबल टू कंडक्ट ए जी एम तो वहाँ पर वो वो डायरेक्शन देते हैं जो उनको ठीक लगता है ये एलिजिबल रिक्विजिशनिस्ट की वो टाइम लिमिट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ठीक है अब रिक्विजिशनिस्ट खुद जब मीटिंग बुलाते हैं तो उन कंपनी इज लाइबल टू प्रोवाइड देम द लिस्ट ऑफ मेम्बर्स एंड सेंट नोटस होल्डी जी एम और जो भी खर्चे होते हैं भाई वो आप कंपनी से ही लेते हो ऐसा नहीं है कि आपको वो खर्चे बियर करने पड़ेंगे you are calling the meeting, नहीं, जो defaulting directors होते हैं, वो reimburse करते हैं वो करते को. आप से ही वो खर्चे लेते हो बट यहां पे आप मीटिंग जो बुलाते हो वो आप नेशनल हॉलिडे को नहीं बुला सकते हो वाइन आई होप दिस इज क्लियर चल इसके बाद सर्कुलेशन ऑफ मेंस रेजोल्यूशन एलिजिबल मेम्बर्स अंडर सेक्शन हंड्रेड एलिजिबल मेम्बर्स अंडर सेक्शन हंड्रेड का क्या मतलब है मैम अंडर सेक्शन हंड्रेड मतलब जो हमने रिक्विजिशनिस्ट के बारे में देखा जिनके पास एटलीस्ट वन टेंथ शेयर कैपिटल है या फिर वन टेंथ वोटिंग पावर है हम उन एलिजिबल मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं वॉट दे कैन डू इज़ दे मे प्रिपेयर विथ साइन एंड सम एंड डिपोजिट एनी स्टेटमेंट एट लीस्ट टू वीक्स बिफोर मीटिंग या फिर एनी रेजोल्यूशन एटलीस्ट सिक्स वीक्स बिफोर मीटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कंपनी शेल बी बाउंड टू सर्कुलेट दिस टू मेंबर्स कंपनी की ड्यूटी रहेगी कि वो मेंबर्स को सर्कुलेट करे ही करे हाँ अगर उनको लगता है कि वो डिफॉर्मेट्री है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट Uh, ये डायरेक्शन दे देगी कि आपको सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है देन दे विल नॉट सर्कुलेट अदरवाइज कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगती है आपको सर्कुलेट ये करना ही करना होता है सो दिस इज अ सेक्शन की सेक्शन 111 मेंबर्स चाहे तो अपना रेजोल्यूशन <coughs> क्या करवा सकते हैं सर्कुलेट करवा सकते हैं वॉट दे वॉन्ट टू डील विद राइट चलो आगे बढ़ते हैं आई एक छोटी सी बात में रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन क्योंकि मैं इतना बोल रही हूँ तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ देखो यहाँ पे तो क्या है हमेशा हमने यही देखा कि बोर्ड क्या करता है एजेंडा सेटअप करता है बोर्ड जब मीटिंग बुलाता है तो नोटिस में लिख देता है ये एजेंडा हम डिस्कस करने वाले हैं पर कई बार ऐसा हो सकता है ना कि मेंबर्स को कुछ एजेंडा डिस्कस करना है तो मेंबर्स खुद चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन हमें प्रपोज करना है तो भाई मीटिंग होने वाली है उसके छः हफ्ते पहले पहले कम से कम आप रेजोल्यूशन प्रपोज़ करिए या कोई भी स्टेटमेंट है अगर जो आपको सर्कुलेट करनी है तो एटलीस्ट दो हफ्ते पहले, पहले पहले आप करो तो क्या होगा इनकी कॉपीज़ जो है वो सब तक पहुंच जाएंगी ठीक है एंड Uh, अगर डिफॉर्मेट्री होगा तो उस केस में वो नहीं जाएगी अदरवाइज इट विल गो टू ऑल द मेंबर्स राइट तो एक हमारा एक्सेप्शन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर कर देती है तो नहीं किया जाता है राइट एंड बट 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 इसके पहले मुझे आपको एक चीज और बतानी है एक चीज़ और क्या बतानी है कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई मोशन और रेजोल्यूशन में डिफरेंस क्या है ठीक है मोशन एक प्रपोजल होता है और रेजोल्यूशन अडॉप्शन ऑफ मोशन होता है ठीक है मोशन इज अ प्रपोजल मोशन हो सकता है पास हो ना हो एंड uh, जो रेजोल्यूशन होता है वो हम बोलते हैं कि ये पास हुआ है ठीक है तो जितने भी मैटर्स उठते हैं वो मोशन होते हैं ठीक है एंड uh, हर मोशन जरूरी नहीं है कि इट इज फॉलोड बाय अ रेजोल्यूशन आई आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया कि हाँ मोशन और रेजोल्यूशन में डिफ्रेंस है राइट right? वो मोशन जिसको प्रॉपर वोट्स मिल जाते हैं जो भी जरूरी है मतलब मेजोरिटी वोट्स इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड थ्री फोर्थ मेजोरिटी इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन तब हम उसको बोलते हैं कि इट हैज़ बिकम अ रेजोल्यूशन राइट तो रेजोल्यूशन क्या होता है कंपनी का फॉर्मल डिसीजन होता है और मोशन क्या होता है सिर्फ एक प्रपोजल होता है So, उस बात को ध्यान रखना है हम कहीं पे भी एक्ट में मोशन की बात नहीं करते हैं हम हर जगह रेजोल्यूशन की ही बात करते हैं तो रेजोल्यूशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है राइट वी हैव सेक्शन वन हंड्रेड एंड सेवनटीन ऑल्सो जहाँ पे हम फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें सारे स्पेशल रेजोल्यूशन आर के साथ फाइल करने होते हैं विद इन थर्टी डेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन सेक्शन वन हंड्रेड एंड सेवनटीन हमको ये बोलता है इसके साथ साथ हमारी कुछ और मैटर्स भी होते हैं वो भी हमको फाइल करने होते हैं विद आर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं Section 115 Resolutions requiring special notice. Agar. मेंबर्स चाहते हैं कि भाई हम किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं रिटायरिंग ऑडिटर की प्लेस में या फिर हम इनको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं या हम किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं बिफोर देयर टर्म या हम उनकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं मतलब आप बड़ा ख़तरनाक वाला काम कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले ही अपना इरादा इंटेंशन बताना पड़ेगा किसको बताना पड़ेगा कंपनी को बताना पड़ेगा कब बताना पड़ेगा एटलीस्ट फोर्टीन डेज़ बिफोर जनरल मीटिंग ठीक है नॉट अर्लियर देन थ्री मंथ्स मतलब बहुत पहले भी नहीं ठीक है तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन ये कर सकता है इफ आर होल्डिंग एटलीस्ट वन परसेंट वोटिंग पावर और फाइव लाख शेयर कैपिटल ठीक है तो आप ये कंपनी को बताओगे कंपनी नोटिस देता है एटलीस्ट सेवन डेज़ बिफोर जनरल मीटिंग टू ऑल द मेम्बर्स अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो वो न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर देते हैं तो ये स्पेशल नोटिस का केस है जब हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर के बारे में भी पढ़ते हैं तो सेक्शन वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन का जिक्र आता है और वहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे मैटर्स हैं देर आर समज़ोल्यूशन सेक्शन वन फोटी में आपको अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है Uh, किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है या उस ऑडिटर को नहीं अपॉइंट रीअपॉइंट करना है स्पेसिफिकली ये लिखना है या किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है या उनकी प्लेस में किसी और को अपॉइंट करना है तो ये चार हमारे ऑडिटर और डायरेक्टर के ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे स्पेशल नोटिस देनी पड़ती है मतलब पहले से अपना इंटेंशन बताना होता है वो इंटेंशन सर्कुलेट होगा वो पूरा प्रोसीजर होगा तभी आपका ये एजेंडा पुट फॉर्थ किया जाता है और मैटर आगे डिस्कस किया जाता है सो दिस इज समथिंग विच रिक्वायर स्पेशल नोटिस ठीक है स्पेशल प्रोसीजर यू कैन से इसके बाद आते हैं हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग तो हमें सेपरेट मिनट बुक बनानी है हर तरीके की मीटिंग के लिए ये फेयर और करेक्ट समरी होती है साइंड होती है डेट डली होती है कग्जीक्यूटिवली नंबर्ड होती है ये लूज पेजेस नहीं होंगे हर इट इज प्रिजर्व परमानेंटली ऐसा नहीं है कि आठ साल तक प्रिजर्व करना है इट इज प्रिपेयर एंड साइंड विद इन थर्टी डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग कौन साइन करता है चेयरमैन साइन करता है कहाँ रखी जाती है रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या इंस्पेक्शन के लिए ओपन होती है हाँ बाय मेंबर्स विदाउट चार्ज ठीक है चलो और इसके बाद आता है हमारा एक और सेक्शन जो सेक्शन 92 टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एनुअल रिटर्न का हमारा एक सेक्शन है हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है दो केसेस होते हैं कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुई ही नहीं देखो अगर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो गई जब आपके एजीएम हुई उसके सिक्सटी डेज के अंदर अंदर आप एक एनुअल रिपोर्ट रिटर्न बनाइए और देखो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट इज दैट कंपाइल्ड सेट जिसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं एनुअल रिटर्न इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जो आपको एनुअल बेसिस पे देनी होती है ठीक है सो दैट इज समथिंग डिफरेंट एम जी टी सेवन हमारा फॉर्म होता है एक एवरेज फॉर्म भी है एम जी टी सेवन ए ठीक है तो वो एक अलग चीज़ है फाइन तो आप एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करते हो एंड दैट इज़ प्लेस्ड ऑन वेबसाइट एंड द वेब लिंक इज डिस्क्लोज इन बोथ रिपोर्ट जस्ट अ सेकेंड ठीक है इसका फॉर्म नंबर क्या है इसका हमारा फॉर्म होता है एम जी टी सेवन वी ऑल्सो हैव एवरेस्ट फॉर्म एम जी टी सेवन ए फॉर ओ पी सी एंड स्मॉल कंपनीज ठीक है तो ये एनुअल रिपोर्ट रिटर्न बनाना है इसको कौन साइन करता है इट इज साइंड बाय अगर हमारी लिस्टेड कंपनी है या फिर कंपनी पेड़ अप कैपिटल ऑफ मोर देन टेन सी आर या फिर कंपनी विद टर्न ओवर ऑफ मोर देन फिफ्टी सी आर तो ऐसी सिचुएशन में एक सी एस सर्टिफिकेट भी लगता है इन एडिशन टू साइनिंग और अदरवाइज क्या होता है कंपनी में अगर सी एस है तो डायरेक्टर और सी एस साइन करेगा अगर सी एस नहीं है तो डायरेक्टर प्लस एनी सी एस इन प्रैक्टिस ठीक है जो ओपीसी स्मॉल कंपनी होती है बाई सी एस और अगर सी एस नहीं है तो सिंपली uh, एक डायरेक्टर ये हम किसको फर्निश करते हैं ये हम फर्निश करते हैं आर ओ सी को सेक्शन नाइन्टी टू इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं राइट जस्ट अ सेकेंड आपको इसमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो हमारे एनुअल रिटर्न की हम बात कर रहे हैं इसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या जाते हैं तो हमारा कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी क्या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इनके मेंबर्स कौन हैं डिबेंचर होल्डर्स कौन हैं राइट प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के एम पी अगर कोई चेंज आया है तो उनके बारे में द नंबर ऑफ मीटिंग्स बोर्ड की मीटिंग्स क्लास मीटिंग्स जो हमारी हुई हैं जो के एम पी हैं और डायरेक्टर्स हैं उनकी रेम्यूनरेशन के बारे में कंप्लायंस सर्टिफिकेट राइट और डिटेल्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं या मैटर्स जो भी प्रिस्क्राइब होते हैं ये सारी चीजें हमारे एनुअल रिटर्न में जाती हैं तो ये चीजें भी आपको एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से याद रखनी है राइट चलो ओके नाउ द चैप्टर ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले हमारा डायरेक्टर का चैप्टर आता है डायरेक्टर में क्या है सबसे पहली बात तो डायरेक्टर होता कौन है सेक्शन टू क्लॉस थर्टी फोर में डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है जिसका मतलब होता है डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ठीक है तो मतलब बोर्ड में जो अपॉइंट हुआ एज अ डायरेक्टर उसको हम डायरेक्टर मानेंगे उसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं और वो डेफिनेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछी भी नहीं जाती है ठीक है कोई भी मैनेजर है या कोई और मैनेजेरियल पर्सनल है जो भले ही कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है और उस तरीके का काम कर रहा है बट उसको हम डायरेक्टर मानेंगे नहीं ठीक है इसके बहुत सारे केस लॉज भी हुए हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बट यू शुड नो दैट राइट एक और हमारी छोटी सी डेफिनेशन आती है ऑफिसर की ऑफिसर राधर ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं भाई कोई भी डायरेक्टर है वो ऑफिसर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है तो जब हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहते हैं तो भाई वो एक डायरेक्टर ने भी अगर डिफॉल्ट की होती है तो वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेक्शन 149 हमको बताता है कि कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम एक दो और तीन ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक के हिसाब से और मैक्सिमम फिफ्टीन इन केस ऑफ ऑल कंपनीज हाउ एक कंपनी में पंद्रह से ज़्यादा भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं बट उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ठीक है दिस मैक्सिमम लिमिट एंड ऑल डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनीज एंड सेक्शन एट कंपनीज बट प्रोवाइडर वो कंडीशन फुलफिल करें जो हम फाइलिंग की डिफॉल्ट की कंडीशन बात करते हैं कि भाई आपका एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी अगर फाइलिंग की डिफॉल्ट है तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो और उसके बाद आपको ये जो नॉन एप्लीकेबिलिटी का एग्जेम्पन है फायदा है ये नहीं मिलता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज डायरेक्टर प्रोवाइडेड दे हैव अ डिन ठीक है तो कोई भी बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता है बिना डिन के ठीक है तो अभी डिन के बारे में हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे उसके पहले हम बात करते हैं रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स की एक मिनट उसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई डायरेक्टर करता क्या है डायरेक्टर हमने अपॉइंट तो किया है डायरेक्टर करेगा क्या तो डायरेक्टर आर्टिकल्स के हिसाब से काम करता है अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है ड्यू केयर स्किल एक्सरसाइज करता है एंड uh, कभी भी कोई भी सिचुएशन आए हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है कोई भी अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं लेता है एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं करता है किसी और को असाइन करने का मतलब ट्रांसफर नहीं करता है दैट इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड अगर आप ऐसा करते हो तो वो अवॉइड होगा कंपनीज एक्ट कहीं पे भी ये नहीं बोलते है कि भाई डायरेक्टर के पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए नहीं पर हाँ डायरेक्टर के लिए डिसक्वालिफिकेशन जरूर लिखे हुए हैं सेक्शन 164 में जो हमको बताते हैं कि ये ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता है ठीक है तो वो अभी हम पढ़ेंगे उसके पहले एक कंसेप्ट है हमारे पास रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स का तो जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग यूर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर्टिकल्स आपके ये बोल सकते हैं कि ऑल द डायरेक्टर्स एंड ऑल डायरेक्टर्स एंड इफ द आर्टिकल डो नॉट से एनी थिंग हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं नॉट लेसन टू थर्ड मतलब कम से कम टू थर्ड या उससे ज्यादा रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे ठीक है और बाकी नॉन रोटेशनल होंगे जैसे भी आपके हों उस टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से वन थर्ड ऑफ़ रोटेशनल डायरेक्टर्स विल रिटायर at एवरी AGM. तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से टू थर्ड रोटेशनल हुए टू थर्ड में से वन थर्ड हर ए जी एम पर रिटायर करेंगे अगर ए जी एम नहीं हेल्ड होती है तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स वेकेट करते हैं और अगर ए जी एम होती है तो ऑब्वियसली जो भी वैकेंसी अगर उसके बाद क्रिएट हुई है तो द सेम पर्सन में भी अपॉइंटेड या उसकी जगह किसी और पर्सन को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं अब आते हैं हम डिसक्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या है अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है तो उसको आप डायरेक्टर नहीं बना सकते अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है कोई ऐसा है जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है पर अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है कोई ऐसा है जिसको कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है गिल्टी पाया गया है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज और कम से कम उसको छ महीने की इम्प्रजानमेंट मिली है ऐसा होने के बाद मतलब यानी फाउंड गिल्टी उसके बाद से पाँच साल नहीं बीते हैं ठीक है ठीके? आफ्टर हिज सेंटेंस मतलब छः महीने की अगर सज़ा मिली तो छः महीने आप रहे जेल में उसके बाद से पाँच साल नहीं बीते जब पाँच साल बीत जाते हैं तो यू बिकम अगेन क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर बट उसके पहले आप नहीं होते हो ठीक है अगर आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्कवालीफाई कर दिया तब तो आप नहीं कर सकते हो अगर आपने कॉल से न, नहीं पे की हैं कंपनी की राइट एंड सिक्स मंथ हैव इलेब्ज फ्रॉम द लास्ट डेट फिक्सड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कॉल तो अगेन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का कोई ऑफेंस है जिसमें आप दोषी पाए गए हो तो यू आर डिस्कालीफाइड ठीक है एंड अगर uh, आपकी डायरेक्टरशिप इज मोर दैन वॉट इज लिमिट हैज़ बीन इम्पोज सेक्शन 165 में हर एक पर्सन के ऊपर लिमिट इम्पोज की, की गई है कि आप मैक्सिमम इतने ही डायरेक्टर बन सकते इतनी ही कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो तो अगर उसको एक्सीड करोगे तो एंड इफ यू डू नॉट हैव डिन तो अफकोर्स आप डायरेक्टर नहीं बन सकते इसके अलावा आता है हमारा एक सब सेक्शन टू डिसक्फिकेशन बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी मतलब आप एक ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बने हो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना

पर अगर आप नए नए डायरेक्टर बने और कंपनी में ऑलरेडी गड़बड़ी चल रही है तो जब आप नए डायरेक्टर बनते हो आपको छह महीने का समय मिलता है कि छह महीने तक आपको कोई डिस्कवालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करेगा उसके बाद करेगा उसके बाद भी आप चीजें ठीक नहीं कर पाए तो फिर आपके ऊपर क्या होगा डिस्कालिफिकेशन अट्रैक्ट करता है ठीक है ना क्या डायरेक्टर एक बार ज्वाइन करता है तो रिजाइन कर सकता है द आंसर इज येस डायरेक्टर भाई आप एक नोटिस दीजिए इन राइटिंग टू कंपनी और आप क्या कर सकते हो रिजाइन कर सकते हो बोर्ड क्या करेगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा और रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगा जिस मैनर में रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना था डायरेक्टर चाहे तो एक रेजिग्नेशन की कॉपी रजिस्ट्रार को विद इन थर्टी डेज वो भी भेज सकते हैं ठीक है थीके? तो रजिस्ट्रार वो जो रेजिग्नेशन होता है जब आप नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी वो जो या जो डेट स्पेसिफाइड होती है वहाँ से रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाता है रेजिग्नेशन में एक्सेप्टेंस की कोई चीज़ नहीं आती है ठीक है ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर डिनाई कर देगी नहीं 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 हम आपका रेजिग्नेशन नहीं लेते है. तो फिर रिजाइन uh, नहीं करना है नहीं नहीं बिल्कुल करना है ठीक है रिजाइन करने का ऑप्शन है हमारे पास बड़े आराम से ठीक है उसके बाद क्या डायरेक्टर को हटाया जा सकता है हाँ डायरेक्टर को हटाया जा सकता है इनफैक्ट हटाया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स आल्सो एंड बाय द ट्रिब्यूनल आल्सो सेक्शन 169 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 169 में शेयर होल्डर्स को पावर दी गई है कि आप डायरेक्टर को क्योंकि अपॉइंट कर सकते हैं तो आप डायरेक्टर को हटा भी सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि देखो ये डायरेक्टर ने यह घोटाला किया है तो इसलिए हम इसको हटा रहे नहीं आपके पास हक है आपने अपॉइंट किया आप हटा सकते हो पर पर पॉसिबल है एलिजिबल मेंबर क्या करेंगे एक स्पेशल नोटिस भेजते हैं और स्पेशल नोटिस भेजने के बाद कंपनी uh, क्या करती है कंपनी उसकी एक कॉपी डायरेक्टर को भेजती है डायरेक्टर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देते हैं कंपनी वो फॉरवर्ड कर देती है भाई मेंबर्स को एंड अगर नहीं भी फॉरवर्ड कर पाती है तो जनरल मीटिंग में ओरल रिप्रेजेंटेशन रीड की जाती है और उसके बाद जब मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स आते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है डायरेक्टर को भी और उसके बाद एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उस डायरेक्टर को हटाया जा सकता है उसकी जगह या तो कोई भी अपॉइंट नहीं होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि हम किसी और को अपॉइंट कर ले ठीक है ओके okay, मैम इसके बाद हमारी एक चीज़ और आती है रेम्यूनरेशन um, के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये आपको शायद चार्ट्स में नहीं दिखे um, मैं आपको ये दिखा देती हूँ इनकेस यू वॉन्ट टू नोट दिस आप इसका स्क्री, स्क्रीन शॉट ले सकते हो बाकी मैं आपको वैसे बता रही हूँ रेम्यूनरेशन क्या डायरेक्टर्स को मिलेगी हाँ डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगी इंक्लूडिंग मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर और यहाँ पे फिलहाल मैनेजर की भी बात आती है बट सेक्शन 198 हमको बताता है ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनोरेशन जो एक कंपनी दे सकती है वच इज 11 परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स ये चीज आपको जरूर याद रखनी है पर अगर कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे मैम इलेवन ऑफ नेट प्रॉफिट तो मतलब ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन नहीं देंगे देंगे ठीक है ऐसी सिचुएशन में हम शेड्यूल फाइव की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं सारी चीजें होती हैं एंड देर इज मिनिमम रेम्यूनरेशन ये वो सब प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं जो हमको पढ़ना नहीं है डायरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि खुद से अपनी रेम्यूनर फिक्स कर सकते हैं या एक कि पूरे साल में इतना नेट प्रॉफिट हुआ तो उसके हिसाब से तो वो चीजें प्रैक्टिकल लेवल पर अलग होती हैं बट हाँ इस लिमिट के अंदर ही अंदर होंगी अगर ये लिमिट एक्सीड करनी है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके लिमिट एक्सीड की जा सकती है इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन भी दी जा सकती है

ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके इसके बाद आती है हमारी पावर्स ऑफ बोर्ड क्या बोर्ड के पास कुछ पावर्स हैं अनडाउडली बोर्ड के पास बहुत पावर है हमें पता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ पावर्स शेयर होल्डर्स के पास होती है कुछ पावर्स बोर्ड के पास होती हैं ठीक है ठीके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स दी हुई हैं एंड दे कैन डू ऑल द एक्ट दे कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स अ कंपनी कैन सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन्स मतलब अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि नहीं ये काम मेंबर्स ही करेंगे या यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो वहां पर आपको मेंबर्स की परमिशन चाहिए ओ आर चाहिए तो वहां पर भी मेम्बर्स की परमिशन चाहिए अदरवाइज हर एक काम जो एक कंपनी कर सकती है वो आप भी कर सकते हो ठीक है नाउ कुछ पावर्स ऐसी हैं जो बोर्ड मीटिंग पे रेजोल्यूशन पास करने पर ही

पावर्स थ्रू विच एक्ट एमओ अदरवाइज रिस्ट्रिक्ट ठीक है पर आप जितने भी काम करोगे ऑब्वियसली अपने आर्टिकल्स मेमोरेंडम और एक्ट के तहत उसके अंदर ही करोगे उसके बियॉन्ड नहीं करोगे कुछ पावर्स ऐसी हैं जो एक्सरसाइज की जा सकती है ओनली एट बोर्ड मीटिंग वो कौन सी पावर्स है कॉल्स एंड शर्स बाय बैक सिक्योरिटीज इशू करना मनी बोरो करना इन्वेस्टमेंट करना गिविंग लोन गारंटी और सिक्योरिटी जिसको मे जी एस कहते हैं अप्रूवल ऑफ मर्जर डायवर्सिफाइड बिजनेस अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टेक ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ के एम पी या फिर इंटरनल uh, या स्टैचुररी ऑडिटर रिमूवल ऑफ के एम पी इन सारी की सारी की अगर हम बात करें तो ये पावर्स ऐसी हैं जो आप कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली एंड ओनली ऑन बोर्ड मीटिंग ठीक है बाय पास्ट बाय रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ठीक है ओके एक छोटा सा आपके में टॉपिक और दिखता है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल विच इज इरेलीवेंट आइडियली बट हां कभी आपसे कुछ शॉर्ट नोट टाइप का पूछ भी सकता है कुछ कह नहीं सकते कुछ भरोसा नहीं है तो उसमें बात कितनी कही गई है सिर्फ इतना ही किया गया है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है एक ऑपरेशनल कंट्रोलर होता है नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या करेगा भाई फंक्शनल फाइनेंशियल फंक्शंस को देखता है और ऑपरेशनल कंट्रोलर क्या होता है जो ऑपरेशन um, से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस उनके बारे में क्या करता है काम करता है अब ये दोनों क्या है कंट्रोलर हैं तो इन दोनों की फीचर्स कुछ ना कुछ सिमिलर होने चाहिए पर ये बहुत अलग अलग रोल प्ले करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो भाई फाइनेंस में आपको देखना पड़ेगा कि इतना पैसा है मेरे पास इतना पैसा मुझे एलोकेट uh, करना है मतलब यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट आपको बहुत सारे फोरकास्ट करने होते हैं कि आगे कितना पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपको अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना होता है देखना होता है किस चीज़ में कितना एलोकेट करें और उसके बाद देर टू डू दैट रिपोर्टिंग राइट अगर हम ऑपरेशन्स की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन में चीज़ें हमारी बहुत अलग रहती हैं ऑपरेशन में जो बजट हमको एलोकेट करके दिया गया फाइनेंस से रिलेटेड उसको हम देखते हैं कि भाई हमको किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है हमारे डेली के अकाउंटिंग ऑपरेशन है अकाउंट्स पेबल है अकाउंट्स रिसीवेबल है पेरोल है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होता है ठीक है तो दोनों का रोल है ऑपरेशनल कंट्रोलर का रोल थोड़ा सा अलग है और फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल थोड़ा सा अलग है बट अल्टीमेटली दे बोथ आर कंट्रोलर्स इसके बाद हमारी एक और चीज़ आती है जो आती है इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ठीक है मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल कंट्रोलर या कंपनी में जो सी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सेक्शन 134 हमको दो पार्ट में डिवाइडेड है सेक्शन 134 में एक कंटेंट आता है बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में और एक कंटेंट आता है साइनिंग के बारे में तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सी बनती हैं इसको बोर्ड अप्रूव करता है और उसके बाद ये साइन होती हैं बिफोर दे आर हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर फॉर दियर रिपोर्ट ठीक है सबसे पहले क्या होता है भाई फाइनेंशियल कंट्रोलर है जो देख रहा है पूरे फाइनेंस को हैंडल कर रहा है सारी चीजें देख रहा है उसके बाद लास्ट में वो ईयर एंड पे रिपोर्ट बनाता है एक तरीके से अपने फाइनेंस की रिपोर्ट बनाता है जो कंपनीज uh, एक्ट में मैंडेटरी भी है कि भाई यू हैव टू में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन देर रिपोर्ट द सेम ठीक है तो आप रिपोर्ट कैसे बनाते हो अपने बैलेंस शीट और पी एंड एल और नोट्स टू अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये सारी चीजें आप बनाते हो और ये सारी चीजें बनाने के बाद आप बोर्ड को देते हो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करते हैं एंड इट साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ठीक है अब सवाल ये उठता है कि कौन साइन करता है देखो अगर चेयरमैन ऑथराइज है तो चेयरपर्सन अगर नहीं ऑथोराइज है तो दो डायरेक्टर्स जिसमें से एक एमडी होगा एंड सीईओ सीएफओ एंड सीएस अगर अपॉइंटेड है तो जब ये साइनिंग हो सी एफ ओ कंपनी के केस में सिर्फ एक डायरेक्टर साइन करता है अगर ये साइनिंग हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं ऑडिटर को देते हैं अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि एक रिपोर्ट report बनाए रिपोर्टिंग करें कि वेदर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच एव बीन गिवन टू मी रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड प्यर व्यू ऑफ द पिक्चर ऑफ कंपनी और नॉट ठीक है इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो ऑडिटर को चेक करनी होती है जैसे सबसे पहले ऑडिटर की ड्यूटी होती है टू इंक्वायर इन टू सर्टन मैटर्स कि भाई आपने जो लोन्स दिए हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी लेके दिए हैं कि नहीं दिए हैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बुक एंट्री से आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ठीक है अगर Uh, क्या कहते हैं लोन्स एंड एडवाज आपने विच आर मेड बाय द कंपनी ऐसा तो नहीं वो डिपॉजिट्स की तरह है ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर घूमने गया है विदेश और एब्रॉड गया है और उसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम से बुक कर दिया तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपने तो नहीं चार्ज कर लिए गए हैं ठीक है एंड कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादातर लिखे हुए हैं तो कैश क्या एक्चुअल में आया है या नहीं आया है तो बहुत सारी इंक्वायरी होती है जो एक ऑडिटर को करनी होती है एंड इनफैक्ट ऑडिटर रिपोर्ट करता है ऑडिटर बहुत सारी और चीज़ें भी रिपोर्ट करता है कि प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स बने हैं या नहीं बने हैं जो ब्रांच के ऑडिट uh, के रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें स्टेट करनी होती हैं जो आपकी बुक्स है आधी इन एग्रीमेंट विद बैलेंस शीट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कम्पली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है कोई ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर डिस्कवालीफाई हो फिर भी वो चल रहा है ठीक है और मैटर्स जो हमारे कनेक्टेड होते हैं अबाउट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिपोर्ट करनी होती है एक ऑडिटर को ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर विच इज एप्लीकेबल नॉट फॉर ऑल कंपनीज बट कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है तो आपको कारो रिपोर्टिंग भी करनी होती है ठीक है तो बहुत सारी रिपोर्टिंग है जो आप करते हो देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड इज ऑडिट ऑफ गवर्मेंट कंपनीज तो अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ की हम बात करें तो से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे पास है ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को ठीक है और वो ऑडिटर क्या करता है गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करते हैं ठीक है तो वो डायरेक्ट करेंगे कि, कि किस मैनर में आपको ऑडिट करना है और ऑडिटर क्या करेंगे जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसकी एक कॉपी सी को ही सबमिट करते हैं और CAG के पास कुछ एडिशनल पावर्स भी होती हैं कि विद इन सिक्सटी डेज वो क्या कर सकते हैं कैन ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट आल्सो कि एडिशनली हमें कुछ और चीज करानी है या वो ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट कर सकते हैं या सप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ एडिशनल कर सकते हैं इन द ऑडिट रिपोर्ट ठीक है तो ये पावर्स उनके पास होती हैं इसके बाद हमारी एक और चीज़ें आती हैं जो आती है ब्रांच ऑडिट ठीक है तो कंपनी का खुद का ऑडिटर ब्रांच ऑडिट कर सकता है या कोई और बंदा भी ब्रांच ऑडिट कर सकता है सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है अगर कोई और पर्सन ऑडिट कर रहा है ब्रांच का तो जो कंपनी का स्टैचरी ऑडिटर होता है वो उसकी रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट कर लेता है अगर वो खुद करता है तो भाई वो तो करेगा ही करेगा ठीक है तो सच ब्रांच ऑडिटर विल रिपोर्ट ऑन दी अकाउंट्स ऑफ ब्रांच एंड गिव इट टू कंपनीज ऑडिटर जो अपने रिपोर्ट में उसको डील कर लेगा इन द मैनर विच ही डीम्स फिट राइट ओके आ, हमारा एक कॉस्ट ऑडिट का भी प्रोविजन होता है सेक्शन वन फोर्टी में तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट वहाँ पे अपॉइंट होता है फॉर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट उसके ऊपर भी सारे के सारे प्रोविजन एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाते हैं ठीक है इनफैक्ट अगर हमारा ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जहाँ पे भी जो भी सेक्रेटेरियल ऑडिट भी वो करते हैं जो भी कर रहा है एज एन ऑडिटर वो कंप्लाई नहीं करता है तो लिस्टेड कंपनी के, के केस में पेनाल्टी पाँच लाख की और अदर कंपनी के, के केस में पेनाल्टी एक लाख की ये लगती है ठीक है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये काम करो ऑडिटर के लिए भी ज़रूरी है कि भाई ऑडिटर आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओ आप इंक्वायरीज करो आप ब्रांच के रिस्पेक्ट में सतर्क रहो आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करो फ्रॉड रिपोर्ट करो अगर आपकी फ्रॉड लेस दैन वन करोड़ है तो विद इन टू डेज ऑफ नोइंग यू हैव टू टू रिपोर्ट इट द बोर्ड और ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड रिपोर्ट में उसका डिस्क्लोजर जाता है अगर एक करोड़ या उससे ज्यादा है तो भाई आप बोर्ड को तो तुरंत बताओगे ही बताओगे और उनके रिप्लाई का वेट करो और रिप्लाई के साथ भाई आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप ये बताओ कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया और फिर भी आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिपोर्ट द फ्रॉड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भाई एक ऑडिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑडिटर को ये काम करना ही करना चाहिए ठीक है इसके बाद आती है हमारी एक सेक्शन वन सेवेंटी सेवन ऑडिट कमिटी तो ये भी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है हमारी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज या फिर ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनका पेडअप कैपिटल दस करोड़ या उससे uh, ज़्यादा है Uh, या टर्न ओवर हंड्रेड करोड़ या उससे ज़्यादा है या लोन से डिपॉजिट्स इज मोर देन फिफ्टी करोड़ तो ऐसी कंपनीज को क्या करना होता है एक ऑडिट कमेटी बनानी होती है आपके ऑडिट कमेटी में कम से कम तीन डायरेक्टर्स होंगे एंड मेजोरिटी uh, uh, क्या होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होगी सो दिस इज समथिंग कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब करते क्या है ऑडिट कमेटी करती क्या है उनके फंक्शंस वो रिकमेंड करते हैं कि किस ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए कितनी रेग्यूनरेशन होनी चाहिए ऑडिटर कैसे काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है तो पहले उसको देखना एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स स्क्रूटनी ऑफ लोन्स वैल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द यूज ऑफ तो ये सारे के सारे काम क्या करती है ऑडिट कमिटी करती है राइट ओके नाउ एक हमारा सेक्शन 188 आता है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए है जहाँ पे अप्रूवल भी चाहिए होता है ठीक है तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है पर सेक्शन 188 की लिमिट के अंदर वो नहीं आता है वो ऐसे कवर्ड नहीं है तो ऑडिट कमिटी ऑलवेज गिव्स रिकमेंडेशन पर अगर वो चीज़ है तो आपको अप्रूवल चाहिए होता है ठीक है If amount is less than equal to 1 CR and no approval from audit committee, तो नो एंड नो नाटिफिकेशन विद इन थ्री मंथ्स तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी ठीक है अब बात यही है कि सेक्शन 188 मैंने आपको क्लास में थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग बताया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए क्योंकि ऐसे ही मैं सिर्फ बोलूंगी विदाउट एक्चुअली मेकिंग यू रीड दैट पर्टिकुलर सेक्शन बिकम्स डिफिकल्ट बट ठीक है ओवरऑल आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए कि भाई ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अकॉर्डिंग अप्रूवल इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो वहां पर भी वो अप्रूवल देते हैं ठीक है ऑडिट कमिटी बहुत सारी जगह भाई इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कुछ मैटर्स होते हैं जो बोर्ड रेफर करते हैं उसके केस में इन्वेस्टिगेट भी करते हैं एंड दैट्स uh, uh, आपकी चलो ये तो मैं ना रिवाइज नहीं करा रही हूँ आपको दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ओनली वी हैव लिमिटेशन तो मैं उतना आपको नहीं करा रही हूँ वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज विजल लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी विद पब्लिक डिपॉजिट्स एंड कंपनी विद बोरिंग्स मोर देन फिफ्टी करोड़ ये क्या कर सकते हैं इनको मैंडेटरी होता है विजल मैकेानिज्म इस्टेब्लिश करना अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी ओवरसी करती है विजल मेकानिज़म अगर नहीं है Uh, तो बोर्ड क्या करेगा नॉमिनेट करेगा एक डायरेक्टर को एंड दैट विल बी ओवर सीन द विजन मैकेनिज्म ठीक है इसके अलावा हमारी एक चीज़ और आती है आई होप यू ऑल नो अबाउट के एम पी क्योंकि हमने इतना के एम पी के एम पी बोला सेक्शन टू क्लास फिफ्टी वन में हमारी के एम पी की डेफिनेशन होती है जिसमें सी ई मैनेजर डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम डायरेक्टर सी एफ ओ कोई भी और ऑफिसर बिलो बोर्ड मतलब एक ही लेवल हु इज़ इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डिजिग्नेटेड एज के एम पी तो वो हो सकता है और कोई भी और ऑफिसर जो प्रिस्क्राइब किया गया हो इसके अलावा हमारी जो दूसरी डिसीशन मेकिंग अथॉरिटी थी विच इज़ राइट शेयर होल्डर्स है ना तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक सेक्शन टू क्लॉस फिफ्टी फाइव आता है जहाँ पे मेम्बर डिफाइंड है मेम्बर कैसे आप बनते हो अगर आप मेमोरेंडम पर सब्सक्राइब करते हो दैट मीन्स यू एग्री टू बिकम द मेम्बर्स ऑफ द कंपनी आप मेंबर बन जाते हो ठीक है बाद में कंपनी बनने के बाद आप इन राइटिंग एग्री करते हो आपका नाम चढ़ता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आप मेंबर बन जाते हो आप अगर शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो भी आप मेंबर हो अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो भी आप मेंबर्स हो मतलब अगर जैसे डीमैट फॉर्म में अब शेयर्स हैं इफ़ आई होल्ड द शेयर्स ऑफ रिलायंस मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है Reliance, मेरे पास कोई फिजिकल शेयर्स नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर में मेरा नाम भी नहीं होगा क्योंकि डिपॉजिटरी जहाँ से मैंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं उनके पास मेरा नाम लिखा हुआ है तो आई एम स्टिल द मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट तो इस तरीके से हम मेंबरशिप ऑप्टेन कर सकते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम द मेंबर कि हाँ आप इन राइटिंग एग्री करते हो टू टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड रजिस्ट्रेशन मतलब आपका नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में या फिर आपका नाम होता है डिपॉजिटरी में तो उस केस में क्या बनते हो आप मेंबर ऑफ एनी कंपनी ठीक है ओके okay. कैसे कैसे हम शेयर्स ऑप्टेन कर सकते हैं मैम हम फर्स्ट शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मतलब खरीद सकते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मेंबर राइट कभी कभी राइट शेयर्स का ऑफर देती है कंपनी तो राइट शेयर्स जब रिनाउंस होते हैं हम वहां से ले सकते हैं राइट right. कभी कभी मेरे फादर के पास मान लो शर्स था वो ट्रांसमिट होकर मेरे पास आ गया तो वैसे आ सकता है ठीक है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिए थे एंड वो कन्वर्ट हो गए मतलब ऑप्शन मिला मुझे टू कन्वर्ट इन टू इक्विटी और मैंने कन्वर्ट करा लिए तो मैं शेयर होल्डर और मेम्बर बन गई ठीक है ये सारी चीज़ें होती हैं शेयर होल्डर बनने का क्या मैम या कंपनी के मेंबर बनने का कोई फायदा होता है येस yes, अनडाउली आप वोट कर सकते हो आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो आपको मीटिंग की नोटिस मिलती है आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो ठीक है आप मेंबर uh, uh, आपको एक अधिकार मिलता है कि आप कंपनी को बोल सकते हो कि ये रेजोल्यूशन आप सर्कुलेट करिए जैसे स्पेशल नोटिस वगैरह हम भेजते हैं ना इफ़ वी आर एलिजिबल तो वो सर्कुलेशन होता है हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं राइट right? हमको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमको प्रोड्यूस किया जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट वी इलेक्ट द डायरेक्टर्स हमको डिविडेंट का अधिकार मिलता है अगर कंपनी डिविडेंड देगी डिक्लेयर करेगी तो भाई हमको मिलेगा ही मिलेगा राइट सो वी ऑल्सो गेट की कंपनी अगर बंद होती है वाइंड अप होती है तो जो उसमें एक्स्ट्रा शेयर होता है वो हमें मिलता है सो वी हैव अ लॉट ऑफ राइट्स विच आर नॉट एग्जैक्टली गिवन इन वन सेक्शन बट पूरे कंपनीज एक्ट में जगह जगह आपको ये चीज़ें मिलती हैं राइट ओके